तो नमस्कार सभी व्यूअर्स है और इस इनिंग ब्रेक में जुड़ चुके हैं आप सबके साथ साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का दूसरा ओडीआई मुकाबला, जहां पर न्यूजीलैंड ने बनाए हैं 253 रन और पूरी टीम जो है वो ऑल आउट हो गई। 49.5 गेंदे ही खेल पाई थी न्यूजीलैंड की टीम। अब टारगेट जो दिया है साउथ अफ्रीका को वो 254 रन का दिया है और 254 रन बनाने हैं 50 ओवर के अंदर। तो साउथ अफ्रीका की टीम क्या यहां से बनाते हुए नजर आएगी इस स्कोर को ये देख रहा होगा। तो आप सब लोग जो है वो जुड़ जाइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलो बात करते हैं यहाँ पर, जी हाँ बात करेंगे यहाँ पर मैच के सूरतिहाल की तरफ। जी हाँ, मैच का सूरतिहाल जो है वो किस प्रकार रहा है यहाँ पर। तो मैच का सूरतिहाल इस प्रकार रहा है कि टॉस जीता था आज साउथ अफ्रीका ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया इस अहम T20, जी हाँ इस अहम ODI मुकाबले के अंदर। जी हाँ, दूसरा ODI मुकाबला है, पहला ODI मुकाबला साउथ अफ्रीका जो है वो अपने नाम कर चुकी है। अगर आज का मुकाबला भी जीत जाती साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो सीरीज़ को जीत लेगी। वहीं न्यूजीलैंड के पास, जी हाँ न्यूजीलैंड के पास मौका है सीरीज़ को बराबर करने का इस मुकाबले के अंदर। और न्यूजीलैंड ने जो है पहले बल्लेबाजी करी, साउथ अफ्रीका ने करी गेंदबाजी और न्यूजीलैंड ने बनाए 253 रन और पूरी टीम जो है वो ऑल आउट हो गई। 49.5 गेंदे ही खेल पाई थी यहाँ पर टीम। अगर बात की जाए तो यहाँ पर गेंदबाजी जो है वो काफ़ी अच्छी रही यहाँ पर साउथ अफ्रीका की और लग रहा था कि एक बड़े स्कोर की तरफ न्यूजीलैंड की टीम बढ़ रही है, मगर यहाँ पर रोक दिया यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने और 253 रन, पहले मुकाबले से ज़्यादा रन ही बने हैं यहाँ पर इस मुकाबले के अंदर। अगर बात की जाए तो अब बात करते हैं स्कोर कार्ड की। जी हाँ, स्कोर कार्ड जो है वो किस प्रकार रहा है आज के इस मुकाबले के अंदर जो है टीमों का वो देख ले ज़रा। तो चलिए न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी क्रम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए आपके सब सामने है स्कोर कार्ड। जी हाँ, यहाँ पर ओपनिंग करने, जी हाँ एमिला कर और सूजी बेट्स जो है वो ओपन करने आई थी। एमिला कर ने बनाए 88 रन, 110 गेंदों का सामना किया, 14 चौके लगाए, स्ट्राइक रेट जो है वो 80 का रहा। और एमिला कर को यहाँ पर मलाबा ने बोल्ड किया और 88 रन पे एमिला कर जो है वो आउट हुई। उनके साथ आई थी सूजी बेट्स जो है ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। 29 गेंदों का सामना किया, 14 रन बनाए, यहाँ पर एक चौका लगाया, स्ट्राइक रेट जो है 48.28 का रहा। उनको भी कहीं ना कहीं ममता क्लास ने जो है क्लीन बोल्ड किया सूजी बेट्स को और सूजी बेट्स जो है वो 14 रन पे आउट हुई। वहीं सोफी डिवाइन नंबर 3 पे आई थी, 11 गेंदों में 12 रन बनाए, 2 चौके लगाए, स्ट्राइक रेट जो है 109.09 का था। लग रहा था कि आज कुछ करेंगी, मगर सोफी डिवाइन को भी क्लीन बोल्ड किया क्लास ने और 12 रन पर जो है सोफी डिवाइन अपना विकेट गंवाते हुए नजर आए। वहीं अगर बात की जाए नंबर 4 पर मैडी ग्रीन आई थी, मैडी ग्रीन ने एक ज़बरदस्त पारी जो है वो खेली, 50 गेंदों में 43 रन बनाए, 5 चौके लगाए, स्ट्राइक रेट जो है 86 का था। उन्हें कॉटन बोल्ड किया मलाबा ने, जी हाँ मलाबा ने यहाँ पर कॉटन बोल्ड किया मैडी ग्रीन को और 43 रन बनाकर मैडी ग्रीन आउट हुई। उसके बाद नीचे के जो बल्लेबाज थे, मिडिल बल्लेबाज जॉर्जिया प्राइमर और ब्रुक हाल्डे का आज का मुकाबला कुछ खास नहीं रहा। जॉर्जिया प्राइमर जो है दूसरे मुकाबले में फेल रही, यहाँ पर 5 गेंदों में बनाए सिर्फ 1 रन जॉर्जिया प्राइमर ने, स्ट्राइक रेट जो है 20 का रहा। उनको मलाबा ने बोल्ड किया। वहीं अगर बात की जाए ब्रुक हाल्डे की, तो ब्रुक हाल्डे ने भी 2 गेंदें खेली, मात्र 1 रन बनाया यहाँ पर और उनको भी बोल्ड किया अवंगा खाखा ने। मगर हाना रोवे जो है वो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आई, 54 गेंदों में 39 रन बनाए, 3 चौके यहाँ पर लगाए, स्ट्राइक रेट जो है 73 का रहा। उनको भी बोल्ड किया रनडी क्लार्क ने, हेनर रोवे ने बनाए 39 रन, 54 गेंदों का सामना किया। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर जो है अब इजाबेला गाजी की, विकेटकीपर बल्लेबाज, आज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, 2 गेंदें खेली, कोई रन नहीं बनाया। उनको LPW आउट किया मरजम कैप ने। इजाबेला गाजी जो हैं अब वो 0 के स्कोर पर आउट हुए। जेस कर्न को क्लीन बोल्ड किया रनडी क्लार्क ने, 9 गेंदों में बनाए सिर्फ 4 रन और स्ट्राइक रेट जो है वो 45 का रहा। लिया तुहू जो है वो नाबाद रही, 26 गेंदों में 22 रन का सामना किया और 26 गेंदों में 22 रन बनाए, यहाँ पर 2 चौके लगाए, नाबाद रही। वही ईडन कार्सन को जो है वो 0 के स्कोर पर आउट हुए, 1 गेंद का सामना किया, LPW आउट किया रनडी क्लार्क ने। तो ये रही बल्लेबाजी पूरी नाबाद रही यहाँ पर जो है लिया तुहू, जिन्होंने 22 रन बनाए। वहीं एक्स्ट्रा की बात की, 27 रन एक्स्ट्रा दिए साउथ अफ्रीका ने, 22 के 0 रन थे लेग बाय के साथ। वाइड आज काफ़ी ज़्यादा 20 वाइड देते हुए नजर आए हैं यहाँ पर, वाइड के रन जो है वो देते नजर आई साउथ अफ्रीका की टीम। तो ये है पूरी बल्लेबाजी न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी जो है उतनी कुछ खास रही नहीं आज, सिर्फ एमिला कर जो है वो एक बड़ी पारी खेल पाए, मैडी ग्रीन ने एक छोटी सी कैमियो खेला मगर उतने बड़े स्कोर पर पहुंच नहीं पाए। मगर तब भी 253 रन बनाए और ऑल आउट हुई न्यूजीलैंड की टीम 49.5 गेंदों के अंदर। अब बात करते हैं गेंदबाजी की। जी हाँ, गेंदबाजी क्रम किस प्रकार रहा साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका गेंदबाजी जो है किस प्रकार रही इस मुकाबले के अंदर, जरा उस पर
पे भी नजर डाल ले यहाँ पर कि गेंदबाजी जो है वो किस प्रकार रही यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप शुरुआत की मरजम कैप ने, जी हाँ शुरुआत की मरजम कैप ने यहाँ पर 10 ओवर किए, कोई मैडन ओवर नहीं रहा, 50 रन देकर एक विकेट चटकाते हुए नजर आए। इकोनॉमी जो है वो 5 की रही यहाँ पर। अभंगा खाखा ने भी 10 ओवर किए, 44 रन दिए, एक विकेट चटकाया और इकोनॉमी जो है वो 4.44 की रही। मसबता क्लास ने 8 ओवर किए, 46 रन दिए और 2 विकेट जो है वो चटकाते हुए नजर आए, इकोनॉमी 5.75 की रही। वहीं नंडनडी क्लार्क आज भी बेहतर गेंदबाजी जो है वो करते नजर आई, 8.5 गेंदे करी और 44 रन दिए और 3 विकेट चटकाए, इकोनॉमी 4.98 की रही। और ननकिल को मलाबा की बात की जाए तो 10 ओवर किए, 41 रन दिए, उन्होंने भी 3 विकेट चटकाए, इकोनॉमी जो है वो 4.10 की रही। मलाबा और रेनडी क्लार्क को 3-3 विकेट मिले, 2 विकेट मिले यहाँ पर, मसबता क्लास को 1-1 विकेट मिला यहाँ पर, मरजम कैप और आयबोंगा खाखा को। तो ये रही पूरी गेंदबाजी यूनिट। अब टारगेट जो मिला है साउथ अफ्रीका को मिला है वो 254 रन का मिला है, जो कि 50 ओवर पूरे करने हैं। तो आज साउथ अफ्रीका की टीम ने कोई भी चेंजेस किए नहीं टीम के अंदर। इस टीम के अंदर आज लॉरा वुलवर्ट जो है वो खेल रही हैं, तजमिन ब्रिट्स इस टीम के अंदर हैं, मरजम कैप है, सना लुइस है, लॉरा गॉडवल जो है इस टीम के अंदर, एनडी क्लार्क, चार्ली टरॉन और सिनालो जाफ्ता इस टीम की बैटिंग ऑर्डर के लाइनअप के अंदर है। इन्हीं पर जिम्मेदारी होगी आज 254 रन बनाने की। तो क्या 254 रन बना पाएगी साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड जो है वो रोक पाएगी, ये देखना होगा। तो जुड़ते रहिएगा आप सब लोग, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। इनिंग ब्रेक बस कुछ ही देर में समाप्त होगी, जी हाँ इनिंग ब्रेक जो है बस कुछ ही देर में आपको समाप्त होते हुए नजर आएगी और साउथ अफ्रीका जो है बल्लेबाजी करेगी, न्यूजीलैंड जो है वो गेंदबाजी करेगी। मगर उससे पहले आप सब लोग सेटबेट के साथ जुड़ जाइएगा, सेटबेट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 200 रुपए का है, मिनिमम बैट जो है सिर्फ 10 रुपए की है और पहले डिपॉजिट करने पर आपको 100% का बोनस मिलता है। मान लीजिए 500 रुपए डिपॉजिट करेंगे तो 500 का एक्स्ट्रा बोनस, 1000 रुपए डिपॉजिट करेंगे तो आपको 1000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा सेटबेट की तरफ से। तो यहां पर डिपॉजिट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, विड्रॉल आपको 15-20 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाता है। तो फ्रेंड जाकर सेटबेट को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैट में पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी आईडी ले लीजिएगा। सेटबेट पर करना क्या है, लिंक को क्लिक करेंगे, अपनी आईडी बनाएंगे, डिपॉजिट करेंगे, 100% का बोनस आपको मिलेगा, उसके बाद टीम प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर बस अब कुछ ही देर में ये मुकाबला जो है वो शुरू होते हुए नजर आएगा। सेटबेट के ऊपर आप सारे मुकाबले ला दे सकते हैं, चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, टेनिस का हो, कोई भी मुकाबला हो, सारे मुकाबले ला दे सकते हैं। तो चलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, मुकाबला बस कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होने वाला है। प्लेयर जो है बस ग्राउंड की तरफ एंटर करना शुरू कर चुके हैं, जी हाँ आप देख सकते हैं कि प्लेयर जो है वो ग्राउंड की तरफ एंटर करना शुरू कर रहे हैं इस टोटल को चेज करने के लिए। यहाँ पर जो है वो आ रही है साउथ अफ्रीका की टीम, गेंदबाजी मिली है जेस्कर को, जी हाँ जेस्कर के हाथ में गेंद है, जेस्कर जो है वो गेंदबाजी करते नजर आएंगे इस इनिंग ब्रेक के बाद। जी हाँ इनिंग ब्रेक खत्म हो चुकी है, बस अब प्लेयर जो है वो ग्राउंड की तरफ एंटर कर रहे हैं। लॉरा वुलवर्ट और तजमिन ब्रिट्स ओपन करते हुए नजर आएंगे। चलिए पहली गेंद डल चुकी है, जेस्कर ने पहली गेंद डाली है, लॉरा वुलवर्ट को कोई रन नहीं मिला है इस गेंद पर। तो पहली गेंद जो है वो डॉट गेंद है और यहाँ पर 299 गेंदों में 254 रन चाहिए जीतने के लिए। जेस्कर एक बार फिर से ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलती हुई, बढ़िया गेंद थी यहाँ पर, मगर शॉट खेला था लॉरा वुलवर्ट ने, फील्डर से हुई मिस, फेल लीजिए चौका मिलता हुआ। इस चौके के साथ साउथ अफ्रीका वुमेन्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन बिना किसी नुकसान के, 2 गेंदों का, जी हाँ 2 गेंदों का खेल हुआ और यहाँ पर न्यूजीलैंड से मिस फील्डिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। न्यूजीलैंड को सोचना होगा कि स्कोर ज़्यादा बड़ा है नहीं, यहाँ पर आपको फील्डिंग जो है वो सही रखनी होगी। अगर स्टार्ट अच्छा मिल गया साउथ अफ्रीका को तो ये मुकाबला जो है वो हाथ से निकल जाएगा न्यूजीलैंड के। अब देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी जो है वो करके दिखाते हैं। तो प्लेयर ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं, 298 गेंदों में 250 रन चाहिए जीतने के लिए। जेस्कर के ओवर की तीसरी गेंद लॉरा वुलवर्ट को, इस बार बढ़िया गेंद थी जेस्कर की, जी हाँ यहाँ पर ऑस्टन के बाहर ड्राइव किया था मगर कवर फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर लग रहा है क्या भाई, बिल्कुल न्यूजीलैंड को ही सपोर्ट कर रहे हैं, शुरू से ही न्यूजीलैंड को ही सपोर्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे न्यूजीलैंड जो है इस मुकाबले को जीते, तो अभी भी न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, आकाश भाई। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी जो है वो काफ़ी अच्छी है, उम्मीदें यही है कि न्यूजीलैंड जो है वो बल्लेबाजी जो है काफ़ी अच्छी करे और मुकाबला जो है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पर देखने को मिले। एक बार फिर से अच्छी गेंद थी जेस्कर की मगर थोड़ा सा
मिस कर गई यहाँ पर लॉर्ड विराट और विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं मिलेगा। चार गेंदें हो गई हैं, चार रन बेटा के नुकसान के साउथ अफ्रीका का स्कोर। पढ़ के गेंद अंदर की तरफ आ रही है, यहाँ पर आसान नहीं हो रहा है यहाँ पर स्विंग को काउंटर करना। जी हाँ, स्विंग को काउंटर करना आसान नहीं हो रहा है। अब देखते हैं स्विंग को किस तरीके से काउंटर जो है वो करते नजर आएंगे। एक बार फिर से जस्कर की है, फिल्म की गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया मिड ऑफ की दिशा में, फील्डर मौजूद है यहाँ पर, कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। तो डॉट गेंद आती हुई, पहला ओवर बड़ा ज़बरदस्त, दूसरी गेंद पर चौका लगा था, मगर उसके बाद लगातार तीन गेंदें जो हैं डॉट कराते हुए नजर आई हैं जस्कर। 295 गेंदों में 250 रन चाहिए जीतने के लिए, टारगेट जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पर। एक बार फिर से गेंद लेकर चलेंगे जस्कर, जस्कर के ओवर की आखिरी गेंद लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को पड़ने के बाद ऑस्टन के बाहर, ये गेंद नीची रही थोड़ी सी एक गेंद, और यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई। जी हाँ, थोड़ा सा संयम के साथ जो है बल्लेबाजी यहाँ पर करनी होगी, और किस प्रकार ये खेल चलेगा इसको भी समझना होगा यहाँ पर। देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूरत हाल। तो जो भाई नए जुड़ रहे हैं वो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में। क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ मुकाबला जो है वो काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है, और देखते हैं आज किस प्रकार की सिचुएशन है। न्यूजीलैंड ने यहाँ पर एक अच्छी बल्लेबाजी जो है वो करके दिखाई थी, अब साउथ अफ्रीका को भी एक अच्छी बल्लेबाजी करनी है। न्यूजीलैंड की बात की जाए, न्यूजीलैंड की तरफ से अमीला कर ने एक ज़बरदस्त लाजवाब पारी जो है वो खेली थी और स्कोर बढ़ाया था। तो यहाँ से टारगेट जो है 250 रन चाहिए जीतने के लिए, 294 गेंदों में जो रिक्वायर रन रेट है वो 5.10 का है। अब उनके साथी गेंदबाज लिया थुहू, दूसरे एंड से लिया थुहू जो है वह गेंदबाजी जो है वह करते नजर आएंगे इस मुकाबले की एक बार फिर से। और यहाँ पर देखते हैं एक बार फिर से ऑस्टम्प, ये गेंद टचमैन ब्रिस्ट को खेला है मिड विकेट दिशा में, फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। साउथ अफ्रीका जीत सकती है भाई, साउथ अफ्रीका जीत सकती है, मगर आज मार्केट जो है पता नहीं न्यूजीलैंड के साथ है, इसलिए मैं भी न्यूजीलैंड के साथ हूँ। हेलो सर, चाय नाश्ता कुछ कर लो। शिवशंकर भाई कर लिया था, इंटरनेट बंद था, उसमें चाय नाश्ता ही कर लिया था। तो अपने अपने कमेंट्स जो है वो कर दीजिएगा, और मुकाबले में हमारे साथ जो है वो जुड़ जाइएगा। खेला होबे कि पहला होबे तो समय बताएगा, मगर मुकाबला जो है काफ़ी ज़बरदस्त रहने की उम्मीद है। इस बीच अब स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज, जी हाँ स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज हैं यहाँ पर, वो हैं लिया थू की ये दूसरी गेंद, ऑस्टम पे ये गेंद थी, ड्राइव किया मगर अंपायर ने तुरंत ही नो बॉल का इशारा कर दिया यहाँ पर। पैर जो है वो आगे चला गया लिया थू का, और तेजमिन ब्रिट्स को मौका मिल गया इस गेंद को बाउंड्री पर बाहर पहुँचाने का। जी हाँ, ये ऐसी ख़राब गेंदबाजी शुरुआत में करनी नहीं चाहिए। पिछला ओवर अच्छा गया था, चार रन आए थे, मगर लिया थू की ये गेंद अच्छी थी, मगर इस बार पैर को थोड़ा सा क्रीज के अंदर नहीं रख पाई और नो बॉल हो गई ये गेंद। अब लिया थू, जी हाँ, दूसरी गेंद दोबारा डालेंगे और वो फ्री हिट गेंद होगी। तेजमिन ब्रिट्स के पास मौका होगा गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुँचाने का। जी हाँ, और एक बार फिर से यहाँ पर खेल दिया इस गेंद को डीप मिड विकेट दिशा में, बाउंड्री के बाहर, चार रन खेले तेजमिन ब्रिट्स। जी हाँ, मौके पर भुनाया और चौका बटोरा, चौके के साथ अपना खाता खोलती हुई 9 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 1.2 गेंदें हो चुकी हैं, थोड़ी सी गलती दिया थू की, ऐसे अगर बल्लेबाज को सेट करेंगे तो काम बनेगा नहीं। रूम बनाया था और बिल्कुल बाउंड्री बटोरी है डीप मिड विकेट दिशा में। 292 गेंदों में 245 रन चाहिए जीतने के लिए, विकेटों की तलाश है, क्या विकेट मिल पाएगी इस मुकाबले के अंदर ये देखना होगा। एक बार फिर से स्ट्राइक पे मौजूद तेजमिन ब्रिट्स, लिया तो हूँ कि ये गेंद ऑस्टन की तरफ पटकी हुई, गेंद कट कर दिया, पॉइंट के ऊपर से खेला इस शॉट को, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, चार रन के लिए। एक और चौका आता हुआ तेजमिन ब्रिट्स के बल्ले से, और लगातार ये दो बाउंड्री बैक टू बैक, दो बाउंड्रीज आती हुई, 13 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 1.3 गेंदे हो चुके हैं, 291 गेंदों में 241 रन चाहिए जीतने के लिए, और लग रहा है कि भैया तेजमिन ब्रिट्स जो है वो अलग लय में आई हैं, अलग लय में बल्लेबाजी जो है वो कर रही हैं। उम्मीदें यही हैं कि ज़बरदस्त खेल जो है वो देखने को मिले, ज़बरदस्त स्कोर जो है बने यहाँ पर, मगर दबाव, जी हाँ दबाव डाल दिया है गेंदबाजी यूनिट के ऊपर। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए ऑस्टम पे गेंद, इस बार ड्राइव किया मगर कवर फील्डर मौजूद है, कोई भी रन जो है वो नहीं मिलेगा इस गेंद पर। डॉट गेंद आती हुई, इस डॉट गेंद के साथ जी हाँ स्कोर अभी भी यहाँ पर 13 रन बिना किसी नुकसान के, 1.4 गेंदों के बाद। जी हाँ, लिया थू को वापसी करनी होगी इस मुकाबले के अंदर, तो क्या वापसी कर पाएंगी यहाँ पर।
ये समझना होगा, ये जानना होगा। यहाँ पर चलिए एक बार फिर से अगली गेंद लिया तू के इस ओवर की, सामने है तजमिन बिट्स, छह गेंदों में 8 रन बना चुके हैं। फिर से ऑस्टम पे गेंद सीधे बल्ले से खेला मिड ऑफ की तरफ, क्या फील्डर तक गेंद पहुंच पाई थी क्योंकि कैच का मौका बन रहा था मगर फील्डर तक गेंद पहुंच नहीं पाई। और तजमिन बिट्स बिल्कुल क्रीज पे मौजूद हैं, 241 रन चाहिए जीतने के लिए, रिक्वायरमेंट रेट 5 का यहाँ पर चल रहा है। मगर शुरुआती ओवर जो लिया थू का है वो अच्छा जा रहा है, एक मौका जो है बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच अब ओवर की आखिरी गेंद जो है वो लेकर चल रही हैं लिया थू, स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज यहाँ पर तजमिन बिट्स को ये गेंद पटकी हुई गेंद, अंदर आती हुई गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला था, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद निकल गई सीधा थर्डमैन की दिशा में, 1 रन मिलता हुआ। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 14 रन बन चुके हैं यहाँ पर बिना किसी नुकसान के। साउथ अफ्रीका वुमेन्स का स्कोर है 288 गेंदों में, 240 रन चाहिए जीतने के लिए, स्ट्राइक पे हैं तजमिन बिट्स। मुकाबला काफी जबरदस्त रहने की उम्मीद है। यहाँ पर अली उल हसन भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस मुकाबले के अंदर, जहर ओपी भाई जुड़े हुए हैं, शौविक स्वामी भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस मुकाबले में, इनिंग ब्रेक के बाद फिर से जुड़ चुके हैं आप सबके साथ। उम्मीद है यही है कि एक अच्छा खासा मुकाबला जो है वो देखने को मिले, एक अच्छा खासा खेल जो है चलते हुए नजर आए इस मुकाबले के अंदर। अब देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी जो है वो रहेगी, किस प्रकार से ये खेल जो है वो आगे बढ़ता नजर आएगा। मगर मेरे हिसाब से तो एक अच्छा खासा मैच जो है वो होगा यहाँ पर, एक अच्छी खासी बल्लेबाजी जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। चलिए एक बार फिर से चलते हैं गेंदबाजी की तरफ, एक बार फिर से जसकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, फुलर गेंद की गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला उस गेंद को फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं मिलेगा। तो पहली गेंद डॉट गेंद है, जसकर पिछले मुकाबले में भी विकेट निकाली थी, शुरुआती झटके दिए थे मगर आज थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि स्ट्राइक पे तजमिन बिट्स हैं और स्कोर भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, पिछले मुकाबले के मुताबिक अगर देखा जाए तो उम्मीदें यही हैं कि रन्स बनेंगे और टीम जो है वो आगे बेहतर प्रदर्शन करेगी। एक बार फिर से जस्कर किए गए ऑस्टम पे गेंद पटकी हुई, थोड़ी सी गेंद को कवर दिशा में खेला है, गैप में ये गेंद थी, 1 रन मिल गया यहाँ पर तजमिन बिट्स को इस 1 रन के साथ। यहाँ से 1 रन के साथ स्ट्राइक पे आते हुए यहाँ पर बल्लेबाज जो है यहाँ पर आ चुकी हैं लॉरा ब्लूडार्ट, जो कि 6 गेंदों में 4 रन बनाकर खेल रही हैं, 15 रन बिना किसी नुकसान के, 2.2 गेंदें हो चुकी हैं, 286 गेंदों में 239 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या बना उसका, 2 कहाँ से आया भाई, बिल्कुल आएगा भाई, सब आएगा, रन्स बनेंगे, टेंशन मत लीजिए, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। एक बार फिर से वाइड गेंद लेग स्टंप के बाहर, गेंद जसकर की, एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ, 238 रन चाहिए, जितने रन कम होते जाएंगे दबाव बनता जाएगा गेंदबाजों के ऊपर। आपको लॉरा ब्लूडार्ट और तजमिन बिट्स दोनों ओपनर बल्लेबाजों को न्यूजीलैंड को आउट करना होगा, अगर दोनों टिक गए तो एक बड़ी पारी जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे दोनों बल्लेबाज। अब देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूरत हाल। एक बार फिर से गेंद लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, जी हाँ एक बार फिर से गेंद लेकर चल रहे हैं जसकर की अगली गेंद ऑस्टन के बाहर, ड्राइव किया उस गेंद को मगर गेंद जाएगी कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। एक और डॉट गेंद आती हुई यहां से, लगातार बेहतर गेंदबाजी जो है वो करनी होगी। जसकर की गेंद हल्का फुल्का मूवमेंट जो है वो रहती है गेंदबाजी के अंदर और अच्छी बात है कि इस प्रकार की अगर गेंदबाजी चल रही है अच्छी बात। जसकर की और क्या, अगली गेंद इस बार अंदर आती हुई गेंद थी, कलायो के सारे खेल दिया, स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर। लॉरा ब्लूडार्ट को स्ट्राइक पे आती हुई बल्लेबाज तजमिन बिट्स, स्कोर हो चुका है 17 रन बिना किसी नुकसान के, 2.4 गेंदें हो चुकी हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो तजमिन बिट्स जो है वो अच्छी बल्लेबाजी कर रही हैं, 17 रन बन चुके हैं अभी तक और स्टार्ट अच्छा हुआ है, 2.4 गेंदें हुई हैं, विकेटों की तलाश में है न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज, के विकेट यहाँ पर मिले, मिसफील्ड भी हमें देखने को मिल रही है आज न्यूजीलैंड की फील्डिंग के अंदर। चलिए अगली गेंद जसकर के ओवर की, यहाँ पर जजमिन बिट्स को ऑस्टन के बाहर, ड्राइव किया गेंद को, कवर दिशा में गेंद गई है, 1 रन मिलेगा इस गेंद पर इस 1 रन के साथ। स्ट्राइक पे लॉरा ब्लूडार्ट फिर से आ जाएंगी। इस ओवर की बात की जाए तो अभी तक सिर्फ 4 रन आए हैं, 18 रन बिना किसी नुकसान के स्कोर हो चुका है न्यूजीलैंड, यहाँ पर साउथ अफ्रीका का 2.5 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त, तीसरा ओवर चल रहा है और दबाव बना के रखा हुआ है, जी हाँ दबाव बना के रखा हुआ है गेंदबाजों के ऊपर दोनों बल्लेबाजों ने। एक बार फिर से ओवर किया, आखिरी गेंद खेला है इसको कवर की दिशा में और खेलते ही 1 रन की मांग करी है। तो यहाँ पर ओवर के समाप्ति होती हुई सिंगल के साथ 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 19 रन बिना किसी नुकसान के साउथ अफ्रीका का स्कोर है। स्ट्राइक पे होंगी लॉरा ब्लूडार्ट जो कि 9 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रही है, तजमिन बिट्स जो है
तजमिन बिट्स जो हैं वो 10 गेंदों में 11 रन बनाकर खेल रही हैं। दोनों बल्लेबाज एक अच्छी बल्लेबाज है, उम्मीदें यही हैं कि दोनों जो है वो एक बड़ी पारी खेले, टीम का स्कोर जो है वो आगे लेकर जाए यहाँ पर। और यहाँ पर न्यूजीलैंड सोच रहा है कि विकेट कैसे ली जाए। जी हाँ, विकेट जो है वो कैसे लिया जाए यहाँ पर, तो देखते हैं विकेट जो है वो किस प्रकार से गिरते हुए नज़र आती है इस मुकाबले के अंदर। तो जो भाई नए जुड़ रहे हैं वो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में। चौथा ओवर यहाँ पर फिर से लिया थुहुहू को दिया गया है, चौथा ओवर लेके आएंगे। पिछले ओवर में थोड़ी सी गलतियाँ हुई थी, नो बॉल डाल दी थी, मगर यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि विकेट निकालें। चलिए लॉर्ड ऑफ द डॉट है, स्ट्राइक पर एक बार फिर से लिया थुहुहू। ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप की तरफ, ये गेंद थी वाइड गेंद है ये। इस वाइड गेंद के साथ एक रन और जुड़ता हुआ साउथ के खाते में 20 रन बिना किसी नुकसान के। 3 ओवर हो चुके हैं, लॉर्ड ऑफ द डॉट जो है वो 6 रन खेल रही हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्राज और थोड़ी मिसफील्डिंग आज न्यूजीलैंड से देखने को मिल रही है। स्कोर की टारगेट की बात की जाए 254 रन चाहिए जीतने के लिए। यहाँ पर 20 रन बन चुके हैं, साउथ अफ्रीका की मजबूत शुरुआत है ये। लिया थुहुहू के ओवर की दूसरी गेंद, इस बार फिर से लॉरा वलुडाट को पटकी हुई गेंद, इस बार ड्राइव किया गेंद को, गेंद गई कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद, एक और डॉट गेंद आती हुई। तो ऐसी ही गेंदबाजी करनी है, करंट रन रेट देखा जाए तो 6.32 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रहा है और यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 5 का है। तो विकटो की तलाश है न्यूजीलैंड को और साउथ अफ्रीका चाहेगा इस पार्टनरशिप को लंबा किया जाए, 80-90 रन की एक पार्टनरशिप बनाई जाए और मुकाबले से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बाहर किया जाए। यहाँ पर चलिए लिया थुहुहू एक बार फिर से तैयार होती हुई ओवर की दूसरी गेंद लेकर चल रही है, स्लिप रखी नहीं है, शॉर्ट थर्ड मैन पर एक फील्डर रखा हुआ है। यहाँ पर चलिए लिया थुहुहू एक बार फिर से गेंद लेकर चलते हुए ओवर की दूसरी गेंद, लॉर्ड ऑफ द डॉट को लेग स्टंप पे ये गेंद, कलाइयो के सारे टहलाया, स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर दौड़ रही है गेंद के पीछे, रोक लेंगे इस गेंद को, 1 नहीं 2 नहीं 3 रन मिलेंगे इस गेंद पर। जी हाँ, इस 3 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ साउथ अफ्रीका का 23 रन बिना किसी नुकसान के। तो आसानी से रन्स जो हैं वो आ रहे हैं साउथ अफ्रीका ने, आज लग रहा है थोड़ी सी गलती करी है कि मजबूत शुरुआत मिली थी, उस शुरुआत को एक बड़े स्कोर में तब्दीली जो है वो नहीं कर पाए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस प्रकार से ये मुकाबला चलते हुए नज़र आता है, किस प्रकार से ये खेल जो है वो आगे की तरफ बढ़ता नजर आता है, ये देखना होगा। चलिए अगली गेंद, इस बार लिया थुहुहू के इस ओवर की बढ़िया गेंद थी, ऑस्टम पे सीधे बल्ले से खेला था तजमिन बिट्स ने, गेंद गई मिड ऑफ की दिशा में, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर, डॉट गेंद आती हुई, स्कोर अभी भी 23 रन बिना किसी नुकसान के। 3.3 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त, लॉरा वलुडाट 9 रन बना के खेल रहे हैं, तजमिन बिट्स जो है वो 11 रन बना के खेल रही हैं। एक बार फिर से लिया थुहुहू ओवर की चौथी गेंद लेकर चलती हुई, स्ट्राइक पर मौजूद तजमिन बिट्स का विकेट बड़ा ही अहम रहेगा क्योंकि तेज तरार बल्लेबाज है, तेज खेलना पसंद करती है। एक बार फिर से ऑस्टम पे गेंद, सीधे बल्ले से खेला, लिया थुहुहू ने गेंद को फील्ड कर लिया, यहाँ पर एक और डॉट गेंद, 3.4 गेंदें हो चुकी हैं, 23 रन बिना किसी नुकसान के स्कोर हो चुका है साउथ अफ्रीका का। और साउथ अफ्रीका बड़ी मजबूत लग रही है, बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी जो है वो करके दिखा रही है। यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, ऐसी तरह की सपोर्ट करते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा हमारे साथ। आलोक कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मुकाबले में। सर, आपके चैनल की कॉमेंट्री दूसरे चैनल पर चल रही है, कोई नहीं यार भाई, आज स्ट्राइक मार ही देंगे। चलिए अगली बार फिर से ऑस्टम पे गेंद, ड्राइव किया गेंद को, कवर फील्डर जो है मौजूद है यहाँ पर, और फील्डर मौजूद है यहाँ पर, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर, डॉट गेंद आती हुई, मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त, मुकाबला काफ़ी उमदा, मुकाबला काफ़ी आला, जिस हिसाब से बल्लेबाजी जो है वो चल रही है, फील्डिंग जो है वो अब थोड़ी सी सुधर रही है, ऐसा लग रहा है कि फील्डिंग में एफर्ट जो है वो लगा रही है न्यूजीलैंड की ये टीम और लगाना भी चाहिए यहाँ पर। चलिए एक बार फिर से स्ट्राइक पे लॉर्ड ऑफ द डॉट है, ओवर की आखिरी गेंद है यहाँ पर, लिया थुहुहू की यहाँ पर मिड स्टंप पे गेंद, डिफेंस कर दिया इस गेंद को, डॉट गेंद आती हुई यहाँ से, 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 24 रन बिना किसी नुकसान के और स्कोर हो चुका है साउथ अफ्रीका वुमेन्स के। स्ट्राइक पे होंगी तजमिन बिट्स, जी हाँ तजमिन बिट्स स्ट्राइक पे होंगी, 13 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रही हैं। 276 गेंदों में 230 रन चाहिए जीतने के लिए। पारी का ये चौथा ओवर है, इनिंग ब्रेक के बाद थोड़ा सा लगा था कि शायद न्यूजीलैंड जो है वो कम बैक करता हुआ नजर आएगा, मगर बल्लेबाजी जो है काफ़ी अच्छी चल रही है यहाँ पर, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कतें जो हैं वो हो रही हैं न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको किस प्रकार की बल्लेबाजी जो है करते हुए नजर आएंगी यहाँ, ये थोड़ा सा समझना होगा, ये थोड़ा सा जानना होगा यहाँ पर किस प्रकार से ये खेल जो है वो चल रहा है, ज़रा इसको भी समझना होगा। तो 4 ओवर हो चुके हैं,
पांचवा ओवर जसकर लेके चलती है। जसकर के ओवर की पहली गेंद, ड्राइव किया उस गेंद को, कोई भी रन जो है वो नहीं मिला है इस गेंद पर। स्कोर की जाए, स्कोर की बात की जाए और यहाँ पर मुकाबला जो है वो काफी अच्छा चल रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। एक बार से जसकर से उम्मीदें ज्यादा कि भाई रनों की गति जो है और फिर लगाम लगाएं जसकर के। और क्या अगली गेंद, फुलंद की गेंद ऑस्टन के बाहर, इस बार कट कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट की दिशा में चार रन के लिए। एक और चौका आता हुआ यहाँ पर जसकर की गेंदबाजी के ऊपर, ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी, फुलंद की गेंद थी, उसको कट कर दिया, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट दिशा में चार रन के लिए। और तजमिन ब्रिट्स के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा चौका, स्कोर होता हुआ साउथ अफ्रीका वुमेन्स का 28 रन बिना किसी नुकसान के। 4.2 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर, उम्मीदें यही है कि विकेटें निकलेंगे मगर मुश्किल बहुत है। ब्रिट्स 25 रन मारेगी तो हम 1500 जी जाएंगे, 25 तो मारेगी आलोक भाई, टेंशन मत लीजिएगा। अगली गेंद जस्ट करके सोर के फिल्म की गेंद, इस बार इनसाइड एज लगा, गेंद पैड टकराई है, कोई रन नहीं मिलेगा। हेलो मिश्रा जी, विकेट लो यार। अरुण भाई बिल्कुल विकेट लेना चाहेंगे आज। सिद्धार्थ चौहान जी जुड़ चुके हैं, भाई यार क्या करना है सिद्धार्थ भाई, कैसे? जसपाल सिंह की कह रहे हैं, राम राम भाई, राम राम जसपाल भाई, कैसे हैं आप? और अगर देखा जाए तो मुकाबला जो है काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है। तजमिन ब्रिट्स के 25 रन चाहिए आलोक भाई को। आलोक भाई उम्मीद तो करेंगे कि तजमिन ब्रिट्स के 25 रन जो है वो बन जाए। यहाँ पर एक बार फिर से जस्कर की गेंद, फुलम की गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, मिड ऑफ की दिशा में, फील्डर मौजूद है वहाँ पर और कोई भी चीज़ कोई भी रन जो है वो मिला नहीं। यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई, इस डॉट गेंद के साथ देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूरत हाल। जो भाई नए जुड़ रहे हैं वो लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और एंजॉय करते रहिए इस मुकाबले को, क्योंकि मुकाबला जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है। एक बार फिर से जस्कर की गेंद, इस बार सीधे बल्ले से खेला, तजमिन ब्रिट्स ने पांचवी गेंद पर सिंगल आया, स्ट्राइक पे आते हुए लॉरा वलविराट, स्कोर हो चुका है 29 रन बिना किसी नुकसान के। 4.5 गेंदें हो चुकी हैं, 271 गेंदों में 225 रन चाहिए जीतने के लिए। मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त रहने की उम्मीद है, चाहेंगे कि किसी ऐसी तरीके से मुकाबला चले मगर न्यूजीलैंड जो है वो चाहेगा कि विकेट मिले। जी हाँ, विकेट मिले ये न्यूजीलैंड की ख्वाहिश रहेगी यहाँ पर। चलिए अगली गेंद जस करके फिल्म की गेंद, बट ड्राइव किया गेंद को यहाँ पर जो है लॉरा वलविराट ने और कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। तो 5 ओवर हो चुके हैं, स्कोर हो चुका है 29 रन बिना किसी नुकसान के। साउथ अफ्रीका वुमेन्स का स्कोर है 270 गेंदों में 225 रन चाहिए जीतने के लिए। तजमिन ब्रिट्स जो है वो 18 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रही हैं, लॉरा वलविराट जो है वो 13 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रही हैं। जसकर ने 3 ओवर किए हैं, 14 रन दिए हैं, विकेट अभी तक मिला नहीं है। विकेटों की तलाश है भैया, विकेटों की तलाश है। 50 नॉट मार दूं क्या, एक के का जाएगा ना विकेट? भाई 50 तो बहुत कम बोल दिए, थोड़ा ऊपर नहीं मिल रहा है, 70-80 नहीं मिल रहा है क्या? वलविराट 51 रन मार गए भाई, पिछले में 50 मारे थे माजिद अंसारी भाई लॉरा वलविराट ने, और बल्लेबाजी पिछले मुकाबले में भी लॉरा ने अच्छी की थी। अब देखना होगा आज के में क्या करेंगे, आज के मुकाबले में क्या करेंगे। स्टार्ट तो अच्छा हुआ है अगर देखा जाए तो, साउथ अफ्रीका का एक 250 रन चेस करें तो स्टार्ट अच्छा होना चाहिए। एक बार फिर से लिया कि ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, डिफेंस किया इस गेंद को, जो यहाँ पर तजमिन ब्रिट्स ने गेंद को फील्ड कर लिया, लिया थू की कोशिश यही है कि यहाँ पर गेम को रोका जाए, गेंदबाजी जो है वो अच्छी की जाए यहाँ पर और विकेटें जो है वो निकाली जाए। तो क्या लगता है विकेट निकलते हुए नज़र आएगा क्या, विकेट लेते हुए नज़र आएंगी क्या यहाँ पर? अब ये समझना होगा, ये जानना होगा, देखते हैं मुकाबला किस प्रकार चलता है। एक बार फिर से अगली गेंद, सीधे बल्ले से खेला लिया तूने, यहाँ पर कैच पकड़ लिया तजमिन ब्रिट्स। जी हाँ, कोशिश की थी शॉट खेलने की और सीधे बल्ले से खेला था उस शॉट को, लिया तूने बिल्कुल अपनी तरफ जंप लगाकर कैच को पकड़ा और कॉटन बॉल कर दिया तजमिन ब्रिट्स को। तो पहला झटका लगता हुआ साउथ अफ्रीका वुमेन्स को, 29 रन एक विकेट नुकसान पर। 5.2 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। लगातार बेहतरीन गेंदबाजी और यहाँ पर विकेट आता हुआ, विकेट आता हुआ। जिन भाइयों ने तो स्ट्रीम को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में, क्योंकि मुकाबला जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। मगर यहाँ पर विकेट आता हुआ, इस विकेट के साथ दबाव साउथ अफ्रीका के ऊपर आता हुआ, जी हाँ साउथ अफ्रीका के ऊपर दबाव आता हुआ, विकेट छटकाया यहाँ पर और इस विकेट के साथ साथ साउथ अफ्रीका को पहला झटका लगता हुआ। कैच पकड़ा यहाँ पर, लिया थून
गेंदबाजी की तजमिन ब्रेड्स करिया, यहाँ पर विकेट गया तजमिन ब्रेड्स का, कैच पकड़ा भी लिया थू ने, कॉटन बोल्ड किया तजमिन ब्रेड्स, 20 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए 3 चौके लगाए थे और विकेट जो है वो गिर गया है, विकेट जो है वो गिर गया है, गया रे गया क्या, बिल्कुल गया जी, विकेट गया यहाँ पर और विकेट आता हुआ पहला झटका लगता हुआ साउथ अफ्रीका को। तो यहाँ से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ। मुकाबला जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, मगर सिचुएशन यही है कि रन गति को आगे बढ़ाना है, विकेटें निकालनी है, विकेट निकालेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। नई बल्लेबाज आ चुकी हैं, गॉडरॉल जो है वो आ चुकी हैं बल्लेबाजी करने, लिया थू गे फुलम की गेंद, इस बार यॉर्कर गेंद थी, रोका उस गेंद को, कोई रन नहीं मिलेगा, 50 से पहले 2 विकेट पक्का है, अरुण भाई कह रहे हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं क्या होता है। गॉडरॉल आ चुकी है, ड्रिंक्स ब्रेक क्यों दिखा रहा है भाई, गेंदें चल रही हैं, ड्रिंक्स ब्रेक दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ से 29 रन बन चुके हैं, 1 विकेट नुकसान पर, 5.3 गेंदें हो चुकी हैं, अब देखते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी। गॉडरॉल जो है गेंद खेल चुकी हैं और लिया थू, जी हाँ, थोड़ी सी शॉर्टर लेंथ गेंद की थी, सीधे बल्ले से खेलने गई थी टंडन ब्रिट्स, बल्ले का टॉप एज, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और सीधा गेंद गई, लिया थू के आदमी, एक बार फिर से राउंड द स्टंप गेंद करती हुई, लिया थू और लेफ्ट स्टंप के ज़्यादा बाहर ये गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। मैच कौन विन करेगा भाई, पहली पारी में बता दिया था न्यूजीलैंड के साथ हैं आज, न्यूजीलैंड के साथ रहेंगे और न्यूजीलैंड पे एंट्री भी काफ़ी लोगों को हमने दे दी थी कि भाई न्यूजीलैंड के साथ रहिएगा, इसलिए विकेटें निकाल रहे हैं। अब मैं तो चाहता हूँ कि एक क्लोज मैच हो, एक जैकपॉट मैच जो है वो देखने को मिल जाए हमें यहाँ पर। बाकी आप सब लोग जो है वो सेटबेट के साथ जुड़ जाइएगा, सेटबेट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करिएगा, अपनी आईडी क्रिएट करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा सेटबेट के साथ। मुकाबला जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, गॉडरॉल जो है वो अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आई हैं और उम्मीदें यही हैं कि इसी प्रकार की एक ज़बरदस्त बल्लेबाजी जो है वो करके दिखाएं यहाँ पर। चलिए एक बार फिर से गेंद लेकर चलती हुई पर जो है बल्लेबाज, एक बार फिर से यहाँ पर गॉडरॉल को ये गेंद, बढ़िया गेंद थी, जाने दिया विकेट कीपर के पास, 2 लगातार डिवाइड गेंदें करने के बाद एक लाइन पर ये गेंद, लिया थू की, स्कोर हो चुका है 31 रन 1 विकेट नुकसान पर, 5.4 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। दबाव बनाना होगा, दबाव बनाएंगी तभी तो मज़ा आएगा इस खेल के अंदर। तो देखते हैं अभी मुकाबला जो है किस प्रकार आगे बढ़ता है, विकेटें जो हैं वो गिर रही हैं और इस विकेट के साथ साथ अगरबाद के तर्मिन ब्रिट्स आउट हो चुकी हैं, क्या अब गॉडरॉल साथ देंगे। गॉडरॉल को एक बार फिर से अंदर आती हुई गेंद थी, इन साइड एज लगा, पैड पर लगी ये गेंद, जी हाँ बच गए यहाँ पर, जी हाँ कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर। तो गेंदबाजी जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, बाकी आप सब लोग लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, एंजॉय करते रहिए इस मुकाबले को, क्योंकि मुकाबला जो है काफ़ी ज़बरदस्त रहने की उम्मीद है, चाहेंगे कि अच्छा खासा मुकाबला जो है वो देखने को मिले। एक बार फिर से गेंद लेकर चल रही हैं यहाँ पर, लिया थू ओवर की आखिरी गेंद, ये भी डॉट गेंद, लगातार 4 डॉट गेंदें करवाई है गॉडरॉल से। गॉडरॉल जो है वो 4 गेंदें खेल चुके हैं, कोई भी रन नहीं बनाया, 6 ओवर हो चुके हैं, 31 रन 1 विकेट नुकसान पर, 6 ओवर की समाप्ति के बाद लॉरा वुडार्ड हैं स्ट्राइक पर, 264 गेंदों में 223 रन चाहिए जीतने के लिए। तो क्या लगता है आपको किस प्रकार की बल्लेबाजी जो है देखने को मिलेगी हमें यहाँ पर, क्या एक बड़ी पारी जो है वो हम देख पाएंगे इस मुकाबले के अंदर, देखना होगा लॉरा वुडार्ड से। बाकी काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, कृष्ण भाई जुड़ चुके हैं, सर जी ये 253 वाला कैसा हुआ, सर जी ये 253 कैसे हुआ, कैसे हुए रन बनाए भाई, कृष्ण भाई रन बनाए बल्लेबाजों ने नीचे आके, और अगर देखा जाए तो आने वाले बल्लेबाज सर लूस है, मरजम कैप है, चलटरॉन है, नन्नडी क्लार्क तक बल्लेबाजी है, बल्लेबाजी तो लंबी है साउथ अफ्रीका के पास भी, मगर संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी, अगर शुरुआती में 1-2 विकेट और ले ले दबाव बन जाएगा। चलिए सोफी डिवाइन आ चुकी है गेंदबाजी करने के लिए, 7वें ओवर को लेकर आती है सोफी डिवाइन, सोफी डिवाइन के पहली गेंद पढ़कर गेंद अंदर की तरफ आई, सीधे बल्ले से खेला यहाँ पर, इस गेंद को यहाँ पर जो है लॉरा वुडार्ड ने, कोई रन नहीं मिलेगा, 31 रन बन चुके हैं 1 विकेट नुकसान पर, 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है यहाँ पर। संभल कर करनी है बल्लेबाजी, संभल कर चलना है इस मुकाबले में, मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहने की उम्मीद है और चाहेंगे कि एक ज़बरदस्त, जी हाँ ज़बरदस्त खेल जो है वो चलते हुए नज़र आए। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है,
किस प्रकार की बल्लेबाजी जो है वो देखने को मिलेगी। एक बार फिर से सोफी डिवाइन की अगेन, लॉरा वुलडार्ट को इस बार बड़ा शॉट, चौका बटोरा है, ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी, ड्राइव किया उस गेंद को और 4 रन मिलते हुए इस गेंद पर लॉरा वुलडार्ट को। सोफी डिवाइन आई है विकेट लेने के लिए मगर दूसरी ही गेंद पर चौका जड़ दिया यहाँ पर लॉरा वुलडार्ट ने। अगली गेंद एक बार फिर से सोफी डिवाइन के इस ओवर की तीसरी गेंद, सामने मौजूद बल्लेबाज लॉरा वुलडार्ट, एक और बड़ा शॉट, एक और चौका, एक और बाउंड्री आती हुई यहाँ पर ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी और 4 बटोर लिए इस गेंद पर। 4 रन, जी हाँ, 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर लॉरा वुलडार्ट की। लगातार बैक टू बैक 2 चौके सोफी डिवाइन की गेंदबाजी के ऊपर, 39 रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर। 6.3 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। देखते हैं यहाँ से किस प्रकार की बल्लेबाजी जो है वो चलेगी यहाँ पर। चलिए एक बार फिर से ऑस्टन पे गेंद, हल्का सा पुश किया गेंद को पॉइंट की दिशा में, कोई भी रन यहाँ पर कोई भी रन नहीं मिलेगा लॉरा वुलडार्ट को। वुलडार्ट जो है जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रही हैं देखकर मज़ा आ रहा है, देखकर अच्छा लग रहा है कि इसी प्रकार की अगर बल्लेबाजी करें तो काफ़ी ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण ये मुकाबला रहेगा। बाकी सोफी डिवाइन को थोड़ा सा समझना होगा, गेंदबाजी जो है वो अच्छी करनी होगी क्योंकि उनसे उम्मीदें हो जाती हैं कि विकेट छटकाएं। अभी तक 4 गेंदें करी हैं इस ओवर की, 5वीं गेंद, फुल की गेंद, फिर से ड्राइव किया गेंद को मगर इस बार मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को पकड़ लिया और कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पर। डॉट गेंद आती हुई यहाँ से और इस डॉट गेंद के साथ स्कोर अभी भी 39 रन एक विकेट नुकसान पर। 6.5 गेंदों का खेल जो है वो समाप्त हो चुका है। लगातार बेहतर गेंदबाजी जो है वो करनी होगी। एक बार फिर से ओवर की आखिरी गेंद, डॉट गेंद, लगातार 3 डॉट गेंदें यहां पर सोफी डिवाइन के इस ओवर में आए हैं। 8 रन आए इस ओवर से, 7 ओवर हो चुके हैं, 39 रन एक विकेट नुकसान पर साउथ अफ्रीका वुमेन्स का स्कोर है। स्ट्राइक पे होंगी यहाँ पर गॉडॉल और यहाँ पर 215 रन चाहिए साउथ अफ्रीका जीतने के लिए। आप सब लोग जो है वो सेटबेट के साथ जुड़ जाइएगा यार, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है 200 रुपये का है, मिनिमम बैट जो है 10 रुपये की है और पहले डिपॉजिट करने पे आपको 100% का बोनस मिलता है। 500 रुपये डिपॉजिट करेंगे, 500 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो 500 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस, और 1000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो 1000 रुपये का आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा सेटबेट की तरफ से। डिपॉजिट आप गूगल पे, फोन पे, एटीएम से बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं और सेटबेट के ऊपर जो है सारे मुकाबले आप लाइव दे सकते हैं। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा। मस्त मैच, जबरदस्त कॉमेंट्री, भूटान से सुन रहे हैं जनाब, वेल डन मंजूर खान भाई, धन्यवाद। भूटान जुड़े हैं, किस पे एंट्री लेनी है ब्रो? अरुण भाई मैं तो न्यूजीलैंड पे ही ले रखी है। चलिए गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर तेज गेंदबाज बुलाए गए हैं यहाँ पर और हैना रोवे आई हैं। पहली गेंद थी इस बार गॉडॉल को, लेक्स्टम पे ये गेंद थी, कलायो सारे खेला स्क्वायर की दिशा में, 2 रन मिले इस गेंद पर और गॉडॉल को, गॉडॉल का खाता खुलता हुआ। 213 रन चाहिए जीतने के लिए। हैना रोवे पिछले मुकाबले में भी काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी जो है वो करते हुए नजर आई थी, उम्मीदें यही है कि आज के इस मुकाबले के अंदर भी एक ज़बरदस्त गेंदबाजी जो है वो करें और अपनी टीम के लिए विकेटेज हैं वो निकालते हुए नजर आए यहाँ पर। अब देखते हैं क्या होता है। अगली गेंद लेकर चल रही है हैनरोवे की ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार अंदर आती हुई गेंद थी, कलायो के सारे खेल दिया, फिर से शॉर्ट स्क्वायर लेग दिशा में, 1 रन मिल गया है इस गेंद पर। इस 1 रन के साथ लॉरा वुलडार्ट जो है वो स्ट्राइक पे आ चुकी हैं, 42 रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर। 7.2 गेंदें हो चुकी हैं और गॉडॉल और लॉरा वुलडार्ट दोनों जो है वो अच्छी बल्लेबाजी करती हैं, खासकर लॉरा वुलडार्ट का जल्दी आउट होना बहुत ज़रूरी है। अगर लंबी पारी खेल गई तो अपनी टीम के लिए मैच बनाते हुए नजर आएंगे। 212 रन चाहिए, 256 गेंदों में रिक्वायर रन रेट अभी भी 4.97 का है। यहाँ से अब अगली गेंद लेकर चलती हुई हैनरोवे की ओवर की तीसरी गेंद होगी, स्ट्राइक पे होंगे लॉरा वुलडार्ट। किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी लॉरा वुलडार्ट की ये थोड़ा सा देखना होगा यहाँ पर, ये समझना होगा हमें यहाँ पर। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, हैनरोवे की ओवर की तीसरी गेंद, सामने लॉरा वुलडार्ट, ऑस्टन के बाहर कट कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है सीधा कवर की फ्री पॉइंट दिशा में, फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे आ जाएंगी बल्लेबाज यहां पर गॉडॉल। तो गॉडॉल के ऊपर प्रेशर जो है वो बनाना पड़ेगा क्योंकि गॉडॉल जो है वो थोड़ा सा फॉर्म में नहीं है। अगर उनका विकेट मिलता है तो एक अच्छा खासा मुकाबला जो है वो देखने को मिल जाएगा हमें यहाँ पर, एक अच्छा खासा खेल जो है
चलते हुए नजर आ जाएगा इस मुकाबले के अंदर। एक बार फिर से चलते हैं जरा खेल की तरफ। जी हाँ, एक बार फिर से स्ट्राइक में मौजूद बल्लेबाज यहाँ पर गॉडऑल ने अभी तक 3 रन बनाए हैं और इस ओवर में तो 4 रन आ चुके हैं। एनरोवे पारी का 8वां ओवर लेकर चल रही है, पावर प्ले का ये 8वां ओवर है। एक बार फिर से एनरोवे ओवर द विकेट, गॉडऑल को लेग स्टंप के बाहर, ये गेंद अपील कर रही है, जोरदार अपील, यहाँ पर आउट दे दिया अंपायर ने। ओह जी हाँ, लेग स्टंप पे पिचिंग थी ये गेंद, पड़के जो है शायद अंदर की तरफ आई है, बाहर की तरफ निकल रही थी और गेंद पैड पर टकराई है, आउट दे दिया, शायद कैच आउट दिया है कि एलपीडब्ल्यू समझ नहीं आ रहा है मुझे भी कुछ, क्योंकि दूर था कैमरा। और यहाँ पर दूसरा विकेट गिरता हुआ साउथ अफ्रीका का। जी हाँ, गॉडॉल जो है वो आउट हो चुके हैं। एक बार जूम करके देखना होगा, एक बार फिर से लेग स्टंप की तरफ ये गेंद थी। अच्छा जी हाँ, लेग स्टंप की तरफ ये गेंद थी, बल्ला चलाया था फ्लिक करने के लिए, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद गई विकेटकीपर के पास। विकेटकीपर ने कोई गलती नहीं करी और साउथ अफ्रीका को लगता हुआ दूसरा झटका। जी हाँ, 43 रन बन चुके हैं, 2 विकेट नुकसान पर, 7.4 गेंदें हो चुकी हैं और गॉडॉल जो है वो 7 गेंद में 3 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए यहाँ पर। और बात की जाए तो गाजे ने पकड़ा है कैच, इजाबेला गाजे ने पकड़ा है कैच और लारा गोडल जो है पवेलियन जाती हुई। नई बल्लेबाज आएंगी तो 2 सफलताएं मिल चुकी है पावर प्ले के अंदर साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को और यहां पर विकेटें जो है वो गिर रही हैं। अब देखने वाली बात रहेगी किस प्रकार से ये खेल जो है आगे बढ़ता नजर आएगा, किस प्रकार से ये खेल जो है वो चलते हुए नजर आएगा यहाँ पर। तो जो भाई नए जुड़ रहे हैं वो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में। सना लूस, जी हाँ सना लूस आ चुकी है बल्लेबाजी करने के लिए, कहीं ना कहीं पूर्व कप्तान है साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम की। अब देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, मगर गेंदबाजी जो है हेनरोवे ने काफ़ी अच्छी करी, अपने पहले ओवर में विकेट निकाला है। 5वीं गेंद लेकर चलती हुई सना लूज के लिए हेनरोवे, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, बार डिफेंस कर दिया सीधे बल्ले से इस गेंद को, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। और इस डॉट गेंद के साथ 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन आए, 1 विकेट गॉडॉल का आया हुआ है। 253 गेंदों में 211 रन चाहिए जीतने के लिए, 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं साउथ अफ्रीका को, मगर यहां पर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो विकेट निकाल रही है। ऐसा लग रहा है कि 1-2 विकेट और आ गए तो शायद फिर दबाव जो है वो बन जाएगा साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी के ऊपर। तो कोशिश यही है कि विकेट निकाली जाए, टीम का स्कोर जो है उसको रोका जाए। एक बार फिर से सना लूस को अगेन सीधे बल्ले से खेल दिया, गेंद को गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए चौके के साथ शुरुआत की है सना लूस ने। यहाँ पर स्कोर होता हुआ 47 रन, 2 विकेट नुकसान पर, 8 ओवर जो है वो समाप्त हो चुके हैं यहाँ पर। और अब चाहिए 207 रन जीतने के लिए। लॉरा वुलराट होंगे स्ट्राइक पर पावर प्ले की, अभी भी 12 गेंदें बची हैं। जी हाँ, सना लूस भी जो है एक अच्छी बल्लेबाज है, पाकिस्तान के खिलाफ पिछले शतक जो है वो आया था, इसके बाद मरजम कैप को आना बाकी है। रनंडी क्लार्क हैं और साथ में चाइला ट्रोरान जो है वो इस टीम के अंदर है। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है यहाँ पर कि साउथ अफ्रीका के लिए मुकाबला आसान रहेगा या फिर न्यूजीलैंड जो है वो कम करेगी, क्योंकि मरजम कैप, चाइला ट्रोरान, रनंडी क्लार्क ये 3 बल्लेबाज अभी बचे हुए हैं। सोफी डिवाइन कौर की पहली गेंद, बार लॉरा वुलराट को ड्राइव किया उस गेंद को कवर दिशा में, फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा। 47 रन बन चुके हैं, 2 विकेट नुकसान पर। अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है यहाँ पर और दबाव बना के रखा हुआ है। देखिए विकेटें जा रही हैं मगर साथ साथ में रन भी बन रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए। सोफी डिवाइन के ओवर की दूसरी गेंद, बार सामने है लॉरा वुलराट, एक बार फिर से ऑस्टन के बाहर, ये गेंद कट गया गेंद को, गेंद जाएगी पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर अभी भी 47 रन, 2 विकेट नुकसान पर, 8.2 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। क्या लगता है आपको, एक बार फिर से सोफी डिवाइन गेंद लेकर चलेंगी, ओवर की तीसरी गेंद होगी, सामने होंगी लॉरा वुलराट, क्या लगता है कुछ करेंगे? जी नहीं, यहाँ पर सिंगल लेंगी इस गेंद पर। इस सिंगल के साथ स्ट्राइक पे आती हुई बल्लेबाज सना लूस की अगर बात की जाए, सना लूस जो है वो एक अच्छी बल्लेबाज हैं, अच्छी बल्लेबाजी जो है वो करते हुए नज़र आती हैं और उम्मीदें यही हैं कि इसी प्रकार की बल्लेबाजी जो है वो करके दिखाएं, एक ज़बरदस्त बल्लेबाजी दिखाएं यहाँ से, क्योंकि एक पार्टनरशिप चाहिए। अभी 2 विकेट जल्दी खो दिए हैं साउथ अफ्रीका की टीम ने। एक बार फिर से ओवर की अगली गेंद यहाँ पर जो है सोफी डिवाइन के सामने है सना लूस को अगली गेंद लेकर चलते हुए, मगर थोड़ा सा रोकी है यहाँ पर।
थोड़ा सा रुकी है यहाँ पर सोफी डिवाइन। अब देखते हैं क्या होता है। स्कोर हो चुका है यहाँ पर 48 रन, 2 विकेट नुकसान पर, 8.3 गेंदें हो गई हैं सोफी डिवाइन की। है स्लोअर डिलीवरी, सीधे बल्ले से खेला इस गेंद को और मिड ऑन की दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया है। स्कोर अभी भी अगर देखेंगे तो 48 रन बने हुए, 2 विकेट नुकसान पर, 8.4 गेंदों का खेल हो चुका है। 254 का टारगेट है अभी। अभी मेन बल्लेबाज जो हैं वो क्रीज में मौजूद हैं, सनालूस और लॉर्ड ब्राड, उसके बाद मर्जम कैप हैं जो शरल ठरान और डनडी क्लार्क हैं। सोफी डिवाइन की ओर अगली गेंद, इस बार मिडल स्टंप पे गेंद थी, कलायो के सारे खेला गेंद को फाइन लेग की दिशा में, 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे लॉरा वुलब्राड जो है वो आती हुई यहाँ पर एक डॉट, मतलब कहते ना कि रन रेट अभी मेंटेन रखी है, रनों को बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि रनों को नहीं बना रहे हैं, रन्स बना रहे हैं। 50 रन पूरे हो चुके हैं यहाँ पर, जी हाँ 50 रन पूरे हो चुके हैं इस मुकाबले के अंदर, अभी इस ओवर के अंदर। सो और इस अधरिका वुमेंस के अभी भी 204 रन चाहिए जीतने के लिए 246 गेंदों में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर जो है ओवर हो चुका है। मकुल रिवाइन का 3 रन आए इस ओवर से। जो भाई नए जुड़ रहे हैं वो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ। मुकाबला काफ़ी अच्छा रहेगा देखा जाए तो। लॉरा वुलब्राड जो है 20 रन बना के खेल रही हैं, वो हैं स्ट्राइक पर। पावर प्ले का अभी भी आखिरी ओवर बचा हुआ है, जी हाँ पावर प्ले का जो है अभी भी आखिरी ओवर जो है वो बचा हुआ है। देखते हैं इस आखिरी ओवर के अंदर किस प्रकार की बल्लेबाजी जो है वो होते हुए नज़र आएगी यहाँ पर, किस प्रकार का खेल जो है वो चलते हुए नज़र आएगा इस मुकाबले के अंदर। चलिए यहाँ पर अब रहना रोवे की गेंदबाजी है, रोवे की ओवर की पहली गेंद, इस बार बड़ा शॉट खेला लॉरा वुलब्राड ने, चौका बटोरा इस गेंद पर चौके के साथ सीधे बल्ले से, जी हाँ गेंदबाज की दिशा में ही खेल दिया। और हैना रोवे की इस पहली गेंद, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका आता हुआ, स्कोर होता हुआ साउथ अफ्रीका वुमेन्स का 54 रन, 2 विकेट नुकसान पर, 9.1 गेंद हो चुकी है। टाइमिंग तो भरपूर है यहाँ पर लॉरा वुलब्राड के पास, ताकत का भी प्रयोग करती है मगर अभी टाइमिंग का प्रयोग कर रही हैं और चौके बटोर रही हैं। इस बीच दूसरी गेंद हैना रोवे के इस ओवर की, लॉरा वुलब्राड को आउट करना बहुत ज़रूरी है इस मुकाबले में अगर न्यूजीलैंड को इस मुकाबले को जीतना है तो। चलिए एक बार फिर से हैना रोवे, ओवर की दूसरी गेंद, ओवर द विकेट यहाँ पर लॉरा वुलब्राड को, मिडल स्टंप पे अगेन डिफेंस कर दिया उस गेंद को, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर अभी भी 54 रन, 2 विकेट नुकसान पर, 9.2 गेंदों का खेल हो चुका है। समाप्त करंट रन रेट 4.92 का चल रहा है। आने वाली बल्लेबाज मर्जम कैप है, उसके बाद शरल ठरान, उसके बाद डनडी क्लार्क, ये अहम बल्लेबाज है, अगर इनको आउट कर ली जाए, 2 बल्लेबाज ये और 3 ड्रेसिंग रूम में, ये 5 विकेट जो है वो बहुत अहम रहेंगे न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो 200 रन चाहिए जीतने के लिए। और पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है ना रोवे के ओवर के अगले गेंद, इस बार स्टंप पे गेंद थी, कट कर दिया गेंद को, गेंद निकल गई है थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे आती हुई बल्लेबाज सनालूस भी आक्रामक शैली की बल्लेबाज हैं, आक्रामकता से बल्लेबाजी जो है वो करती हैं, मगर अभी सिचुएशन ये है कि थोड़ा संयम से बल्लेबाजी करनी है, टाइमिंग से ही रन्स बनाने हैं और रोटेट करना है स्ट्राइक को। अब देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी जो है वो करके दिखाएंगे यहाँ पर। चलिए एक बार फिर से हैना रोवे की ये गेंद, ऑस्टम पे अगेन डिफेंस कर दिया इस गेंद को सनालूस ने, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। अभी भी स्कोर 55 रन, 2 विकेट नुकसान पर, 9.4 गेंदें हो चुकी हैं। क्या यहाँ पर अमीला कर का समय आ चुका है कि अमीला कर भी आकर गेंदबाजी करें, क्योंकि यार अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मलाबा ने भी विकटें जो हैं वो काफ़ी निकाली थी, थोड़ा सा शायद अमीला कर के साथ जाना चाहिए, विकटें क्या पता निकालते हुए नजर आए। एक बार फिर से हैना रोवे के ओवर के 5वीं गेंद, सनालूस हैं स्ट्राइक पर, ऑस्टम पे ये गेंद पुश किया गेंद को कवर दिशा में, फील्डर मौजूद है, कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। 55 रन बन चुके हैं, 2 विकेट नुकसान पर, 9.5 गेंदें हो चुकी हैं, करंट रन रेट 5.59 का चल रहा है। इस ओवर की बात की जाए तो 5 रन आए अभी तक इस ओवर में, आखिरी गेंद है ये, आखिरी गेंद है इस पावर प्ले की, और पहला ये जो पावर प्ले है यहाँ पर साउथ अफ्रीका पावर प्ले का, ये आखिरी गेंद है ये 10वें ओवर की, 10वें ओवर के पावर प्ले इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। एक बार फिर से अगली गेंद, रहना रोवे की स्लोअर डिलीवरी थी, खेला था कलायो के सारे मिड विकेट दिशा में, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर अभी भी 55 रन, 2 विकेट नुकसान पर, 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पर स्ट्राइक पे होंगी बल्लेबाज अब लॉरा वुलब्राड और
सैना लुइस होंगे नॉन स्ट्राइक रन पे। तो यहाँ पर पूरे 10 ओवर के पावर प्ले के अंदर 55 रन बने, 2 विकेट खोए यहाँ पर गॉडॉल और तजमिन ब्रेट्स के रूप में साउथ अफ्रीका की टीम ने। अब देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूरत हाल। चलिए चलिए चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, देखते हैं अब क्या होता है। स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज लॉरा लुडाट का, अब अमीला कर, जी हां स्पिनर गेंदबाज अमीला कर को बुलाया जाएगा क्या गेंदबाजी के लिए, क्योंकि उनकी गेंदबाजी जो है वो काफ़ी अच्छी है, विकेट निकालती हैं और हदायत के बल्लेबाज को परेशान करती हैं। तो शायद पिछले मुकाबले की बात की जाए तो पिछले मुकाबले के अंदर भी लॉरा लुडाट ने 50 रन की पारी खेली थी, यहाँ भी 25 रन बना चुके हैं। तो खतरे की घंटी बजा रही हैं न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड की आज शुरुआत काफ़ी धीमी थी मगर बाद में फिर तेज़ी से बल्लेबाजी की गई, मगर कहीं ना कहीं और स्टार्ट इतना अच्छा होने के बाद भी एक कोलैप्स जो है वो देखने को मिला आज हमें। चलिए यहाँ पर अब सूजी बेट्स, जी हाँ सूजी बेट्स को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। सूजी बेट्स अब खुद गेंदबाजी करने आई हैं, बल्ले से तो कुछ किया नहीं है अमूमन देखा जाए। 3 ODI मुकाबले में गेंदबाजी करी है और अगर देखा जाए तो विकेट इनके नाम है नहीं। सूजी बेट्स के ओवर की पहली गेंद, फिर से पटकी हुई गेंद, ऑस्टन के बाहर कट किया गेंद को, डीप गली गली की तरफ एक फील्डर रखा हुआ है उसका, फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं मिलेगा। सूजी बेट्स को अमूमन गेंदबाजी करते हैं हम कमी देखते हैं, द हंड्रेड्स में कभी कभी गेंदबाजी करते हैं इस सीज़न के अंदर, CPL वुमेन CPL के अंदर भी गेंदबाजी जो है वो की थी। एक बार फिर से सूजी बेट्स ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलते हुए स्ट्राइक पे हैं। यहाँ पर लॉरा लुडाट बैकफुट से गेंद को पुश किया मिड विकेट दिशा में, एक रन मिलता हुआ स्ट्राइक पे आती हुई सना लूस। जी हाँ सना लूस जो है वो स्ट्राइक पे आ चुकी हैं। अगर बात की जाए स्कोर की तो 56 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर, 10.2 गेंदें हो चुकी हैं, विकेटों की है तलाश, का विकेट मिलेगा यहाँ पर ये देखना होगा। 10.2 गेंदें हुई हैं अभी तक। तो सूजी बेट्स की ओवर की अगली गेंद सना लूस को, इस बार बढ़िया गेंद थी है, ऑफस्पिन गेंदबाजी कर रही हैं यहाँ पर, काफ़ी धीमी गति से गेंदबाजी कर रही हैं मगर थोड़ा सा लाइन जो है वो थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ है, उसको थोड़ा सा गेंद को अगर आगे रखेंगी शायद गेंद जो है हल्का फुल्का टर्न भी होता हुआ नज़र आए सूजी बेट्स का। सूजी बेट्स एक बार फिर से और 3 गेंदें कर चुके हैं इस ओवर, मात्र 1 रन दिया है, 4थी गेंद लेकर चलती हुई। यहाँ पर मिडॉन के जो फील्डर को लॉन्ग ऑन की दिशा में भेज दिया गया है, तो बाउंड्री पे एक फील्डर बुला लिया गया है। अगली गेंद यहाँ पर सूजी बेट्स के, बस सीधे बल्ले से खेला था, मौका था क्या, जी हाँ थोड़ा सा मौका था, थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, सीधे बल्ले से पुश किया गेंदबाज की तरफ, सूजी बेट्स ने अपनी दाई तरफ डाइव जरूर लगाई मगर गेंद तक पहुँच नहीं पाई, मिसफील्ड हुई वहाँ पर और 1 रन मिल गया इस गेंद पर। तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पर चलते हैं लॉरा लुडाट की तरफ, लॉरा लुडाट ने इस गेंद को खेल दिया है कवर की दिशा में, 1 रन मिलता हुआ, अच्छा ओवर जा रहा है, जी हाँ अच्छा ओवर जा रहा है, 3 रन आए हैं अभी तक इस ओवर में, आखिरी गेंद बची है, सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर एक आधा विकेट यहाँ पर मिल जाएगा। तो 3 रन आए हैं अभी तक, आखिरी गेंद खेलेंगे सना लूस जो है वो एक अच्छी बल्लेबाज, शतक लगाया है पाकिस्तान के खिलाफ इसी साल के अंदर। चलिए अगली गेंद सना लूस को, लेग स्टंप पे गेंद, इस बार खेल दिया फाइन लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। तो यहाँ से 11वां ओवर भी समाप्त हो चुका है, 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका का स्कोर है। यहाँ पर टारगेट 254 का है, अभी भी देखा जाए तो कुल मिला के 195 रन चाहिए मगर साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की टीम रन नहीं देख रही है। यहाँ पर जो न्यूजीलैंड को चाहिए वो विकेट चाहिए कि अगर विकेट आ गए तो इस मुकाबले में पूरी तरीके से काबिज हो जाएंगे, अगर विकेट नहीं आए तो शायद थोड़ा सा मुश्किलें जो है बनी रहेंगी। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है इस मुकाबले का सूरत हाल। जो भाई नए जुड़े हैं वो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री, क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ। एक बार फिर से चलते हैं ज़रा गेंदबाजी की तरफ मगर मेरे हिसाब से अमीला कर को भी अच्छे 2 दाएँ हाथ के बल्लेबाज सामने मौजूद हैं और उनके सामने अगर गेंदबाजी की जाए, लेग स्पिनर गेंदबाजी कर शायद विकेट जो है वो लेते नजर आएगा मगर यहाँ पर है ना रोवे के साथ ही गई है, पटकी भी गेंद है ना रोवे की, ड्राइव किया उस गेंद को, कवर फील्डर ने गेंद को रोकने की कोशिश की, हाथ लगा ज़रूर मगर 2 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर सना लूस को 2 रन मिलते हुए है ना रोवे अपने स्पेल का 3रा ओवर कर रही हैं। अभी तक 15 रन दिए, एक विकेट चटकाया, थोड़ा सा महंगी रही है ना रोवे, और है ना रोवे पिछले मुकाबले में भी गेंदबाजी अच्छी की थी, न्यूजीलैंड की शुरुआत में फील्डिंग थोड़ी सी ख़राब लग रही थी मगर अब पूरे एफर्ट जो है प्लेयर डाल रहे हैं
एक बार फिर से हैनर रोवे ओवर की दूसरी गेंद, 12वें ओवर की सामने सन लुइस ऑस्टम पे गेंद, बट डिफेंस कर दिया इस गेंद को और मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को पकड़ा है और कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पर। जी हाँ, लाइन और लेंथ थोड़ी सही रखनी पड़ेगी यहाँ पर, लाइन और लेंथ जितना ही सही रखेंगे उतना ही बढ़िया। यहाँ पर लॉरा वुल्वडाट 27 रन बनाकर खेल रही है, सन लुइस जो है वो 9 रन बनाकर खेल रही है। 12 गेंदों का सामना किया, एक बार फिर से अगली गेंद हैनर रोवे के, इस ओवर की तीसरी गेंद है, इस बार सिंगल लिया सन लुइस ने स्ट्राइक पे आते हुए लॉरा वुल्वडाट। जी हाँ, थोड़ा सा लाइन थोड़ी सी हैनर रोवे की जो है वो लेगस्टम की तरफ है, थोड़ा सा उनको ऑस्टम की लाइन पर गेंदबाजी जो है लगातार करनी होगी। अगर आप मर्जम कैप को देखेंगे तो शुरुआती जो ओवर्स उन्होंने किए थे ऑस्टम की लाइन पे गेंदबाजी कर रही थी, इसलिए उनको हिट करना जो है वो आसान नहीं हुआ, जहाँ अमिला कर के लिए भी और सुजी बेट्स के लिए भी। थोड़ा सा अगर लेगस्टम पे गेंदबाजी करें तो बल्लेबाज के लिए आसान होता है पावर हिट करना, गेंद को टाइप दिशा दिखाना, गैप में ढकेलना, थोड़ा ऑस्टम की लाइन पर फंसा कर रखेंगे तो मज़ा आएगा। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए हैनर रोवे की अगली गेंद इस ओवर की सामने मौजूद लॉरा वुल्वडाट, हैनर रोवे की गेंद पटकी हुई गेंद पर ऑस्टम के बाहर, कट कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। जी हाँ, चौका मिलता हुआ इस गेंद पर, इस चौके के साथ स्कोर जो है वो आगे बढ़ता हुआ 66 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, स्कोर हो चुका है यहाँ पर। और अब देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से चलता है ये मैच, कौन जाने किस प्रकार से होगा ये मुकाबला। आप सब लोग बिल्कुल तैयार हो जाइएगा इस मुकाबले के लिए। जो भाई नए जुड़े हैं वो लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, एंजॉय करते रहिएगा इस मुकाबले को। एक बार फिर से शॉट खेला इस गेंद पर लॉरा वुल्वडाट ने, और 2 रन बटोरे इस गेंद पर इस 2 रन के साथ। जी हाँ, इस 2 रन के साथ स्ट्राइक पे लॉरा वुल्वडाट जो है वो खेल रही हैं और थोड़ा बहुत संभलना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी जो है वो चलेगी, इसको भी थोड़ा समझना होगा। चलिए एक बार फिर से आखिरी गेंद है रोवे की, कोई रन नहीं मिलेगा लॉरा वुल्वडाट को। 12 ओवर हो चुके हैं, 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर, साउथ अफ्रीका वुमेन्स का स्कोर है। कोशिश यही दोनों बल्लेबाजों की रन्स बनाए जाएं, टीम का स्कोर आगे पहुंचाया जाए, मगर न्यूजीलैंड को चाहिए विकेट्स, अगर विकेट लेंगे तभी जो है आगे बढ़ेंगे। जी हां, विकेट लेंगे तभी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहां से अब किस प्रकार की होगी ये बल्लेबाजी, ये देखना होगा। चलिए 68 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर, 12 ओवर हो चुके हैं, 186 रन चाहिए जीतने के लिए। एक बार फिर से सुजी बेट्स जो हैं वो गेंदबाजी करने के लिए आई हैं और 1 रन मिला है इस गेंद पर। जी हाँ, 1 रन मिला है इस गेंद पर सना लूज को, और स्ट्राइक पे आते हुए लॉरा वुल्वडाट, और वुल्वडाट जो हैं वो काफ़ी खतरनाक साबित हो रही हैं, 33 गेंदों में 33 रन बनाकर खेल रही हैं, 5 चौके जो हैं वो लगा चुकी हैं। तो क्या लगता है आपको किस प्रकार से ये चलेगा ये मुकाबला। जो भाई नए जुड़ रहे हैं वो लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, इंजॉय करते रहिएगा इस मुकाबले को, मुकाबला जो है वो काफ़ी बढ़िया रहने की उम्मीद है। जी हाँ, काफ़ी ज़बरदस्त ये मुकाबला रहने की उम्मीद है, चाहेंगे कि एक अच्छा खासा मुकाबला जो है वो चलते हुए नज़र आए और टीम का स्कोर जो है वो आगे बढ़ता नज़र आए। एक बार फिर से भटकी हुई गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला लॉरा वुल्वडाट ने और गेंद को ढकेल दिया कवर की दिशा में, बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। देखिएगा, लॉरा वुल्वडाट खतरनाक साबित हो रही है, 73 रन 2 विकेट नुकसान पर, 12.2 गेंदें हो चुकी हैं। एक बार फिर से सीधे बल्ले से खेला इस गेंद को, और यहाँ पर जो है डॉट गेंद आती हुई, दबाव बना के रखा हुआ है पूरी तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, एंजॉय करिएगा इस मुकाबले को। एक बार फिर से ऑस्टम पे गेंद, पटकी हुई गेंद थी, पुल किया गेंद को, और यहाँ पर जी हाँ कोई भी रन नहीं, 2 लगातार अच्छी गेंदें, 2 लगातार अच्छी गेंदें, डॉट गेंदें यहाँ पर, और दबाव बना के रखा हुआ है पूरी तरीके से, दबाव बना के रखा हुआ है इस मुकाबले के अंदर। सुजी बेट्स एक बार फिर से पटकी हुई गेंद ऑस्टन के बाहर, कवर दिशा में खेला इस शॉट को,
एक रन मिलना चाहिए और एक ही रन मिलेगा इस गेम पर। इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे आती हुई बल्लेबाज यहां पर सनल लुइस। इस ओवर में अगर देखा जाए तो कुल मिला के 6 रन आ चुके हैं, 180 रन चाहिए मगर विकेट्स अभी तक मिले नहीं है। ऐसे 2 ही विकेट के साथ काम बनेगा नहीं। चलिए सनल लुइस को अगली गेंद एक बार फिर से मिड विकेट दिशा में खेला इस गेंद को, एक रन मिलता हुआ 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 75 रन 2 विकेट नुकसान पर साउथ अफ्रीका वुमेन्स का स्कोर है। सनल लुइस होंगे स्ट्राइक पर, 15 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रही हैं सनल लुइस। और गेंदबाजी किस प्रकार हो रही है कुछ कहना जो है वो आसान नहीं रहेगा, क्योंकि विकेट मिलना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अहम जो कड़ी बनी हुई है वो बनी हुई है लॉरा विराट। 13 ओवर की है यहाँ पर न्यूजीलैंड ने। रन रेट अगर आप देखें करंट रन रेट तो 5.77, मतलब इतनी तेज़ी से बल्लेबाजी कर रहे हैं कि प्रेशर जो है वो गेंदबाजों के ऊपर है कि विकेट जा भी रहे हैं मगर रन्स बन रहे हैं, इसीलिए प्रेशर जो है वो है नहीं यहाँ पर। तो देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पर सूजी बेट्स को गेंदबाजी दे दी गई है। अमीला कर, जी हाँ, यहाँ पर अब आई हैं अमीला कर गेंदबाजी करने के लिए। अमीला कर को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। अमीला कर हैं स्ट्राइक पर, यहाँ पर सनल लुइस हैं स्ट्राइक पर। एक रन लिया इस गेंद पर सनल लुइस ने और स्ट्राइक पर आती हुई लॉरा वुलवडाट। यहाँ पर एक नहीं देखना पड़ेगा, कोई भी रन नहीं लिया, जी माफ़ी चाहेंगे, कोई भी रन नहीं लिया यहाँ पर, दौड़ी ही नहीं थी यहाँ पर सनल लुइस। और स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज सनल इस बार ऑस्टम पे गेंद, डिफेंस कर दिया इस गेंद पर अमीला कर का। ये बहुत ही 10 ओवर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि वो रनों को भी रोकेंगी प्लस विकेट निकालने की भी कोशिश रहेगी। तो रिक्वायर रन रेट शायद थोड़ा बहुत बढ़ता नजर आएगा अमीला कर को। कर की ओवर की अगली गेंद ऑस्टम पे गेंद सीधा, जी हाँ माफ करिए अमीला कर नहीं, यहाँ तो कार्सन को बुलाया गया है, माफ़ी चाहेंगे कार्सन को बुलाया गया है। अमीला कर अभी भी नहीं आई है, लगातार ऑस्पिनर गेंदबाज कार्सन जो है वो गेंदबाजी कर रही हैं। कार्सन की 3 गेंदें हो गई हैं, चौथी गेंद कार्सन की इस ओवर की। एक बार फिर से यहाँ पर ब्रेस्टर ऑस्टम पे गेंद थी, स्कूप शॉट खेलने गई, अपील किया ज़रूर मगर वहाँ पर लेग बाय, जी हाँ लेग बाय का एक जो है सिंगल शायद लेते हुए, जी हाँ लेग बाय का एक सिंगल आता हुआ यहाँ पर और स्कोर पहुँचता हुआ सदर का वुमेंस का। 76 रन 2 विकेट नुकसान पर यहाँ पर कार्सन जो है वो लगातार 4 गेंदे कर चुके हैं। एक रन आया इस ओवर से अपील करने की कोशिश, मेरे हिसाब से अमीला कर का समय भी आ चुका कि अमीला कर भी अपने कुछ ओवर्स यहाँ पर करें। कार्सन के ओवर के अगली गेंद ऑस्टम पे गेंद, ड्राइव किया इस गेंद को, गेंद जाती हुई कवर दिशा में, फील्डर मौजूद है। एक रन और आता हुआ इस ओवर में और अगर देखा जाए तो 2 रन आ चुके हैं इस ओवर के अंदर। स्ट्राइक पे सनल लुइस को ओवर की आखिरी गेंद, 14वें ओवर की आखिरी गेंद कार्सन कर रही है गेंदबाजी। कार्सन के ओवर की अगली गेंद, फिर से ऑस्टम पे गेंद, सीधे बल्ले से खेला, कार्सन ने गेंद को फील्ड करने की कोशिश की मगर मिस कर गई, गेंद गई लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन के लिए। और इस एक रन के साथ 3 सिंगल आए इस ओवर में, 14 ओवर हो चुके हैं, 78 रन 2 विकेट नुकसान पर साउथ अफ्रीका का स्कोर है। और यहां से अगर बात की जाए 177 रन चाहिए 218 गेंदों में, 177 रन चाहिए 218 गेंदों के अंदर। तो क्या लगता है कि यहां से रन्स बनेंगे या फिर खामोशी से बल्लेबाजी जो है वो करते हुए नज़र आएंगे दोनों बल्लेबाज, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अभी तक तो बिल्कुल खामोशी से ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, रनों को बटोर रहे हैं, रनों को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही अगर बल्लेबाजी करेंगे तो मज़ा आएगा इस खेल में। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि अमीला कर को वापस बुलाया जाएगा क्या। आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा सेटबेट के साथ। सेटबेट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके अपनी आईडी क्रिएट करिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जैसे 200 रुपये का है, मिनिमम बैट जैसे 10 रुपये की, और पहले डिपॉजिट करने पे आपको 100% का बोनस मिलता है। मान लीजिए 500 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो 500 का एक्स्ट्रा बोनस, 1000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो आपको 1000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस जो है सेटबेट की तरफ से मिलते नजर आएगा। तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा सेटबेट को, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैट में पिन कर दिया है। डिपॉजिट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, बैंक ट्रांसफर से कर सकते हैं। विड्रॉल आपको 15 से 20 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाता है। तो छोटे जाइएगा सेटबेट को ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिए, खेलिए और जीतिए। चलिए जयस्कर आई हैं
गेंदबाजी करने के लिए। पहले स्पेल में सिर्फ 3 ओवर किए थे और 14 रन दिए थे। इस बीच पहली गेंद पर सिंगल आया उनकी और स्ट्राइक पे है लॉरा वुलडार्ट। लॉरा वुलडार्ट खतरनाक बल्लेबाजी कर रही है। अगर यहाँ से बल्लेबाजी जो है वो काफ़ी अच्छी रहे तो मज़ा आएगा। फिर से ऑफ स्टंप पे गेंद, सीधे बल्ले से खेला, निचले हिस्से पे गेंद लगी और 1 रन जो है वो दौड़ लिया लॉरा वुलडार्ट ने। 40 रन बनाकर खेल रही है लॉरा वुलडार्ट। 38 गेंदों का सामना जो है वो कर चुकी हैं। जी हाँ, 38 गेंदों का सामना जो है वो कर चुकी हैं लॉरा वुलडार्ट और लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी जो है वो करके दिखाई है। जस करके ओवर की अब तीसरी गेंद, सना लूस है स्ट्राइक पर। ऑस्टम पे गेंद, बैकफुट से गेंद को कट किया और निकाल दिया डीप पॉइंट दिशा में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे आती हुई बल्लेबाज, जी हाँ स्ट्राइक पे आते हुए बल्लेबाज लॉरा वुलडार्ट। 3 सिंगल आ चुके हैं। अभी 15वां ओवर चल रहा है, अभी तक एमिला कर को गेंदबाजी जो है वो नहीं कराई है। पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है, सोफी डिवाइन समझ के परे है, क्योंकि दोनों बल्लेबाज सेट हो रहे हैं यहाँ पर। जस्कर किया और अगली गेंद ऑस्टम पे गेंद पर फिर से पुश किया कवर दिशा में, 1 रन और मिलता हुआ लॉरा वुलडार्ट को। स्ट्राइक पे है सना लूस। स्कोर हो चुका है 82 रन 2 विकेट नुकसान पर। 14.4 गेंदें हो चुकी हैं। अगर आप गेम को समझें, जी हाँ अगर गेम को समझें आप सब लोग यहाँ पर, कि जिस प्रकार की सिंगल निकालने की कला जो है शत्रुघ्न बल्लेबाजों के पास है, उस तरीके के सिंगल शुरुआती ओवर्स के अंदर जो है न्यूजीलैंड के बल्लेबाज निकाल नहीं पर। जस्ट करके ओवर की अगली गेंद फुल्क की गेंद पर सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद निकल गई थर्ड मैन की दिशा में। 4 रन मिलते हुए इस गेंद पर सना लूस को किस्मत का सहारा। यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। 86 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर। 14.5 गेंदें हो चुकी हैं। 211 गेंदों में 168 रन चाहिए जीतने के लिए। और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी जो है वो पस्त पड़ती हुई यहाँ पर। और आज ये जो गेंदबाजी के जो रोटेशन आज करी है बहुत ही ख़राब करी है सोफी डिवाइन ने। चलिए अगली गेंद जस करके ओवर की फुल टॉस गेंद बार ड्राइव किया गेंद को, मगर गेंद जाएगी फील्डर के पास, कोई रन नहीं मिलेगा। 15 ओवर हो चुके हैं, 15 ओवर हो चुके हैं। यहाँ पर स्कोर हो चुका है 86 रन 2 विकेट नुकसान पर। लगातार खराब गेंदबाजी जो है वो जारी है साउथ न्यूजीलैंड की तरफ से। और न्यूजीलैंड जो है वो क्या करेगा, न्यूजीलैंड जो है वो क्या कर सकता है यहाँ पर, उस पर ज़रा नज़र डालिए। क्योंकि न्यूजीलैंड जो है बिल्कुल फंसता जा रहा है। 168 रन चाहिए एक लिए। पार्टनरशिप जो है वो और लंबी चली गई तो शायद दबाव जो है पूरी तरीके से बनता चला जाएगा इस मुकाबले के अंदर। क्या लग रहा है आपको, किस प्रकार का ये खेल है, किस तरीके का ये खेल चल रहा है, ज़रा इस पे भी हमने निगाहें बनाई हुई हैं। मुकाबला चल रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का। एक बार फिर से कार्सन को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। कार्सन के ओवर की पहली गेंद डॉट गेंद है, ये ऑफ-स्पिनर गेंदबाज हैं, युवा खिलाड़ी हैं ये, और उनके पास मौका है कि विकेट निकालें। यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं इस गेंद को। जी हाँ, माफ करिए, पहली गेंद पर नहीं, दूसरी गेंद पर जो है यहाँ पर जो है वो 2 रन मिलते हुए। पहली गेंद डॉट थी, दूसरी गेंद ऑस्टन के बाहर, उसको ड्राइव किया, 2 रन बटोरे हैं। 88 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर साउथ अफ्रीका के। स्ट्राइक पे मौजूदा बल्लेबाज, जी हाँ स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज लॉरा वुलडार्ट, जो कि 6 रन दूर हैं अपने दूसरे अर्धशतक से। सीरीज में दूसरा अर्धशतक जो है लगाएंगे। एक बार फिर से ऑस्टन पे गेंद, इस बार बैकफुट से गेंद को खेला था, फ्रंट फुट पे गेंद को खेला था कवर दिशा में, 1 रन मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे आएंगे सना लूस। सना लूस भी बिल्कुल टाइयो है, स्ट्राइक रेट अच्छा चल रहा है। 24 गेंदों में सिर्फ 20 रन की पारी खेली, मगर साथ दे रहे हैं यहाँ पर सना लूस। सना लूस को अगली गेंद इस बार कार्सन के इस ओवर की, कार्सन के ओवर की अगली गेंद इस बार लेक्स्टम पे गेंद कलायो के सारे टहलाया स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर। इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 90 रन 2 विकेट नुकसान पर। 15.4 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। लग रहा है कि आज फंस चुकी है न्यूजीलैंड की गेंदबाजी, क्योंकि विकेट जो है वो मिल नहीं रहे। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए कार्सन एक बार लॉर्ड ब्रॉड को मिड स्टंप पे गेंद कलायो का सर टहलाया मिड विकेट दिशा में तेजी से 1 रन लेने की कोशिश, मगर मना किया वहाँ पर, रन जो है वो मिला नहीं। एक बार फिर से आखिरी गेंद खेलेंगी, 4 रन आ चुके हैं इस ओवर से। आखिरी गेंद करेंगी कार्सन स्ट्राइक पे लॉरा वुलडार्ट। 90 रन बना के खेल, 90 रन बन चुके हैं साउथ अफ्रीका के 2 विकेट नुकसान पर। कार्सन, जी हाँ कार्सन युवा खिलाड़ी हैं और गेंदबाजी जो है वो अच्छी करती हैं। चलिए ओवर की आखिरी गेंद भी
यहाँ पर जो है वो डॉट गेंद है जी हाँ, ऑफस्पिनर गेंदबाज ओवर द विकेट गेंद लेकर चल रही है, ऑस्टन लाइन पे गेंदबाजी कर रही है इस बार, शॉट जरूर खेला था लॉर्ड ब्रॉड ने पर गेंद को फील्ड कर लिया कार्सन ने। तो यहाँ से 16 ओवर जो है वो समाप्त हो चुके हैं 90 रन 2 विकेट नुकसान पर। साउथ अफ्रीका वुमेन्स का स्कोर है और अगर देखा जाए तो यहाँ से अभी भी चाहिए 184 रन जी, 184 रन चाहिए जीतने के लिए। अब देखते हैं किस प्रकार जीतेंगे, यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है, अब देखते हैं ड्रिंक्स ब्रेक के अंदर किस प्रकार की बल्लेबाजी किस प्रकार की सोच जो है वो रहेगी इस मुकाबले को लेकर। तो देखते हैं अभी मुकाबला किस प्रकार चलता है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ साथ में। आप सब लोग जो है सेटबेट के साथ जुड़ जाइएगा, सेटबेट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके अपनी आईडी क्रिएट करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा सेटबेट साथ। सेटबेट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, सेटबेट के ऊपर ही आप सारे मुकाबले लाइव दे सकते हैं। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैट में पिन कर दिया है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आईडी ले सकते हैं और पहले डिपॉजिट करने पर आपको 100% का बोनस मिल रहा है। 500 डिपॉजिट करेंगे 500 का एक्स्ट्रा बोनस, 1000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो 1000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस। चलिए ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है तो हम भी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं एक बार। चलिए ब्रेक जो है समाप्त हो चुका है और अमिला कर को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर, और देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। अगर देखा जाए तो अभी सिचुएशन जो है साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी बेटर है क्योंकि 163 रन चाहिए जीतने के लिए और दो सेट बल्लेबाज फ्लोरा विराट और सना लुइस जो हैं वो क्रीज पर मौजूद हैं और दोनों जो हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी जो है वो करके दिखा रही हैं। यहाँ पर उम्मीदें यही है कि एक विकेट मिले और मोमेंटम जो है बनते हुए नजर आए। अमिलाकर अब किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे उसको समझना होगा। इस बीच अमिलाकर की तीसरी गेंद डॉट गेंद है, चौथी गेंद लेकर चल रही है लॉर्ड विराट जी हाँ, सना लुइस और लॉर्ड विराट दोनों को आउट करना होगा कि दोनों जो हैं बिल्कुल सेट बल्लेबाज हो चुकी हैं, दोनों बल्लेबाजी जो है वो काफ़ी अच्छी कर रही हैं।
और मुकाबले में जुड़ी हुई है। एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, पोल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट दिशा में लॉरा वोल्वडाट ने, और एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर स्ट्राइक पे आते हुए सना लुइस। थोड़ा सा शायद देरी तो नहीं कर दी यहाँ पर लाने में, कहीं ना कहीं यहाँ पर अमिला कर को कहीं ये देरी तो नहीं हो गई है, ये समझना होगा। चलिए अब देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूरत हाल। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और जुड़ते रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में। एक बार फिर से अमिला कर की ये गेंद, इस बार ड्राइव किया सना लुइस ने और कोई भी रन नहीं मिला। आखिरी गेंद लेकर चलती हुई अमिला कर के ओवर की आखिरी गेंद है ये, 17 ओवर की आखिरी गेंद। सिंगल लिया यहाँ पर सना लुइस ने स्ट्राइक पे आते हुए लॉरा वोल्वडाट, 47 गेंदों में 45 रन बनाकर खेल रही लॉरा वोल्वडाट, और सना लुइस जो है 29 गेंदों में 23 रन बनाकर खेल रही है। 198 गेंदों में 161 रन चाहिए जीतने के लिए। और न्यूजीलैंड को, जी हाँ न्यूजीलैंड को यहाँ से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि विकटें इनको मिल नहीं रही है, दबाव पूरी तरीके से बना हुआ है और इस दबाव को अगर कम करना है तो विकटें निकालनी पड़ेंगी, बिना विकेट निकाले काम होगा नहीं। यहाँ पर पार्टनरशिप की भी बात की जाए तो 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, 56 गेंदों का सामना किया है दोनों बल्लेबाजों ने, और यही कहा था कि रन्स को रोकने नहीं दिया है, रन्स आते चले गए हैं इस मुकाबले के अंदर। चलिए एक बार फिर से अगली गेंद ऑस्टम्प पे, इस बार कलायो के सर टहलाया है गेंद को मिडॉन की दिशा में और यहाँ पर फिर से मिसफील्ड होती हुई एक रन मिलता हुआ सना लुइस को। स्ट्राइक पे आती हुई बल्लेबाज लॉरा वोल्वडाट 5 रन दूर है अपने 8 शतक से, 17.1 गेंद हो चुकी है, 94 रन 2 विकेट नुकसान पर साउथ अफ्रीका वुमेन्स का स्कोर है। अमिला कर जो है आखिर यहाँ पर जो है गेंदबाजी के लिए कौन, जी हाँ यहाँ पर जो है गेंदबाजी जो है ऑफ स्पिनर गेंदबाज कर रही हैं। दूसरी गेंद भी डॉट गेंद है यहाँ पर और बिल्कुल ज़बरदस्त गेंदबाजी चल रही है। एक बार फिर से एडन कार्सन जो है वो गेंदबाजी कर रही है ऑस्टम पे। गेंद एक बार फिर से कवर दिशा में खेल दिया इस शॉट को, कवर फील्डर मौजूद है, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर। इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे फिर से सना लुइस आ जाएंगे। 159 रन चाहिए, अगर 50 रन और जुड़ गए तो ये मुकाबला जो है वो हाथ से निकल जाएगा। अब न्यूजीलैंड को क्विक 2 विकेट्स, जी हाँ 2 विकेट और चाहिए तेजी से यहाँ पर, जिससे दबाव जो है बना सके, क्योंकि लॉरा वोल्वडाट जो है वो एक अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। आने वाले बल्लेबाज यहाँ पर शार्लट अरोन है, नैनेंडी क्लार्क है, मरजम कैप जैसे बल्लेबाज हैं। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला सना लुइस ने, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 रन के लिए, इस छक्के के साथ साउथ अफ्रीका के 101 रन पूरे होते हुए 100 रन पूरे होते हुए, जी हाँ 101 रन 2 विकेट नुकसान पर साउथ अफ्रीका का स्कोर है। स्ट्राइक पे मौजूद सना लुइस 31 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रही हैं, 194 गेंदों में 153 रन चाहिए जीतने के लिए। मुकाबला ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड की पकड़ से निकलता जा रहा है, और इस मुकाबले में अगर वापसी करनी है तो थोड़ा सा संयम भरी बल्लेबाजी जो है वह करनी होगी। एक बार फिर से ऑस्टन के बाहर ये गेंद, स्वीप शॉट खेला था उस गेंद पर, शॉर्ट स्वर्ण में ये गेंद गई, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर। डॉट गेंद के साथ यहाँ पर गेंदें जो हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हो रही हैं, मगर बल्लेबाजी उससे बेहतर। अगली गेंद ओवर की आखिरी गेंद सना लुइस को, इस बार फुल्म की गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर। इस एक रन के साथ यहाँ पर जो है ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 18 ओवर हो गए हैं और 102 रन 2 विकेट नुकसान पर साउथ अफ्रीका वुमेन्स का स्कोर है। 153 रन चाहिए जीतने के लिए, 193 गेंदों में चाहिए 153 रन जीतने के लिए। करंट रन रेट 4.76 का, मतलब बड़ी आसानी से बल्लेबाजी जो है वो कर रही है साउथ अफ्रीका की टीम, और ऐसा लग रहा है साउथ अफ्रीका की टीम आसानी से इस मुकाबले को जो है अपने नाम कर देगी। मगर यहाँ से सिचुएशन तो यही है कि थोड़ा बहुत तो सोचना ही पड़ेगा कि क्या हो रहा है इस मुकाबले का सूरत हाल। एक बार फिर से गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर जो है, जी हाँ, और यहाँ से अब देखना होगा किस प्रकार चलते हुए नज़र आते हैं। और अगर देखा जाए इस मुकाबले में अब किस प्रकार की यहाँ से गेंदबाजी जो है वो होती है। चलिए एक बार फिर से मुकाबला चलता हुआ
किस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है, उस बढ़िया उससे बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। अमीला कर कर रही है गेंदबाजी ओवर की तीसरी गेंद ऑस्टन के बाहर, बट टर्न हुई थी गेंद थोड़ी सी, खेला था कवक दिशा में, कोई रन नहीं मिलेगा। एक डॉट गेंद आती हुई, लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ते जाइए हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला जो है वो काफ़ी बेहतर चल रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है। एक बार फिर से अगली गेंद अमीला कर के ऑफ स्टंप पे, एक लक्ष्मी स्टंप पे गेंद सीधे बल्ले से खेला मिड ऑफ, जी हाँ मिड ऑफ की दिशा में, कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद, स्कोर अभी भी 103 रन, दो विकेट नुकसान पर, 18.4 गेंदें हो चुकी हैं। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर अगली गेंद लेकर चल रही है अमीला कर। अमीला कर कुछ तो करना होगा, अमीला कर को भी एक बार फिर से और के, पांचवी गेंद फ्लाइटी डिलीवरी थी, ड्राइव किया उस गेंद को मगर फील्डर के हाथ में गेंद, कोई रन नहीं। एक और डॉट गेंद, तो धीरे धीरे अब सिचुएशन को समझना होगा, सिचुएशन को सेटल करना होगा इस मुकाबले के अंदर। एक बार फिर से चलते हैं ज़रा अगली गेंद की तरफ, जी हाँ अगली गेंद है। एक बार फिर से ऑस्टम पे गेंद, हल्का सा पुश किया गेंद को पॉइंट की दिशा में, खेल दिया एक रन के लिए और इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे अपने पास रखती हुई लॉरा वुल्वडार्ट अभी तक 47 रन बना चुकी हैं। बल्लेबाजी काफ़ी ज़बरदस्त करी है लॉरा वुल्वडार्ट ने और जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रही हैं देखकर अच्छा लग रहा है। 19 ओवर हो चुके हैं, 104 रन, दो विकेट नुकसान पर साउथ अफ्रीका वुमेन्स का स्कोर है। 186 गेंदों में 150 रन चाहिए जीतने के लिए साउथ अफ्रीका, ज़बरदस्त बल्लेबाजी जी हाँ। 254 रन का टारगेट है, 104 रन बन चुके हैं, 150 रन और बनाने हैं। रिक्वायर रन रेट जो है वो 4.84 का हो चुका है, मगर वुमेन्स का मैच है भाई अनप्रिडिक्टेबल रहता है, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है यहाँ पर। अगली गेंद एक बार फिर से ऑस्टम पे गेंद कार्सन की और सीधे बल्ले से खेला इस गेंद को लॉरा वुल्वडार्ट ने, गेंद कंट्रोल्ड में, जी हाँ गेंद को फील्ड कर लिया यहाँ पर मिड ऑफ के फील्डर ने। एक बार फिर से सामने मौजूद बल्लेबाज लॉरा वुल्वडार्ट, ओवर की दूसरी गेंद कार्सन की, कार्सन गेंद लेकर चलती हुई ऑस्टम पे गेंद सीधे बल्ले से खेला, इस बार कवर की दिशा में ये गेंद थी, फील्डर मौजूद, जी हाँ फील्डर मौजूद। एक और डॉट गेंद, डॉट गेंद, डॉट गेंद, जी हाँ डॉट गेंद आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक डॉट गेंदें नहीं आएंगी प्रेशर जो है वो महसूस नहीं होगा बल्लेबाजों के ऊपर। चलिए एक बार फिर से अगली गेंद, कार्सन की पटकी हुई गेंद पर पुल किया है गेंद को, मिड ऑन के फील्डर ने डाइव लगाकर गेंद को फील्ड किया, एक रन मिलना चाहिए, एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर। सनालूस स्ट्राइक पर आ जाएंगी, 183 गेंदों में 49 रन चाहिए जीतने के लिए सनालूस जो है वो 35 गेंदों में 32 रन बनाकर खेल रही हैं। बल्लेबाजी जो है वो काफ़ी अच्छी कर रही हैं और इस बीच पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। कार्सन के ओवर की अगली गेंद, इस बार सामने सनालूस, इस बार ऑस्टम पे गेंद, इस बार हल्का सा पुश किया मिड विकेट दिशा में, गेंद जाती फील्डर के पास, कोई रन नहीं, जी हाँ डॉट गेंद, 105 रन बने हुए हैं, दो विकेट नुकसान पर। आप दो गेंदें बची हैं इस ओवर की, पिछले में से दो रन आए थे, इसमें अभी तक एक रन आया है, क्या विकेट मिलेगा? क्योंकि विकेट मिलेगा तभी मुकाबला खुलेगा यहाँ पर। एक बार फिर से लेक्स्टम पे गेंद सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर, इस एक रन के साथ 106 रन बन चुके हैं, दो विकेट नुकसान पर, 19.5 गेंदें हो चुकी हैं, 181 गेंदों में 148 रन चाहिए जीतने के लिए। आखिरी गेंद कार्सन के इस ओवर की, सिंगल लिया लॉरा वुल्वडार्ट ने और स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। तो 20 ओवर हो चुके हैं पूरे, 107 रन, दो विकेट नुकसान पर साउथ अफ्रीका वुमेन्स का स्कोर है। लॉरा वुल्वडार्ट 57 गेंदों में 49 रन बनाकर खेल रही हैं, 6 चौके लगाए हैं, 147 रन चाहिए जीतने के लिए अभी भी 180 गेंदों के अंदर। करंट रन रेट जो है वो चल रही है 5.35 की, वही रिक्वायर रन रेट जो है वो 4.90 की यहाँ पर चलते हुए। अगर देखा जाए तो आने वाले बल्लेबाज मरजम कैप हैं, नन्नडी क्लार्क हैं और चाइला टेरॉन जो हैं वो अभी भी आने बाकी हैं, अभी आना जो है उनको बाकी है। देखते हैं क्या किस प्रकार की बल्लेबाजी जो है वो करके दिखाएंगे यहाँ पर। मगर अभी जो दो बल्लेबाज जो क्रीज पे मौजूद हैं, चाहे वो सनालूस हों या फिर लॉरा वुल्वडार्ट, दोनों जो हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी जो है वो करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किलों भरी है न्यूजीलैंड के लिए, मगर इस सिचुएशन से क्या निकल पाएगी न्यूजीलैंड की ये टीम, चलिए देखते हैं क्या होता है। अमीला कर के ओवर की पहली गेंद पटकी हुई गेंद, लेग स्टंप पे फाइन लेग की दिशा में खेल दिया इस शॉट को, फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर, इस एक रन के साथ, जी हाँ इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे मौजूद हो जाएंगे, जी हाँ आ जाएंगे बल्लेबाज यहाँ पर जो है सनालूस, मगर 50 रन पूरे हो जाएंगे, 50 रन यहाँ पर
पूरे होते हुए लॉरा वुलवर्ट के, और सनलूस अगले गेंद पर सनलूस को पटकी हुई गेंद, इस बार पुल कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई मिड विकेट दिशा में, फील्डर कोई भी नहीं है रोक पाए, फील्डर ने कोशिश की मगर रोक नहीं पाएंगे, 4 रन मिल जाएंगे सनलूस को और स्कोर आगे बढ़ता हुआ साउथ अफ्रीका वुमेन्स का 112 रन 2 विकेट नुकसान पर, 20.2 गेंदे हो चुकी हैं। क्या बेहतरीन ये शॉट था, खड़े खड़े ही बिल्कुल बल्ले को घुमाया था, पुल किया था और मिड विकेट दिशा में चौका बटोरा था। चलिए अगली गेंद मिला करके सनलूस को, इस बार मिडल स्टंप पे गेंद, हल्का सा पुश किया पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद यहां पर, कोई भी नहीं मिला, यहां पर कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पर, और यहां से देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी। फिर से ऑस्टम पे गेंद, सीधे बल्ले से खेला कवर दिशा में, 142 रन चाहिए जीतने के लिए, 176 गेंदों में रिक्वायर रन रेट अभी भी 4.84 का। अगली गेंद डालते हुए यहां पर, अगली गेंद लेकर चलते हुए अमीला कर, अभी तक 10 रन दिए हैं, अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रही हैं। एक बार फिर से ओवर की 5वीं गेंद ऑस्टम पे गेंद, इस बार सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर, और इस 1 रन के साथ, जी हाँ इस 1 रन के साथ स्ट्राइक जो है वो लॉरा वुलवर्ट के पास आ जाएगी। 50 रन बनाए, 58 गेंदों का सामना किया है, 175 गेंदों में चाहिए 141 रन जीतने के लिए, और न्यूजीलैंड के लिए मुकाबला थोड़ा धुंधला होता हुआ। चलिए एक बार फिर से ऑस्टम की तरफ ये गेंद, सीधे बल्ले से खेला, फील्डर ने कोशिश की गेंद को रोकने की, रोक देंगे यहाँ पर, तो गेंद जा रही थी लॉन्ग ऑफ की दिशा में मगर वहाँ पर फील्डर ने गेंद को रोका है, और इस ओवर की समाप्ति होती हुई, जी हाँ ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर, इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर अभी भी 113 रन 2 विकेट नुकसान पर, 21 ओवर जो है वो हो चुके हैं। लॉरा वुलवर्ट जो है वो 50 रन बनाकर खेल रही हैं, वहीं सनलूस जो है वो 38 रन बनाकर खेल रही है, 41 गेंदों का सामना किया है, 141 रन चाहिए अभी भी, और 21 ओवर जो है वो समाप्त हो चुके हैं, 21 ओवर जो है वो समाप्त हो गए हैं। अब देखते हैं सनलूस जो है वो किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर बुला लिया गया है अब कार्सन को, कार्सन के ओवर की पहली गेंद ऑस्टम पे गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलने गई, टॉपेज लगा मगर वहाँ पर मिड ऑफ का फील्डर से काफ़ी दूर ये गेंद गिरी, और यहाँ पर कोई चांस नहीं कैच पकड़ने का। मगर एक बार फिर से कार्सन के ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से ऑस्टम पे गेंद, सीधे बल्ले से खेला, इस बार कार्सन ने गेंद को फील्ड कर लिया, लगातार दूसरी बार डॉट गेंद आती हुई। तो यहाँ पर सनलूस पे आप ऐसा प्रेशर बना सकते हैं कि रनों ना दें उनको, तो शायद वो बड़े शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट जो है वो गंवाते हुए नजर आएँ। कार्सन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रही हैं। एक बार फिर से कार्सन के ओवर की तीसरी गेंद, सनलूस को ऑस्टम पे गेंद थी, पुश किया गेंद को, इस बार थर्ड मैन की दिशा में, गेंद जाती हुई बाउंड्री की तरफ, और लीजिए एक और चौका आता हुआ सनलूस के बल्ले से, चौके के साथ सनलूस भी बस 8 रन दूर है अपने अर्धशतक से, स्कोर हो चुका है 117 रन 2 विकेट नुकसान पर, 21.3 गेंदे हो चुकी हैं, 171 गेंदों में 137 रन, जी हाँ 137 रन चाहिए जीतने के लिए, और मुकाबले में साउथ अफ्रीका की पकड़ जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हुई यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम, जी हाँ बहुत अच्छी पकड़ मजबूत कर रही है। एक बार फिर से मिड स्टंप पे गेंद, हल्का सा टहलाया मिड विकेट दिशा में, 1 रन तेजी से पूरा करते हुए यहाँ पर, इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे लॉरा वुलवर्ट आ जाएंगे, 118 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर, 21.4 गेंदे हो चुकी हैं, 170 गेंदों में 36 रन चाहिए जीतने के लिए। चलिए कार्सन के ओवर की आखिरी गेंद है, 5 रन आ चुके हैं इस ओवर से, अगली गेंद कार्सन की, इस बार लॉरा वुलवर्ट को सीधे बल्ले से खेला मगर वहां पर शॉर्ट मिड विकेट दिशा में, फील्डर ने लेफ्ट की तरफ बाईं तरफ दौड़कर गेंद को फील्ड किया, 5वीं गेंद डॉट गेंद, आखिरी गेंद है ये, विकेट जो है मिली नहीं, शुरुआती 2 झटके पावर प्ले के अंदर आए थे, उसके बाद एक बढ़िया पार्टनरशिप जो है वो देखने को मिली है दोनों बल्लेबाजों से। एक बार फिर से यहां पर खेला मिड विकेट दिशा में, 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर, इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज यहां पर जो है लॉरा वुलवर्ट, 22 ओवर जो है वो हो चुके हैं, 119 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर, 168 गेंदों में चाहिए 135 रन जीतने के लिए, जी हाँ 168 गेंदों में चाहिए 135 रन जीतने के लिए, 4.82 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां पर रन्स जो हैं वो बनने चाहिए और भी रहे हैं और रन्स आ भी रहे हैं, मुकाबले में खेल जो है वो आगे बढ़ भी रहा है यहां पर।
अब आगे की तरफ चलते हैं, जरा की तरफ देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार की बल्लेबाजी जो है वो चलते हुए नजर आएगी इस मुकाबले के अंदर। सिचुएशन की बात की जाए तो अभी ठीक ठाक है साउथ अफ्रीका के लिए, मगर अब यहाँ पर हाल्डे को बुलाया गया है। हाल्डे आई है गेंदबाजी के लिए, पिछले मुकाबले में गेंदबाजी उन्होंने की नहीं थी। एक बार फिर से पहली गेंद लॉर्ड अब्राड को ऑस्टम पे अगेन ड्राइव किया, गेंद को कवर दिशा में अगेन चाह रही थी, फील्डर ने गेंद को रोका और दो रन मिलेंगे, जी नहीं एक ही रन मिलेगा, अब अफेंगे दो भी नहीं। यहाँ पर हाल्डे की इस गेंद के ऊपर जो है वो दो रन ले लिए हैं क्या, जी नहीं एक ही रन लिया है, एक ही रन लिया है। सना लूज स्ट्राइक पे आ जाएंगी हॉलीडे के ओवर की अगली गेंद, दूसरी गेंद इस बार, जी हाँ दूसरी गेंद इस बार स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज सना लूज हॉलीडे के ओवर की अगली गेंद लेकर चल रहे हैं, अगली गेंद लेकर चल रही है ऑस्टन के बाहर, कट किया गेंद को पॉइंट फील्डर से जस्ट आगे, टप्पा खाई है गेंद, मिसफील्ड हो गया। यहाँ पर एक रन और मिलता हुआ तो थोड़ी सी बिल्डिंग जो है वो आज खराब नजर ही आई है, जी हाँ खराब ही नजर आई है आज साउथ न्यूजीलैंड की फील्डिंग। और एक सिंगल और आता हुआ स्ट्राइक पे लॉरा वुलवराट आती हुई, 121 रन बन चुके हैं, दो विकेट नुकसान पर 22.2 गेंदें हो चुकी हैं। अभी अगली गेंद लेकर चलते हुए, जी हाँ अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए ब्रूकी हॉलीडे, वैसे तो 25 मुकाबलों में गेंदबाजी करी है, 4 विकेट इनको मिले हैं। ब्रूकी हॉलीडे हॉलीडे जो है वो गेंदबाजी कर रही है। ओवर की तीसरी गेंद लॉर्ड अब्राड को स्लोअर डिलीवरी, सीधे बल्ले से खेला, मिड ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर, जी हाँ डॉट गेंद आती हुई, और ऐसी डॉट गेंदों से काम बनेगा नहीं क्योंकि आपको चटकानी है विकेट, अगर विकेट नहीं आई तो मुकाबले से ऑलमोस्ट दूर सी हो जाएगी यहाँ पर जो है साउथ न्यूजीलैंड की ये टीम। चलिए अगली गेंद एक बार फिर से हॉलीडे की पटकी हुई गेंद, थोड़ा ज़्यादा ही शॉर्ट कर दी थी ये गेंद, तब भी खेला इस गेंद को और गेंद जाती हुई सीधा वहाँ पर कवर फील्डर के पास, कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पर, जी हाँ अगली गेंद लेकर चलते हुए हॉलीडे जो है वो प्रॉपर गेंदबाज है नहीं, ऑलराउंडर की भूमिका में निभाती हैं। ओवर की पांचवी गेंद हॉलीडे के ओवर की स्लोअर डिलीवरी, सीधे बल्ले से खेला, गेंद को फील्ड कर लिया यहाँ पर हॉलीडे ने, एक और डॉट गेंद आती हुई, जी हाँ डॉट गेंदें आती हुई यहाँ पर, स्कोर अभी भी 121 रन दो विकेट नुकसान पर, 22.5 गेंदें हो गई हैं। आखिरी गेंद लेकर चल रही हैं यहाँ पर, दबाव बनाने की पूरी तैयारी रहेगी, यहाँ पर देखना होगा किस प्रकार गेम चलता है। फिर से ऑस्टम पे गेंद ड्राइव किया, गेंद को गेंद जाती हुई कवर दिशा में फील्डर मौजूद, एक रन मिलेगा या दूसरा भी लेना चाहेंगे, जी नहीं एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर, और इस एक रन के साथ ओवर की होती हुई समाप्ति। 3 रन आए इस ओवर से, 162 गेंदों में 132 रन चाहिए जीतने के लिए, 122 रन बन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर साउथ अफ्रीका का स्कोर है। लॉरा वुलवराट 53 रन बनाकर खेल रही हैं, सना लुइस जो है वो 44 रन बनाकर खेल रही हैं, और दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप जो है पनप रही है और न्यूजीलैंड के लिए मुश्किलें जो है खड़ी हो रही है यहाँ पर। अब देखते हैं क्या अमीला कर एक छोर से गेंदबाजी करते नजर आएंगे, क्या सिचुएशन, कहते हैं ना वुमेन्स मैच जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी भी गेम कहीं से भी पलटता है, मगर यहाँ से गेम को पलटने के लिए आपको गुच्छों में 2-3 विकेट चटकाने पड़ेंगे, दबाव जो है वो बनाना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। 23 ओवर जो है वो हो चुके हैं यहाँ पर, 24वां ओवर लेकर चल रहे हैं गेंदबाज यहाँ पर। कार्सन को हुई एक छोर से रखा है गेंदबाजी के लिए, कार्सन के ओवर के फुल टॉस, ये गेंद ड्राइव किया गेंद को, कवर फील्डर का हाथ लगा, मगर एक नहीं दो मिलने चाहिए, दो रन मिल जाएंगे क्योंकि जैसे ही कवर फील्डर का हाथ लगा गेंद मिड ऑफ की तरफ निकल गई और दो रन मिल गए इस गेंद पर जो है लॉरा वुलवराट को। 124 रन बने हुए हैं दो विकेट नुकसान पर, 23.1 गेंद हो चुकी है। अगली गेंद कार्सन के इस ओवर की लॉरा वुलवराट है स्ट्राइक पर, क्या बड़ा प्रहार होगा इस गेंद पर ये देखने वाली बात रहेगी, क्या बड़े शॉट लगते हुए नजर आएंगे। फिर से लक्ष्मण पे गेंद फाइनल की दिशा में खेल दिया, इस शॉट को गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर, 4 रन खेले, और ऐसा लग रहा है कि लॉरेंस विराट और सना लुइस ने अब मन बना लिया है कि जो गेंद खराब मिलेगी उसे बाउंड्री के बाहर पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द इस मुकाबले को खत्म करेंगे। और यहां से 126 रन चाहिए जीतने के लिए, 160 गेंदें बची हुई हैं अभी भी, और लॉरेंस विराट जैसे ही लेग स्टंप पे ये गेंद दिखी उसको स्कूप शॉट खेला, फाइनल की दिशा से बाउंड्री जो है वो बटोर ली है यहाँ पर। एक बार फिर से गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर कार्सन के ओवर की अगली गेंद ऑस्टम पे, एक बार फिर से ड्राइव किया गेंद को, कवर बाउंड्री पे एक फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर। इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे आती हुई बल्लेबाज यहाँ पर जो है वो आती हुई बल्लेबाज जो है सना लुइस, और 44 रन बनाकर खेल रही हैं, 6 रन दूर हैं अपने 8 शतक से।
24 हुआ ये ओवर है और 158 गेंदों में 125 रन चाहिए जीतने के लिए। सिचुएशन न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। एक बार फिर से कार्सन के ओवर की पांचवी गेंद, डॉट गेंद है ये। सैन लुइस को एक बार फिर से अच्छी गेंद की थी, सीधे बल्ले से खेला, कार्सन ने गेंद को फील्ड कर लिया है। छठा ओवर डाल रही है कार्सन, 32 रन दिए हैं, विकेट मिला नहीं है। इकॉनमी 5.49 की रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर दबाव बनाना ही पड़ेगा। जी हाँ, बनाना ही पड़ेगा दबाव। अब देखते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी जो है वो चलते नजर आती है। एक बार फिर से अगली गेंद सैन लुइस को, इस बार कवर दिशा में खेला इस शॉट को, एक रन मिलेगा इस गेंद पर। 130 रन बन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर। 24 ओवर जो है वो हो चुके हैं। सैन लुइस 49 गेंदों में 45 रन बना के खेल रही हैं, 4 चौके 1 छक्का लगा चुकी हैं। वहीं करंट रन रेट जो है वो काफ़ी जो है बढ़िया है, रिक्वायर रन रेट जो है वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। आखिरी के ओवर से पहले ही ऐसा लग रहा है कि रन्स जो है वो आसानी से बनते हुए नज़र आएंगे इस मुकाबले के अंदर। सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रही है यहाँ पर, सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब है यहाँ पर जो है बल्लेबाजी गेंदबाजी के लिए। और हॉलीडे आई है, हॉलीडे के ओवर की पहली गेंद इस बार फिर से स्लोअर डिलीवरी थी, कलाइयों के सहारे खेला उसको शॉर्ट रन में दिशा में सैन लुइस ने, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। 24.1 गेंद हो चुकी है, 130 रन दो विकेट नुकसान पर। 24.1 गेंद का खेल हो चुका है समाप्त, 124 रन चाहिए जीतने के लिए। सैन लुइस को अगली गेंद हॉलीडे के इस ओवर की दूसरी गेंद है ये। क्या लगता है कुछ बड़ा शॉट खेलेंगे या फिर विकेट आएगा? चलिए हॉलीडे के ओवर की अगली गेंद, फटकी हुई गेंद, ऑस्टन के बाहर कट किया गेंद को, डीप पॉइंट दिशा में फील्डर मौजूद, एक सिंगल आता हुआ इस गेंद पर, इस एक सिंगल के साथ। जी हाँ, इस एक सिंगल के साथ स्ट्राइक पे आती हुई लॉरा वुलवराट, स्ट्राइक पे मौजूद लॉरा वुलवराट है। हॉलीडे के ओवर की तीसरी गेंद इस बार लॉरा ने आज बल्लेबाजी अच्छी करी है, 60 रन की पारी खेली है। एक बार फिर हॉलीडे की गेंद ऑस्टन के बाहर, रूम बनाकर खेल दिया, कवर दिशा में फील्डर दौड़ के गेंद तक पहुंचते हुए, और लीजिए एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर। इस एक रन के साथ सैन लुइस जो है वो स्ट्राइक पे आ चुके हैं, और अगर देखा जाए तो सिंगल डबल जो है वो आसानी से, जी हाँ आसानी से यहाँ पर जो है आते हुए नजर आई हैं। और अब देखते हैं किस प्रकार का मैच होगा। चलिए अगली गेंद एक बार फिर से स्लो डिलीवरी, एक बार अंदर आती हुई गेंद थी, डिफेंस कर दिया इस गेंद को, और लाजवाब, जी हाँ लाजवाब गेंदबाजी, मगर क्या करें विकेट जो है वो मिल नहीं रही है। 4 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की, 2 ही रन आए हैं। सैन लुइस है स्ट्राइक पर, ओवर की अगली गेंद यहाँ पर हॉलीडे के, जी हाँ हॉलीडे के ओवर की अगली गेंद, पांचवी गेंद इस ओवर की। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। एक बार फिर से सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को, गेंद निकल गई मिड ऑल या लॉन्ग ऑन की दिशा में, 4 रन के लिए एक और चौका आता हुआ यहाँ पर। इस चौके के साथ साउथ अफ्रीका का स्कोर पहुँचता हुआ 136 रन दो विकेट के नुकसान पर। 24.5 गेंदें हो चुकी हैं, 151 गेंदों में चाहिए 118 रन जीतने के लिए। तो शायद अब मुसीबतें जो हैं वो खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, बिल्कुल खड़ी है ये मुसीबतें न्यूजीलैंड के लिए। हॉलीडे के ओवर की आखिरी गेंद, सिंगल लिया इस गेंद पर, तो 25 ओवर हो गए हैं समाप्त, 137 रन, जी हाँ 137 रन बन चुके हैं यहाँ पर दो विकेट नुकसान पर। 25 ओवर जो है वो समाप्त हो चुके हैं, 137 रन बन चुके हैं। अब 150 गेंदों में 117 रन चाहिए जीतने के लिए, 4.68 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाने हैं। तो स्ट्राइक पे सैन लुइस 50 रन पूरे कर चुके हैं, 51 रन की पारी जो है खेल चुकी हैं यहाँ पर, 54 गेंदों का सामना किया। चलिए यहाँ से अगर बात की जाए इस मुकाबले की, तो सिचुएशन जो है वो ख़राब है कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि 50 गेंदों में 17 रन चाहिए आपको जीतने के लिए, और बल्लेबाजी बिल्कुल आसान कर दी है दोनों बल्लेबाजों ने, बल्लेबाजी पूरी तरीके से आसान कर दी है इन दोनों बल्लेबाजों ने। अब विकेट नहीं, विकटें चाहिए, गुच्छों में चाहिए विकटें साउथ अफ्रीका यहाँ पर न्यूजीलैंड को, तभी इस खेल में वापसी होगी, क्योंकि 117 रन चाहिए। अगर आप अगले 40 रन तक 3 या 4 विकेट चटकाते हैं तभी वापसी कर पाएंगे इस मुकाबले में। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर 26वें ओवर की पहली गेंद, एक रन मिलता हुआ
इस गेंद पर इस एक रन के साथ इस स्ट्राइक पे आती हुई लॉरा वुल्वडाट स्कोर हो चुका है 138 रन बन चुके हैं दो विकेट के नुकसान पर। सिचुएशन न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी मुश्किलों भरी। एक बार फिर से लिया थू के ओवर की दूसरी गेंद, डॉट गेंद, यहां पर कोई भी रन नहीं मिलेगा। दूसरी गेंद भी डॉट गेंद, 138 रन बन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर, 116 रन चाहिए जीतने के लिए। और ऐसा लग रहा है कि भैया आज जो है वो कुछ भी कर लीजिएगा, न्यूजीलैंड की गेंदबाजी जो है वो उस प्रकार चली ही नहीं है जिस प्रकार होनी चाहिए थी। और सिंपल सिंपल अगर मैं बताऊं आपको बात को कि एक पार्टनरशिप बनी, रन रेट जो है वो मेंटेन करके चले और ख़त्म। जी हाँ, ऐसा लगा ख़त्म सा हो गया, मगर वुमेंस मैच है, अनप्रेडिक्टेबल मुकाबले होते हैं, कहीं से भी गेम पलट जाता है। इस बीच लिया थू की ये गेंद, तीसरी गेंद मिसफील्ड हुई, वहाँ पर एक रन मिलता हुआ लॉरा वुल्वडाट को। और मुकाबला जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त, नहीं कहूँगा मैं उसको ज़बरदस्त नहीं कहूँगा, न्यूजीलैंड की गेंदबाजी जो है काफ़ी ऑर्डिनरी सी लगी है। शुरुआती दो विकेट मिले ज़रूर, मगर उसके बाद एमिला कर को इतनी देरी से लेकर आए हैं, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी होते हुए नज़र आई है इस मुकाबले के अंदर। देखते हैं क्या होता है, एक बार फिर से गेंदबाजी की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, यहाँ पर लिया थू की ये गेंद, सना लूस को सिंगल लिया था चौथी गेंद पर, स्ट्राइक पे आते हुए, जी हाँ स्ट्राइक पे आते हुए लॉरा वुल्वडाट 144 रन बन चुके हैं। यहाँ पर 25.4 गेंदें हो चुकी हैं और सिचुएशन यही है, और सिचुएशन यही है। यहाँ पर एक बार फिर से लॉरा को ये गेंद, लिया थू जो है वो लेकर चल रही हैं, दबाव न्यूजीलैंड के ऊपर है क्योंकि आने वाले बल्लेबाज मरजम कैप हैं, चले टरॉन है और ननंडी क्लार्क जो है वो बल्लेबाजी के लिए अभी बाकी हैं। एक बार फिर से अगली गेंद, इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया इस शॉट को लॉरा वुल्वडाट ने, एक सिंगल आता हुआ। 145 गेंदों में 113 रन चाहिए जीतने के लिए, दबाव पूरी तरीके से बना हुआ है यहाँ पर। तो जो भाई नए जुड़ रहे हैं वो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ। आखिरी गेंद है इस ओवर की और ये पार्टनरशिप लॉरा वुल्वडाट और सना लूस की, ये कहीं ना कहीं मैच विनिंग पार्टनरशिप जो है बन रही है साउथ अफ्रीका के लिए। अगली गेंद, इस बार लिया थू गया ऑस्टन की तरफ, ये गेंद इनसाइड एज लगा और बोल्ड कर दिया। लीजिए, इस पार्टनरशिप को तोड़ा है लिया थू ने और यहाँ पर स्लोअर डिलीवरी थी, उसको कट करने गई थी यहाँ पर सना लुइस और इनसाइड एज लगा और क्लीन बोल्ड कर दिया। इस पार्टनरशिप को तोड़ा है लिया थू ने, अभी भी 113 रन चाहिए जीतने के लिए 144 गेंदों के अंदर। और साउथ अफ्रीका वुमेन्स को लगता हुआ एक और झटका। जी हाँ, 141 रन तीन विकेट नुकसान पर 26 ओवर हो चुके हैं। सना लुइस जो है वो 57 गेंदों में 53 रन बनाकर 5 चौके 1 छक्का लगाकर पवेलियन जाती हुई इस पार्टनरशिप को थोड़ा है लिया थू ने, और जरूरत थी इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए। अभी भी 113 रन चाहिए जीतने के लिए। अब देखते हैं अगले बल्लेबाज जो है वो कौन आएंगे, विकेट की तलाश थी, विकेट आता हुआ यहाँ पर काफ़ी देर के बाद आए, देर आए दुरुस्त आए, अब दुरुस्त आए हैं कि नहीं ये देखना होगा। यहाँ पर आप सब लोग जो है वो सेटबेट से जुड़ जाइएगा, सेटबेट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके अपनी आईडी क्रिएट करिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है 200 रुपये का, मिनिमम बैट जो है 10 रुपये की है और पहले डिपॉजिट करने पर आपको 100% का बोनस मिलता है। मान लीजिए 500 रुपये डिपॉजिट करेंगे, 500 का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा सेटबेट की तरफ से, और 1000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो 1000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा सेटबेट की तरफ से। पहला वेलकम बोनस है ये सेटबेट की तरफ से। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैट में पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके अपनी आईडी क्रिएट करिएगा और 100% बोनस प्राप्त करिएगा सेटबेट की तरफ से। वहीं अगर बात की जाए सेटबेट के ऊपर, डिपॉजिट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, बैंक ट्रांसफर से कर सकते हैं। विड्रॉल आपको 15 से 20 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाता, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा सेटबेट को, खेलिएगा और जीतिएगा। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर यहाँ पर सेटबेट के ऊपर जो है आप सारे मुकाबले ला दे सकते हैं, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल, टेनिस हो। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइक में पिन कर दिया है, जाकर सेटबेट को ज्वाइन करिएगा और खेलिएगा और जीतिएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए इस मुकाबले की, लिया थू ने वापसी जरूर करवाई है मगर अभी भी मरजम कैप जो है बल्लेबाजी करने के लिए आई हैं। अमीला कर रही हैं गेंदबाजी, अमीला कर के ओवर की है दूसरी गेंद, सामने मौजूद मरजम कैप, यही मौका है न्यूजीलैंड के पास कि दबाव बनाया जाए और सिंगल जो है वो आसानी से निकालना ना दिया जाए। एक बार फिर से ऑस्टम पे ये गेंद, बार ड्राइव किया
गेंद को मरजम कैप ने एक सिंगल मिलता हुआ और खाता खोलता हुआ मरजम कैप का। अगर यहाँ पर लॉरा वुलराट को अगर अगले 10-5 रन के अंदर जो है वो आउट कर लिया जाए तो दो नए बल्लेबाज क्रीज पे होंगे, वहाँ पर एमिला कर जो है या फिर आपके स्पिनर गेंदबाज जो है दबाव बना सकते हैं। एक बार फिर से एमिला कर की ये गेंद, लॉरा वुलराट है स्ट्राइक पर, ऑस्टम पे ये गेंद उछाल मिला हल्का सा, कट किया गेंद को मगर गेंद जाएगी पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। 143 रन बन चुके हैं, 3 विकेट नुकसान पर 26.3 गेंदें हो चुकी हैं। अगली गेंद लेकर चलते हुए एमिला कर ओवर की चौथी गेंद है, माफी चाहेंगे, और इस चौथी गेंद को भी जी हाँ यहाँ पर ऑस्टम पे गेंद डिफेंस कर दिया लॉरा वुलराट ने। 111 रन चाहिए जीतने के लिए 46 गेंदों में। अगर लॉरा वुलराट यहाँ से आउट हो जाए तो शायद थोड़ा सा खेला खुल जाएगा, मैच खुल जाएगा न्यूजीलैंड के लिए। गुच्छों में विकेट चाहिए भाई, गुच्छों में अगर विकेट मिलेगी तभी खेला होबे। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए ऑस्टम पे गेंद, ड्राइव किया गेंद को लॉरा वुलराट ने, कवर फील्डर ने गेंद को रोका, मिसफील्ड हुई, 2 रन मिल गए इस गेंद पर लॉरा वुलराट को। थोड़ी सी फील्डिंग आज न्यूजीलैंड की कमज़ोर कड़ी रही है, न्यूजीलैंड की जो फील्डिंग रही है वो कमज़ोर कड़ी रही है इस मुकाबले के अंदर। अब देखते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी जो है चलते हुए नजर आती है। एक बार फिर से लॉरा वुलराट को गेंद, लेग स्पिन डिलीवरी, ऑस्टम के बाहर पुल कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई सीधा मिड ऑन की दिशा, मिड विकेट दिशा में 4 रन के लिए, एक और चौका आता हुआ यहां पर आखिरी गेंद पर और 8 रन आए इस ओवर से। 149 रन बन चुके हैं, 3 विकेट नुकसान पर 27 ओवर हो चुके हैं, 105 रन चाहिए जीतने के लिए और 7 विकेट साउथ अफ्रीका के पास है। मगर न्यूजीलैंड को जो बल्लेबाज आउट करने हैं वो है लॉरा वुलराट, मरजम कैप, ननंडी क्लार्क और टेचाला ट्रॉन। ये 4 बल्लेबाज हैं जिनको आपको आउट करना है तभी आप मुकाबले में मुकाबले को जीत सकते हैं, क्योंकि उसके बाद बल्लेबाजी बचेगी नहीं अफ्रीका के पास। सिनालो जाफ्ता हैं मगर उतनी बढ़िया बल्लेबाजी वो करती नहीं है, मगर ये 4 बल्लेबाज आउट हो गए तो मुकाबला जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अभी क्या करते हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज। बाकी आप सब लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, एंजॉय करते रहिए इस मुकाबले को। मुकाबला जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर बात की जाए तो यहाँ से अब 23 ओवर का खेल और बचा हुआ है, 105 रन चाहिए जीतने के लिए। एमिलिया कर के बाद फिर से लिया थुहू, दोबारा से गेंदबाजी करने के लिए आई हैं। पहली गेंद लिया थुहू की मरजम कैप को, 1 रन लिया जी हाँ। थोड़ी सी सुलन की गेंद, फुल टॉस ये गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला था थर्ड मैन की दिशा में और 1 रन मिला जी हाँ। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई, 1 रन मिलता हुआ, 104 रन चाहिए जीतने के लिए। लॉरा वुलराट 78 गेंदों में 70 रन बनाकर खेल रही हैं, 137 गेंद, 104 रन की जरूरत, रिक्वायर रन रेट 4.55 का। अगली गेंद लिया थहू की और एक बार फिर से थहू की एक गेंद थी, एक बार फिर से ये गेंद और यहाँ पर जो है ऑस्टम पे गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, यहाँ पर मिड ऑफ की दिशा में, मिड ऑन की दिशा में कोई रन नहीं मिलेगा, 104 रन चाहिए जीतने के लिए और यहाँ हाँ चलिए आते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शशांक भाई सुनाएंगे मैच का सूरत हाल, आगे किस प्रकार की बल्लेबाजी जो है वो रह सकती है यहाँ पर। तो जी हाँ नमस्कार, एक बार फिर से करते हैं आप सभी का स्वागत। यहाँ पर साउथ अफ्रीका वुमेन का स्कोर हो चुका है 150 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 2 शानदार बल्लेबाज इस समय क्रीज के ऊपर उपलब्ध हैं, लॉरा वुलराट की बात कीजिएगा चाहे आप मरियाना कैप की यहाँ पर बात कीजिएगा। चलिए आज कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर की है साउथ अफ्रीकन टीम ने। अब देखते हैं यहाँ पर ताहू किस अंदाज में करती है गेंदबाजी, अब तक 2 विकेट लेकर जा चुकी है। बात की जाए यहाँ पर तो जी हाँ, न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे शानदार गेंदबाजी करने वाली आज गेंदबाज रही है। चलिए ताहू एक फिर से यहां पर तैयार हैं, सामने होंगे बल्लेबाज लॉरा वुलराट जो कि 70 रन बनाकर खेल रही है। जी हां, बल्लेबाज तो देखिए काफी जबरदस्त, अगर महिलाओं के क्रिकेट की बात की जाती है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ जो नाम है लॉरा वुलराट का हमेशा आता ही आता है और इस प्रकार की मैच विनिंग पारियां हम काफी देख भी चुके हैं लॉरा वुलराट के बल्ले से, लेकिन आज की यह पारी मुश्किल परिस्थितियों में खेली गई पारी है। जी हां, 2 विकेट जल्दी गिर चुके थे साउथ अफ्रीकन टीम के, उसके बाद लॉरा वुलराट आई है और एक छोर संभाल कर जिस अंदाज में खड़ी हुई है वो सच में काबिल तारीफ है। चलिए
देता हूँ कि एक बार फिर से यहाँ पर अगली गेंद दोहरा पर उडाट ने इस गेंद को हल्के हाथों से कवर के दिशा में ड्राइव किया है। एक रन यहाँ से प्राप्त हो जाएगा और स्ट्राइक आ जाएगी बेहतरीन शानदार बल्लेबाज मरियाना कैप के पास। जी हाँ, इनका भी जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी शानदार है। बड़े बड़े स्कोर बनाने की क्षमता ये बल्लेबाज भी रखती हैं और साउथ अफ्रीका का स्कोर हो चुका है 152 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हालांकि अब इस टीम को जीत के लिए 102 रन चाहिए 132 गेंदों में, जो कि देखिए देखने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन कई बार हमने क्रिकेट को देखा है, क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है, तो देखिए कुछ भी हो सकता है। यहाँ से भी अगर न्यूजीलैंड की टीम वापसी करना चाहे तो कर सकती है, जो कि एक शानदार वापसी हो सकती है। हालांकि 102 रन चाहिए 132 गेंदों में, और इसी के साथ यहाँ पर ओवर समाप्त होते हुए विजय मरियाना कैप ने एक और डॉट गेंद को यहाँ पर खेला है और यहाँ पर 3 रन बनाकर इस समय क्रीज पर खड़ी हुई है। साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर हो चुका है 152 रन 3 विकेट के नुकसान पर 28 ओवरों की समाप्ति यहाँ पर होते हुए। ताहू की बात यहाँ पर की जाए तो अब तक 5 ओवर अपने डाल चुकी है, 5 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट हासिल कर चुकी है। तो जी हाँ, देखिए मुकाबला काफ़ी शानदार रहा है। न्यूजीलैंड की टीम ने आज पहले बल्लेबाजी की थी, एक समय लग रहा था कि शायद कहीं स्कोर है वो 300 रन के पार ना पहुंच जाए, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीकन टीम के गेंदबाजों ने की थी एक जबरदस्त वापसी और 250 के आसपास यहाँ पर रोका था। जी हाँ, जबरदस्त तरीके से आज की थी बल्लेबाजी, लेकिन अब साउथ अफ्रीकन टीम, जी हाँ, जो कि पहला मुकाबला ऑलरेडी जीत चुकी है, दूसरा मुकाबला भी जीतने की कगार पर लगभग पहुंच चुका है, अगर अब भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने यहाँ पर वापसी नहीं की तो जी हाँ, अगले 10 से 12 ओवर के अंदर मुकाबला आपको समाप्त होते हुए, एक तरफा होते हुए, और यहाँ पर साउथ अफ्रीकन टीम की जीत होते हुए आपको दिखाई दे सकती है। बस यहाँ से एक और विकेट, अगर लोरा बुलराट का विकेट आ जाता है तो साउथ अफ्रीकन जो टीम है वो अभी भी आपको काफ़ी दबाव में यहाँ पर दिखाई दे सकती है। चलिए एक बार फिर से स्पिन गेंदबाजी को इंट्रोड्यूस किया गया, जी अमेलिया कर आते हुए, जी अमेलिया कर अपना 5वां ओवर यहाँ पर डालेंगे। हालांकि अब तक विकेट नहीं मिला है, लेकिन देखिए गेंदबाजी काफ़ी शानदार करती है। कई बार पार्टनरशिप तोड़ने में इनका इस्तेमाल किया जाता है अमेलिया कर, और वहाँ पर काफ़ी हद तक कामयाब भी रही हैं। चलिए अमेलिया कर अब तक 3 गेंदें डाल चुकी है, ओवर की 4थी गेंद लेकर तैयार हैं। सामने होंगी दाएं हाथ की बल्लेबाज, जी हाँ, मरियाना कैप। तो देखते हैं किस अंदाज में होती है यहाँ पर बल्लेबाजी। चलिए इस बार काफ़ी शानदार मिडल स्टंप पर यह गेंद थी, पीछे बैकवुड पर जाते हुए बैट और पैड एक सीध में सुरक्षात्मक अंदाज से इस गेंद को खेलते हुए मरियाना कैप। चलिए अभी नई आई है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, जी हाँ, पिच की कंडीशंस को समझने का। लोरा बुलराट के लिए कंडीशंस काफ़ी आसान लग रही है क्योंकि वो पहले ही काफ़ी वक्त बिता चुकी हैं, 84 गेंदें इस मैदान के ऊपर खेल चुकी हैं, 72 रन बना चुकी हैं। वहीं मरियाना कैप को भी थोड़ा सा वक्त लगने वाला है, थोड़ा सा वक्त लेंगे, और जी हाँ, यहीं पर मौका है न्यूजीलैंड की टीम के लिए, यहाँ पर ही मौका है कि वो एक और विकेट अगर यहाँ पर ले जाए, 2 नए बल्लेबाज अगर इस समय क्रीज के ऊपर उपलब्ध हों तो ये मुकाबला देखिए काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है साउथ अफ्रीकन टीम के लिए। लेकिन अगर लोरा बुलराट यहाँ पर क्रीज पर रहती हैं तो फिर चीज़ें आसान और आसान वक्त के साथ साथ यहाँ पर होती आपको नजर आएंगी। चलिए अमेलिया कर एक बार फिर से तैयार है, मरियाना कैप को जी हाँ, इस गेंद को हल्के हाथों से मिड विकेट की दिशा में खेलकर एक रन तेजी से दौड़कर प्राप्त कर लिया। जी हाँ, एक रन यहाँ पर प्राप्त किया है आखिरी गेंद पर। साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर 156 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 29 ओवर समाप्त हो चुके हैं। चलिए अब जीत के लिए 126 गेंदों में 98 रन चाहिए। जैसे जैसे रन यहाँ पर 100 से कम होते जाएंगे वैसे वैसे दबाव जो है वो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के ऊपर बढ़ता जाएगा। सिर्फ एक विकेट यहाँ से और चाहिए और एक जो विकेट है वो यहाँ पर कमाल कर सकता है, धमाल कर सकता है। ये मुकाबला जो कि पिछले कुछ वक्त से नीरस बना हुआ है, इस मुकाबले में जान फूंक सकता है अगर यहाँ से सिर्फ एक और विकेट आ जाए तो। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर गेंदबाजी किससे करवाई जाती है। जी हाँ, ताहू, मेरे ख्याल से इससे बेहतर ऑप्शन इस समय न्यूजीलैंड की टीम के पास है नहीं, क्योंकि विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं और आज भी देखिए कमाल की गेंदबाजी करके 2 विकेट पहले ही झटक चुकी हैं। चलिए ताहू एक बार फिर से आते हुए अपने 6ठे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद डालेंगे, लोरा बुलराट को ऑफ स्टंप के बाहर, यह गेंद थी कवर के दिशा में ड्राइव, एक रन यहां पर आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगा और ये जी का स्ट्राइक यहां पर दे दी है मरियाना कैप को। साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर हो चुका है 157 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए 30वें ओवर की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है और मैच जो है वो अपने बिल्कुल बिजनेस एंड में प्रवेश करने जा रहा है, जहाँ पर हार जीत का फैसला आपको होते हुए यहाँ पर दिखाई देगा। 6 से 7 ओवर आप मान के चलिएगा कि अगर यहाँ पर विकेट नहीं आती है तो साउथ अफ्रीकन टीम आपको आगे बहुत आगे दिखाई देगी इस मुकाबले के अंदर। चलिए ताहू एक बार फिर से मरियाना कैप को ऑफ स्टंप के बाहर, गुड लेंथ पर यह गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को कवर की दिशा में ड्राइव जरूर किया था लेकिन यहाँ पर बल्ले के अंदर ताकत नहीं थी तो जी हाँ, गेंद सीधा जाते हुए फील्डर के पास, कोई रन नहीं, डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए। चलिए दर्शक यहाँ पर बाहर मैदान का मुकाबले का मजा लेते हुए, हालांकि यहाँ पर
सीट्स नहीं है दर्शकों के लिए बैठने के लिए, लेकिन जमीन पर ग्राउंड पर बैठकर ही दर्शक इस मैच का मजा लेते हुए। चलिए एक बार फिर से ताहू तैयार हैं जी। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके इस गेंद को हल्के हाथों से मिड विकेट की दिशा में ड्राइव किया था। हालांकि देखिए पहले लगा था कि मरियाना कैप इस बार बड़ा शॉट लगाना चाहते हैं, लेकिन अंत में अपने शॉट को चेक किया, बल्ले की जो रफ्तार है उसको थोड़ा सा धीमा किया और यहाँ पर डॉट गेंद आते हुए। चलिए शुरुआत में डॉट गेंद यहाँ पर लगेगी और इसी बीच में अगर लोरा बुलुटाट का विकेट आ जाता है तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम की एक जबरदस्त एक शानदार वापसी यहाँ पर आपको होते हुए दिखाई दे सकती है। चलिए बल्लेबाजी भी आपको बताएंगे कि अभी कौन कौन से बल्लेबाज साउथ अफ्रीकन टीम के बाकी हैं जो कि इस मुकाबले में वापसी करवा सकते हैं, इस मुकाबले को जितवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बल्लेबाज की अगर बात की जाए जो कि अब बाकी है, जी हाँ, वो है लोरा बुलुटाट, खड़ी रहेंगी तो आसानी के साथ मुकाबला कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों साउथ अफ्रीकन टीम को जितवा ही देंगी। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर तैयार हैं, एक बार फिर से तैयार है मरियाना कैप। चलिए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, इस बार कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलना चाहती थी, गेंद बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं। यही ताकत है ताहू की, जिस अंदाज में करती है गेंदबाजी, वेरिएशंस इनके पास भरपूर हैं, गति इस खिलाड़ी के पास है, तो जी इस खिलाड़ी को बड़े शॉट मारना इतना आसान होगा नहीं। चलिए एक बार फिर से ओवर की पांचवी गेंद लेकर तैयार है, इस बार फुलर लेंथ की गेंद थी, मिडल स्टंप पर बैट और पैड एक सीध में पूरा सम्मान देते हुए। पिछली गेंद पर गई थी बड़ा शॉट लगाने के लिए, लेकिन जब गेंद बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं तो पूरा सम्मान यहाँ पर दिया है इस गेंद को। चलिए साउथ अफ्रीकन टीम का अभी भी स्कोर 157, 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अब तक सिर्फ एक रन बना है, अब 121 गेंदों में 97 रन चाहिए जीत के लिए। तो जी हां, देखते हैं किस अंदाज में होती है यहां पर बल्लेबाजी और कहां तक जाता है ये मुकाबला। चलिए ताहू एक बार फिर से तैयार हैं, इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, यहाँ पर अंपायर का इशारा वाइड गेंद का, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, विकेटकीपर ने काफ़ी शानदार प्रयास किया है, अपने बाईं तरफ डाइव लगाकर गेंद को रोका, वरना पीछे 4 रन भी मिल सकते थे। चलिए एक वाइड गेंद यहाँ पर आते हुए जिसके बलबूते साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर इजाफा होते हुए वहाँ पर 158 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि आप जानते हैं इस ओवर में बल्ले से तो ज़्यादा रन आए नहीं हैं। ये ओवर मरियाना कैप खुद को सेट करने में ले रही है, जी हाँ, चाहती हैं कि पिच की गति को यहाँ पर समझा जाए, क्योंकि अगर इस समय भी पूरा दबाव अगर आप लोरा बुलुटाट के ऊपर डाल देंगे तो वो भी दबाव में आ जाएंगे और आउट होने की संभावनाएं बन सकती हैं। ये मुकाबला देखिए तभी आसान हो सकता है साउथ अफ्रीकन टीम के लिए जब दोनों छोर से आपको रन आते हुए दिखाई दे तो। चलिए इसी के साथ ओवर की आखिरी गेंद को कवर के दिशा में बेहतरीन ड्राइव, 4 रन प्राप्त करते हुए ये था शानदार चौका यहाँ पर मरियाना कैप का, और यही ताकत है, यही एक समझदार बल्लेबाज की ताकत होती है। शुरुआती 10 गेंदें ली, पिच की कंडीशन को समझा, पिच की उछाल को समझा, और जैसे ही यहां पर पिच के ऊपर निगाहें जमी, कदमों का इस्तेमाल, कवर की दिशा में एक बेहतरीन चौका लगाते हुए। चलिए साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर हो चुका है 162, 3 विकेट के नुकसान पर 30 ओवर समाप्त होते हुए। चलिए बताते हैं आपको, 30 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 20 ओवर का खेल यहां पर और बचा है। हालांकि अगर साउथ अफ्रीकन टीम इस मुकाबले को जीतती है तो शायद 20 ओवर आपको मुकाबला चलते हुए ना दिखाई दे, मैक्स टू मैक्स 15 ओवर के अंदर यह मुकाबला आपको समाप्त होते हुए दिखाई दे सकता है। हालांकि अगर न्यूजीलैंड की टीम यहां पर वापसी करती है तब भी मुकाबला आपको पूरे 50 ओवर तो चलते हुए नहीं दिखाई देगा, मुकाबले का फैसला आएगा चाहे कोई भी बल्ले के बीच तरह से यहां पर मुकाबला चलता है। वैसे भी साउथ अफ्रीकन टीम ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर इस मुकाबले के अंदर पकड़ तो देखिए बनाकर रखी है, तो यहां पर देखते हैं किस अंदाज में किस तरह से जो मुकाबला है वो चलते हुए यहां पर दिखाई देता है। चलिए जुड़ते रहिएगा, स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और सेट बैट के ऊपर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह मुकाबला अभी भी बदल सकता है, ये मुकाबला अभी भी बदल सकता है, जी हाँ। तो चलिए देखते हैं जी किस अंदाज में किस तरह से यहाँ पर जो मुकाबला है वो बदलते हुए हमें नज़र आता है। 31 ओवर समाप्त हो चुके हैं, साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर है 164, 3 विकेट के नुकसान पर। हालांकि आप सभी लोग सेटबेट पर जाकर अपनी आईडी देखिए जल्द से जल्द बना लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप पहली बार सेटबेट के ऊपर अपनी आईडी बनाने जाते हैं, अपना फर्स्ट डिपॉजिट करते हैं, तो आपको 2000 तक का कैशबैक बोनस भी मिलते हुए दिखाई दे सकता है। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाज तैयार है, चलिए सोफी डिवाइन के हाथ में इस बार गेंद थमाई है, ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेंथ की गेंद थी, कवर की दिशा में पीछे फील्डर मौजूद है, सिर्फ एक ही रन यहाँ पर मिल पाएगा, और मरियाना कैप ने सिंगल लेकर स्ट्राइक दे दी है अपनी साथी खिलाड़ी लोरा बुलुटाट को, जो कि इस समय 75 रन पर बल्लेबाजी कर रही हैं। और न्यूजीलैंड के सामने अगर कोई मुसीबत है, कोई सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पर है, तो वो सामने बल्लेबाज खुद हैं लोरा बुलुटाट। चलिए एक बार फिर से सोफी डिवाइन, जी हाँ, इस बार पटकी हुई गेंद थी, गेंद को पोल कर दिया, 4 रन सीमा रेखा के बाहर, स्क्वेयर लेग बाउंड्री के बाहर, शानदार अंदाज में इस गेंद को पहुंचाया। लोरा बुलुटाट पहले से तैयार थी, जी हाँ, इनका बल्लेबाजी करने का तरीका काफ़ी शानदार है, एक बार जब जम जाती है तो इनके पास वक्त ही वक्त होता है। छोटी गेंद डाली थी, पटकी हुई गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, लेकिन लोरा बुलुटाट पहले से ही तैयार थी, जी हाँ, प्री मेडिटेटेड शॉट
यहां पर लगाते हुए 4 रन के लिए और एक बेहतरीन चौका प्राप्त करते हुए। चलिए साउथ अफ्रीका का स्कोर 169 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए एक बार फिर से इस गेंद को थोड़ा सा फुलर लेंथ की गेंद थी, जड़ में गेंद डालने का प्रयास था लेकिन गेंद पड़ी है यहाँ पर लोअर फुल टॉस और इस गेंद को खेला है मिड ऑन की दिशा में, कोई रन यहाँ पर मिल नहीं पाएगा और गेंद आते हुए यहाँ पर डॉट। चलिए जी यहाँ पर 32वें ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं, इस ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर ही आ चुके हैं 5 रन। क्या इस ओवर को बड़ा बनाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि देखिए जब तक शॉट नहीं लगवाएंगे तब तक विकेट्स जाते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। चलिए इस बार इस गेंद को कवर की दिशा में खेलने का प्रयास, सीधा फील्डर के हाथों में मार बैठी और ये विकेट आता हुआ यहाँ पर लोरा बुलवडाट का, जी हाँ जिसकी हम बात कर रहे थे। साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर 169 4 विकेट के नुकसान पर 31.4 ओवर की समाप्ति के बाद। चलिए 110 गेंदों में अब जीत के लिए चाहिए यहां पर 85 रन। तो लोरा वुलवडाट एक शानदार पारी खेलकर, एक जबरदस्त पारी खेलकर आउट होकर वापस पवेलियन जा चुकी हैं। तो चलिए अभी भी अंपायर के फैसले का हालांकि इंतजार है, अभी भी रुकी हुई है अंपायर के फैसले का इंतजार है, लेकिन ये आउट बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर लग रहा है, खड़ी क्यों है ये बात समझ के बाहर है। चलिए सीधी कैच थी, आसान कैच थी, फील्डर ने कैच को पूरी तरह से कंप्लीट किया, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर पवेलियन तक जाने का क्या लेंगी लोरा बुलवडाट। चलिए टीम का स्कोर 169 4 विकेट के नुकसान पर, लोरा बुलवडाट अभी भी खड़ा। चले नो बॉल चेक होते हुए, नो बॉल यहाँ पर हो रही, तो नो बॉल होगी, ये तो यहाँ पर नो बॉल होगी, जी हाँ ये नो बॉल यहाँ पर लग रहा है कि हो सकती है। तो चलिए जी यहाँ पर फ्री हिट भी मिल सकती है और जी हाँ नो बॉल का इशारा यहाँ पर सोफी डिवाइन के लिए, बहुत बड़ा सेटबैक ये हो सकता है अगर ये विकेट उनको मिल जाता। चलिए जी टीम का स्कोर 170 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जिस गेंद पर लोरा बुलवडाट का विकेट मिलना चाहिए था उस गेंद को अंपायर ने किया है नो बॉल करार और यहां पर नो बॉल के साथ एक अतिरिक्त रन भी मिलते हुए। बाकी अब टीम को चाहिए जीत के लिए 84 रन 111 गेंदों के अंदर। जी हाँ बहुत बड़ी नो बॉल थी, पाँव जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर था, सोफी डिवाइन जो कि अक्सर जानी जाती हैं इसी प्रकार की नो बॉल्स फेंकने के लिए, लेकिन इतने क्रंच मोमेंट्स पे इतनी क्रूशियल सिचुएशन के अंदर नो बॉल जी हाँ डालना किसी भी तेज गेंदबाज के लिए, बढ़िया गेंदबाज के लिए शोभा तो देता नहीं है। लेकिन चलिए सोफी डिवाइन एक बार फिर से तैयार हैं। चलिए लोरा बुलवडाट को इस बार पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास है, इस बार अंपायर का इशारा वाइड गेंद का। चलिए फ्री हिट अभी भी कंटिन्यू है, पिछली गेंद नो बॉल थी फ्री हिट मिली थी, ये गेंद यहाँ पर वाइड गेंद है फ्री हिट भी कंटिन्यू है। जी हाँ एक छक्का तो खा के जाना ही पड़ेगा सोफी डिवाइन को, उसके बिना नहीं जा सकती है क्योंकि इस प्रकार की गलती अक्सर इतने बड़े मैचों में भारी पड़ जाती हैं। चलिए सोफी डिवाइन एक बार फिर से तैयार हैं, सोफी डिवाइन एक बार फिर से है यहाँ पर तैयार। चलिए इस बार पटकी गेंद, इस बार गेंद को पोल कर दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, 6 तो नहीं लेकिन 4 रन यहाँ पर खाकर जरूर जाने पड़ेंगे और साउथ अफ्रीकन टीम की जो स्थिति है वो लगातार बोल दर बोल मजबूत होती जा रही है। चलिए साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर 175 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए जी लोरा बुलवडाट अभी भी जीवित हैं इस मुकाबले के अंदर, जी हाँ नाबाद हैं अभी भी 83 रन पर। लगता है लोरा बुलवडाट का शतक लगाने का जो श्रेय है वो सोफी डिवाइन को ही देना पड़ेगा अगर यहाँ से शतक पूरा हो जाता है तो। चलिए अब जीत के लिए 79 रन चाहिए 109 गेंदों में। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं, मुकाबला किस अंदाज में यहाँ पर चलता है। चलिए सोफी डिवाइन एक बार फिर से हैं तैयार, एक बार फिर से होते हुए यहाँ पर तैयार अपने इस ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे। जी हाँ काफ़ी खुद से थोड़ा सा रहेंगी यहाँ पर, खुद से थोड़ा सा निराश होंगे क्योंकि देखिए विकेट अच्छा खासा मिल चुका था और वहाँ से वापसी भी हो सकती थी इस टीम की। तो जी हाँ खुद से थोड़ा सा रहेंगी निराश कि जिस अंदाज में वो यहाँ पर डाली थी नो बॉल उसके बाद वाइड गेंद। चलिए देखते हैं यहाँ पर नीलेश चौधरी भाई हमारे साथ जुड़े हैं। हाय शशांक भाई, नीलेश भाई हेलो, कैसे हैं नीलेश भाई, क्या हाल चाल है आपके। चलिए आपके सवाल यहाँ पर थोड़े से लेते हैं। मोहम्मद अख्तर हुसैन ने लिखा 48 ओवर गेम फिनिश्ड। मोहम्मद अख्तर भाई 48 तो बहुत है, 48 बहुत है, 48 के अंदर मुकाबला खत्म होता है तो आप एक बढ़िया मुकाबला उसको कह सकते हैं। बाकी क्योंकि 50 ओवर के मुकाबले में देखिए बहुत कम ऐसा होता है कि आखिरी गेंद फिनिश, ये T20 मुकाबला नहीं है कि आपको 20 ओवर की आखिरी गेंद पर मुकाबला समाप्त होते हुए दिखाई देगा, लेकिन फिर
भी 48वें ओवर में मुकाबला समाप्त होना एक बहुत ही बढ़िया मुकाबले की यहाँ पर देता है कि एक बहुत बढ़िया मुकाबला दोनों टीमों ने खेला है। चलिए यहाँ पर देखते हैं जी किस अंदाज में मुकाबला चलता है। सोफी डिवाइन बकवास बॉलर हो रही है आज का, चलिए देखते हैं जी कौन बकवास है कौन नहीं। अब जो टीम हारेगी वो कितना भी बढ़िया कर ले देखिए उसको तो बकवास बोला ही जाएगा, और जो टीम जीतने वाली है उसका परफॉर्मेंस चाहे कैसा भी उसको बढ़िया हमेशा बोला ही जाएगा। चलिए 32 ओवर समाप्त हो चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ पर बल्लेबाज जुड़े हैं। यहाँ पर लोरा बलुडाट परियाना कैप की जोड़ी देखिए किसी कितनी शानदार है। इस बात का अंदाज़ आप इसी बात से लगाइएगा कि ये दोनों खिलाड़ी काफ़ी सारे ऐसे मुकाबले पहले भी जितवा चुके हैं अपनी टीम को, और यहाँ से न्यूजीलैंड की टीम अगर इन्हीं खिलाड़ियों के खिलाफ नोबॉल का इस्तेमाल करेगी, इन्हीं की अगर कैचों को छोड़ेगी, तो फिर कैसे इस मुकाबले के अंदर जीत की दहलीज तक पहुँच पाएगी। चलिए देखते हैं किस अंदाज में यहाँ पर चलता है मुकाबला। बाकी आप सभी लोग जुड़ते रहिएगा, स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर तैयार होते हुए, जी हाँ टीम का स्कोर 177 तीन विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से बुलाया गया है अमेलिया कर को। लोरा बलुडाट इस समय शानदार अंदाज में अपने शतक की तरफ बढ़ते हुए, जी हाँ शतक की तरफ अपने बढ़ रही हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन काफ़ी शानदार शतक होगा अगर आज पहुंच पाती हैं तो। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर लोरा बलुडाट तैयार है, किस लाइन पर किस लेंथ पर यहाँ पर गेंदबाजी होगी इस समय चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती जा रही है। चलिए इस बार छोटी गेंद थी, बैठ कर घुटना जमीन पर टिका कर गेंद को पुल कर दिया फाइन लेग की दिशा में। चलिए हालांकि 4 रन तो नहीं, फील्डर का यहाँ पर शानदार प्रयास, गेंदबाज वो प्रदर्शन कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन फील्डर देखिए लगातार उस प्रकार का प्रदर्शन दोहरा रहे हैं जहाँ पर 4 रन होने चाहिए थे वहाँ पर 2 रन की प्राप्ति होते हुए बल्लेबाज को, और टीम का जो स्कोर है वो हो चुका है 179 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए 33वें ओवर की यहाँ पर तीसरी गेंद, इस बार वापस खेला गेंदबाज की दिशा में, हल्के हाथों से खेला गया ये शॉट था। चलिए कोई रन नहीं, डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए। चलिए इस ओवर में अब तक आ चुके हैं 3 रन, टीम का स्कोर अभी भी जीत के लिए 75 रन चाहिए। गेंदें यहां पर बची हैं 105, तो जी हां देखते हैं किस अंदाज में किस तरह से यहां पर मुकाबला चलता है। चलिए इस बार फ्लाइट डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज को आमंत्रित किया तो आमंत्रण किया है स्वीकार, कवर की दिशा में एक और बेहतरीन ड्राइव यहां पर लगाते हुए। लेकिन चलिए अभी भी यहां पर पीछे फील्डर मौजूद है, तो जी हां शॉट तो बड़े शानदार लग रहे हैं इस समय लोरा बलुडाट के बल्ले से। अगर यहां पर इनको आउट नहीं किया गया तो शायद अगले 5 से 6 ओवर के अंदर न्यूजीलैंड का जो बैग है वो पैक हो सकता है घर जाने के लिए। चलिए एक बार फिर से यहां पर एक बार फिर से फ्लाइट डिलीवरी, इस बार बड़ा शॉट, गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को लेते हुए पहुंची है विकेट के पीछे, और ये 4 रन भी प्राप्त हो जाएंगे। चलिए जी यहाँ पर ये कैच छूटा है या क्या हुआ है विकेट कीपर के हाथों से ये देखना दिलचस्प रहेगा। चलिए पीछे विकेट कीपर मौजूद थी, गेंद काफ़ी शानदार थी, टप्पा खाने के बाद जिस अंदाज में गेंद टर्न हुई है बाहर की तरफ, बल्लेबाज को चौंकाया। जी हाँ मरियाना कैप पूरी तरह से यहाँ पर चौक चुकी थी, जी हाँ विकेट कीपर के हाथों से कैच छूटा है, गेंद छूटी और पीछे 4 रन प्राप्त हो जाएंगे। बड़ी ही शानदार गेंद थी यहाँ पर मरियाना कैप की, इसी प्रकार की लाइन लेंथ पर गेंद डालना चाहेंगे। चलिए एक बार फिर से फ्लाइट की डिलीवरी, जी हाँ इस बार गेंद को कवर की दिशा में किया था ड्राइव, पीछे फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं, डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए। चलिए 33 ओवर समाप्त हो चुके हैं, टीम का स्कोर है 184 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 102 गेंदों में 70 रन चाहिए, जी हाँ समीकरण अभी भी बना हुआ है, दोनों टीमों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जो भी टीम के खिलाड़ी इस समय बेहतर प्रदर्शन करेंगे वो आज का मुकाबला जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीकन टीम यहां से मुकाबला जीत चुकी है, आपको सिर्फ अपने अगले कुछ ओवर्स के अंदर लगातार अंतराल पर 2 विकेट लेने हैं, 2 बड़े विकेट आप यहां पर गिराइएगा। आखिरी के 50 ओवर में भी साउथ अफ्रीकन टीम संघर्ष करते हुए आपको नजर आ सकती है। चलिए यहाँ पर बाकी देखते हैं आज न्यूजीलैंड की टीम की गेंदबाजी देखिए, तो अगर 2 गेंदबाजों को छोड़ दिया जाए तो गेंदबाजी जो है वो काफ़ी साधारण रही है। जी हाँ ताहू ने कमाल की गेंदबाजी की है, 6 ओवर में 22 रन देकर यहाँ पर विकेट भी कुछ हासिल किए हैं। चलिए कार्सन आ चुके जो कि काफ़ी महंगी तो नहीं लेकिन विकेट मिल नहीं पाया, अपनी लाइन लेंथ ही ढूंढती रही शुरुआती 4 ओवर तो, आखिरी के 2 ओवर में अपनी लाइन लेंथ मिली थी, उसके बाद इनको गेंदबाजी से हटा दिया गया था कप्तान के द्वारा एक बार फिर से अपना 7वां ओवर करने के लिए आई है। जी हाँ कार्सन देखते हैं क्या यहाँ पर वापसी करवा सकती है या यहाँ पर वापसी करवा सकती है, सामने होंगे लोरा बलुडाट। चलिए इस बार मिडल स्टंप पर ये गेंद थी काफ़ी शानदार, बैकफुट पर जाते हुए गेंद को बेड ऑन की दिशा में पंच किया, कोई रन नहीं, डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए। चलिए टीम का स्कोर है 184 रन 3 विकेट के नुकसान पर 33.2 ओवर की समाप्ति के बाद। जी हाँ टारगेट है यहाँ पर 254 का और यहाँ पर बलुडाट पहुंच चुकी है 86 रन पर। चलिए एक बार फिर से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, कट किया था विकेट कीपर ने, एक बार फिर से इस गेंद को छोड़ा
विकेट के पीछे 4 रन प्राप्त होते हुए। तो जी हाँ, लगता है कि इस टीम को जितवाने का ठेका विकेट कीपर के हाथों में ही आ चुका है, क्योंकि बल्ले से इस समय ज़्यादा तेज रन आ नहीं रहे हैं, लेकिन विकेट कीपर लगातार यहाँ पर स्कोर बोर्ड बढ़ाने में मदद करते हुए साउथ अफ्रीकन टीम की एक बार फिर से क्या बाहरी किनारा रखा, एक बार फिर से यहाँ पर ये कैच था लोरा बुलवर्डार्ट, लगता है आज शतक बनाकर ही रहेंगी। अगर न्यूजीलैंड के फील्डर्स और गेंदबाजों का साथ रहा तो आज लोरा बुलवर्डार्ट 100 रन यहाँ पर बनाकर ही रहेंगे, एक बेहतरीन शतक होगा यहाँ पर। चलिए, टीम का स्कोर 188 3 विकेट के नुकसान पर। कार्सन एक बार फिर से यहाँ पर तैयार होते हुए, कार्सन चलिए फ्लाइट की डिलीवरी, इस बार गुड लेंथ पर, यह गेंद थी हल्के हाथों से बैट और पैड एक सीध में। जी हाँ, खेला 30 गज के दायरे के अंदर, इस बार बल्लेबाज की कोई मंशा नहीं थी, ना ही बड़ा शॉट लगाने की, ना ही रन बनाने की, इस गेंद पर रेस्ट लेना चाहती थी लोरा बुलवर्डार्ट। टीम का स्कोर 188 3 विकेट के नुकसान पर 33.5 ओवर की समाप्ति के बाद। चलिए, कार्सन एक बार फिर से इस ओवर में आखिरी बार, जी हाँ, इस बार इस गेंद को मिड ऑन की दिशा में हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं, डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए। चलिए, 5 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की और 5 गेंदों में आए हैं मात्र 4 रन, ये वही 4 रन हैं जो कि विकेट कीपर ने विकेट के पीछे छोड़े थे। बाकी चलिए, ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर, ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हैं लोरा बुलवर्डार्ट को। चलिए, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद थी, पॉइंट की दिशा में गेंद को दिशा भर दिखाई थी और एक रन यहाँ पर आसानी के साथ प्राप्त कर लेंगी। चलिए, आखिरी गेंद पर आते हुए सिंगल, साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर हो चुका है 189 रन 3 विकेट के नुकसान पर 34 ओवर समाप्त होते हुए। चलिए, अब 96 गेंदों पर 65 रन चाहिए। जी हाँ, रनों का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है और यहाँ से साउथ अफ्रीकन टीम की जो मुश्किलें हैं देखिए वो इस समय तो बिल्कुल नहीं है, न्यूजीलैंड के सामने मुश्किलों का पहाड़ है। अब देखते हैं आखिरी के 50-40 रन बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है और न्यूजीलैंड की टीम कितनी मेहनत करवाती है साउथ अफ्रीकन टीम की। इसी प्रकार की अगर फील्डिंग रही, इसी प्रकार की अगर विकेट कीपिंग रही तो साउथ अफ्रीकन टीम को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए, बाकी आप सभी लोग यार जुड़िएगा, स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुकाबला काफ़ी शानदार है इस समय, साउथ अफ्रीकन टीम इस मुकाबले के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से फेवरेट है, तो आप भी जा सकते हैं। जी हाँ, सेटबेट के ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइएगा इस मैच के ऊपर, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जी हाँ, भरपूर आप भी इस मैच का फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, सेटबेट के ऊपर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। अगर आप नए हैं, पहली बार सेटबेट के ऊपर जा रहे हैं तो जी हाँ, पहले डिपॉजिट पर आपको 2000 रुपये तक का कैशबैक बोनस भी मिल सकता है। तो जी हाँ, चलिए यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है, ड्रिंक्स ब्रेक यहाँ पर हो चुका है, तो चलिए एक अच्छी बात है, कम से कम न्यूजीलैंड के कप्तान, न्यूजीलैंड के कोच यहाँ पर अपनी टीम को समझाने में सफल रहेंगे कि हमें आज का मुकाबला जीतना है और हमारी जो टीम है वो न्यूजीलैंड है, हम साउथ अफ्रीका से नहीं खेल रहे हैं। चलिए, टीम का स्कोर 189 3 विकेट के नुकसान पर 34 ओवर यहाँ से समाप्त हो चुके हैं। बाकी देखते हैं जी मुकाबला किस अंदाज में चलता है, अभी तक तो देखिए साउथ अफ्रीकन टीम का पलड़ा भारी रहा है। अगर आप शुरुआती यहाँ पर 2 ओवर छोड़ दें, शुरुआती 2 विकेट अगर छोड़ दे, जहां पर साउथ अफ्रीकन टीम थोड़ा सा शुरुआत में नज़र आई थी जी हाँ बैकफुट पर, लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में यहां पर बल्लेबाजी की और खासकर तारीफ करने हुई देखिए लोरा बुलवर्डार्ट की, जीवनदान तो देखिए हर बल्लेबाज को मिलते हैं, हर बड़े बल्लेबाज को जीवनदान मिलते हैं, लेकिन जीवनदान मिलने के बावजूद भी रन बनाना, अपनी टीम को जिताना बहुत बड़ी बात होती है और यहाँ पर लोरा बुलवर्डार्ट 91 रन पर पहुँच चुकी है। जी हाँ, 105 गेंदों में 91 रन की ये शानदार पारी और सबसे बड़ी बात, जी हाँ, विषम परिस्थितियों में खेली गई ये पारी है, जहाँ पर दूसरे छोर पर विकेट्स गिर रहे थे, लोरा बुलवर्डार्ट ने खुद को संभाल के रखा और एक लंबी पारी यहाँ पर खेली है और ये पारी मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण, अगर साउथ अफ्रीकन टीम यहाँ से मुकाबला जीतती है तो ये सबसे महत्वपूर्ण पारी इस टीम की जीत की भूमिका में निभा सकती है। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं यहाँ पर मुकाबले का हाल, इस समय 189 रन पर खड़ी है साउथ अफ्रीकन टीम, 34 ओवर समाप्त हो चुकी हैं, 96 गेंदें अभी बची और रन चाहिए मात्र यहां पर 65। तो जी आप विकेट लेकर ही जीत सकते हैं यहां से, क्योंकि रन देखिए इतने कम चाहिए, तो अगर सिंगल डबल भी आते रहे बीच बीच में, हर ओवर के अंदर अगर आप 3-4 रन भी यहां पर बनाते रहे तो भी आसानी के साथ साउथ अफ्रीकन टीम इस मुकाबले को जीत जाएगी। तो जी हाँ, इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम के लिए वापसी करने का सिर्फ एक ही मौका है और वो है विकेट लेना, विकेट यहाँ पर लेने पड़ेंगे, एक नहीं दो लगातार अंतराल पर। सबसे पहला विकेट आपको चाहिए लोरा बुलवर्डार्ट का और लोरा बुलवर्डार्ट मेरे ख्याल से लंबी पारियाँ देखिए खेलने में माहिर हैं, जिस प्रकार से आज खेले। चलिए, सूजी बेट्स आ चुकी हैं, सूजी बेट्स को यहाँ पर बुलाया गया है, अपने पहले 2 ओवर में 11 रन देकर जा चुकी हैं। चलिए, सूजी बेट्स एक बार फिर से आते हुए ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद थी कवर के दिशा में, बेहतरीन ड्राइव, पीछे फील्डर मौजूद है, सिर्फ 1 रन मिल पाएगा।
चलिए इस एक रन के साथ स्ट्राइक आ चुकी है मरियाना कैप के पास। साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर 190 तीन विकेट के नुकसान पर। इस समय ज़्यादा तेज नहीं दौड़ रही है, लगता है लोरा ब्लूडार्ट काफ़ी समय से जो कि क्रीज के ऊपर खड़ी हैं थोड़ा सा थकावट में नज़र आ रही हैं। तो जी हाँ, रन यहाँ पर दो मिल सकते थे लेकिन दो रनों के लिए यहाँ पर किया है मना। इस समय स्ट्राइक पर उपलब्ध होंगी मरियाना कैप। चलिए विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से सटकर खड़े हुए, इस बार इस गेंद को पॉइंट की दिशा में कट किया था। हालांकि रन यहाँ से मिल नहीं पाएगा लेकिन धीरे धीरे मरियाना कैप भी अब 18 गेंदे खेल चुकी हैं। तो जी 18 गेंदे खेलने के बाद आप ये कह सकते हैं कि वो भी इस समय काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी कर रही हैं। चलिए सूजी बेट से एक बार फिर से तैयार हैं। चलिए इस बार मिडल स्टंप पर सीधी रहती हुई गेंद थी, बैकफुट पर जाते हुए गेंद को पोल कर दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, एक और बेहतरीन चौका। और यहाँ पर ये चौका आते हुए मरियाना कैप के बल्ले से जो कि शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी। जी हाँ, गेंद बल्ले पर पूरी तरह से आ नहीं रही थी लेकिन यहाँ पर एक शानदार चौका जड़ते हुए और टीम के स्कोर को पहुँचाया 194 रन तीन विकेट के नुकसान पर 34.3 ओवर की समाप्ति के बाद। क्या कमाल के यहाँ पर इस समय बल्लेबाजी हो रही है। बाकी न्यूजीलैंड के गेंदबाज इस मामले में शिकायत भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको विकेट मिल चुका था। चलिए एक बार फिर से इस गेंद को कवर की दिशा में बेहतरीन तरीके से ड्राइव करते हुए डीप कवर पर स्वीपर कवर से पर से फील्डर ने दौड़ लगाई है, गेंद को पकड़ा वापस फेंका, एक रन यहां से भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर 195 तीन विकेट के नुकसान पर। सूजी बेट्स से एक बार फिर से, जी हाँ, सूजी बेट्स को यहाँ पर लाया गया है विकेट्स लेने के लिए कि कम से कम एक विकेट, कम से कम इस साझेदारी को यहाँ पर तोड़ा जाए क्योंकि उसके बाद ही न्यूजीलैंड की टीम अपनी कोई नेक्स्ट प्लानिंग कर सकती है। जब तक ये दोनों बल्लेबाज खड़ी हैं न्यूजीलैंड की हर प्लान को यहाँ पर नेस्तनाबूद करती ही चली जाएंगी जब तक मुकाबला ना जीत जाए। चलिए यहाँ पर सूजी बेट्स एक बार फिर से तैयार है, ओवर की 5वीं गेंद, इस बार इस गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर एक रन प्राप्त कर लिया। चलिए सिंगल यहाँ पर आते हुए टीम का स्कोर 196 तीन विकेट के नुकसान पर। चलिए 35वीं ओवर की यहाँ पर आखिरी गेंद, 35वें ओवर की होगी यहाँ पर आखिरी गेंद। चलिए इस बार इस गेंद को हल्के हाथों से अंदरूनी किनारा गेंद लेकर जाते हुए फाइनल लेग की दिशा में एक रन यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। विकेट कीपर से एक बार फिर से यहाँ पर फील्डिंग मिसफील्ड होते हुए, और जी हाँ, दो रन यहाँ पर मिल जाएंगे जहाँ पर एक भी रन नहीं होना चाहिए था वहाँ पर दो रन ये दोनों बल्लेबाज दौड़ कर प्राप्त कर रही हैं। तो एक इस प्रकार का क्रिकेट आज न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है। चलिए टीम का स्कोर इन दोनों के साथ हो चुका है 198 तीन विकेट के नुकसान पर। जहां पर लोरा ब्लूडार्ट इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं 93 रन पर, जी हाँ, सिर्फ सात रन दूर है अपने शतक से। वहीं मरियाना कैप भी धीरे धीरे 21 गेंदों पे 19 रन बनाकर खेल रही है। बारिश की भी संभावनाएं बेहद कम है, आसमान बिल्कुल साफ है, बारिश ही आ जाती तो न्यूजीलैंड की टीम को भी अब नहीं, खैर बारिश भी नहीं बचा सकती थी क्योंकि 20 ओवर यहाँ पर हो चुके हैं। तो अब न्यूजीलैंड की टीम को देखिए यहाँ से बचाने वाला कोई भी नहीं है। बाकी फिर भी देखते हैं, चमत्कार हमने कई बार देखे हैं क्रिकेट में होते हुए, क्या पता आज एक और चमत्कार यहाँ पर होते हुए नजर आए। चलिए वैसे भी साउथ अफ्रीकन टीम को चौकर्स टीम कहा जाता है, कहा जाता है कि 35 ओवर के बाद असली डिक्लाइन जो है साउथ अफ्रीकन टीम का वो 35 ओवर के बाद ही होता है। तो 35 ओवर यहाँ से समाप्त हो चुके हैं, तो अब देखते हैं यहाँ पर किस अंदाज में जो मुकाबला है वो चलता है। चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण ओवर्स की शुरुआत होने जा रही है अगले 5 ओवर, 40 ओवर तक का जो मुकाबला है देखिए वो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण। 40 ओवर के बाद यहाँ पर खुद ही डिक्लेयर हो जाएगा कि किस टीम के हाथ में मुकाबले और कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत रही है। चलिए इस बार पॉइंट की दिशा में यहाँ पर किया था कट सीधा फील्डर के हाथों में, फील्डर ने डाइव लगाई वापस फेंका, हालांकि रन नहीं लिया। जैसा कि आपको बताया था लोरा ब्लूडार्ट काफ़ी थकी हुई इस समय नज़र आ रही है, लगता है कि सिर्फ अपना शतक पूरा करने के लिए अब तो क्रीज के ऊपर खड़ी हुई हैं। चलिए कार्सन एक बार फिर से तैयार है, मरियाना कैप को डालेंगे यहाँ पर ये गेंद। चलिए मरियाना कैप ने इस बार इस गेंद को घुटना जमीन पर टिकाकर कवर के ऊपर से एक शानदार चौका, एक बेहतरीन चौका यहाँ पर लगाते हुए। क्या हुआ अगर थक चुकी है लोरा ब्लूडार्ट, क्योंकि क्रीज पर दूसरे छोर पर बाकी है मरियाना कैप, और मरियाना कैप भी यहाँ पर दिखाते हुए कि वो किसी से कम नहीं है बल्लेबाजी करने में। और जब आक्रामक बल्लेबाजी की बात होती है तो मरियाना कैप ने बहुत सारे मौक़ों पर ये चीज़ दिखाई है। चलिए टीम का स्कोर होते हुए 203 के पार हो चुका है टीम का स्कोर, और लगातार पिछड़ती जा रही है न्यूजीलैंड की ये टीम। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर तैयार हैं इस ओवर की अगली गेंद को लेकर कार्सन भी आज थोड़ी सी महंगी साबित हुई है, विकेट जो है वो ज़्यादा ले नहीं पाई हैं। लेकिन चलिए यहाँ से देखते हैं मुकाबला जो किस अंदाज से चलते हुए दिखाई देता है। चलिए बाकी यार आप सभी लोग जुड़िएगा, स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जी हाँ, जुड़ना मत भूलिएगा सेट बैट से।
अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं सेट बैट के ऊपर तो आपको 2000 रुपये तक का कैशबैक बोनस भी मिल सकता है। चलिए 85 गेंदों पर 51 रन चाहिए जीत के लिए। चलिए एक बार फिर से बैक फुट पर जाते हुए इस गेंद को पॉइंट के दिशा में ड्राइव किया था। हालांकि रन यहां से मिल नहीं पाएगा, साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर है 203 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हालांकि देखिए यहां पर साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की है वुमेन्स क्रिकेट में 250 रन दो बड़ी टीमों के बीच में एक बढ़िया कम्पिटिटिव स्कोर हमेशा होता है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों ने बड़ा ही कमाल का काम किया है, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने फील्डर्स ने भी देखिए इतना ही साथ दिया है। साउथ अफ्रीकन टीम का ये बात माननी पड़ेगी, और जिस प्रकार के इंस्टेंसेस हमने आज के इस मुकाबले में देखे हैं वो बातें सीधा बिल्कुल साफ कर देते हैं। ना तो गेंदबाजी के अंदर हमें वो धार दिखाई दी है, ना ही फील्डिंग के अंदर हमें वो जज्बा दिखाई दिया है कि आज के इस मुकाबले को जीतना है। लगातार हमने देखा है कि 4-4 रन सीमा रेखा पर इतने सारे मिस फील्डिंग, फिर एक वो नो बॉल लोरा बुलवर्डाट का, अगर वहाँ पर विकेट आ जाता तो शायद चांसेस थे कि मुकाबला आपको बदलते हुए नज़र आ सकता था। चलिए 36 ओवर समाप्त हो चुके हैं, अब जीत के लिए चाहिए मात्र 51 रन, गेंदे बची हैं यहाँ पर 84। देखते हैं जी किस अंदाज में होती है अब यहाँ पर बल्लेबाजी न्यूजीलैंड की टीम के पास। हालांकि कंधे झुके हुए लग रहे हैं न्यूजीलैंड की इस टीम के, लगता है कि पहले ही हार मान चुकी हैं। तो जब पहले ही हार मान चुकी हैं ये न्यूजीलैंड क्रिकेट की महिलाएं, तो फिर इनको जिता ही कौन सकता है। चलिए साउथ अफ्रीकन टीम का इस समय स्कोर है 203, लोरा बुलवर्डाट का चलिए शतक ही देख लेते हैं, तो कुछ खुशी वहीं से बटोर लेते हैं लोरा बुलवर्डाट के शतक से। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर इस बार बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं रोव ने यहाँ पर डाली है पहली गेंद डालने के लिए होते हुए तैयार। चलिए यहाँ पर पहली गेंद डॉट थी, दूसरी गेंद भी यहाँ पर डॉट थी, और लोरा बुलवर्डाट इस समय स्ट्राइक पर हैं। तो जी हाँ, क्या दबाव, क्या शतक का दबाव यहाँ पर है लोरा बुलवर्डाट के ऊपर। दोनों गेंदें मारने वाली थी, अगर यहाँ पर ये शतक के करीब ना होती तो शायद लोरा बुलवर्डाट इन दोनों गेंदों को आपको सीमा रेखा के बाहर पहुँचाते हुए नजर आती, तो डेफिनेटली शतक के करीब पहुँचने पर शतक का दबाव साफ दिखाई देता हुआ लोरा बुलवर्डाट के ऊपर। चलिए रोव एक बार फिर से यहाँ पर दौड़ते हुए ओवर की तीसरी गेंद के लिए चलिए दौड़ते दौड़ते यहाँ पर बीच में रुक चुकी हैं, वापस जाएंगी अपने बॉलिंग मार्क पर एक बार फिर से यहाँ पर अपने रनअप पर दौड़ना शुरू करेंगे। जी हाँ, चलिए तीसरी गेंद डालेंगे, यहाँ पर लोरा बुलवर्डाट पहुँच चुकी है 95 रन पर 100। जी हाँ, स्ट्राइक आ चुके हैं मरियाना कैप के पास, पिछली गेंद पर एक रन यहाँ पर ले लिया गया था और यहाँ पर स्ट्राइक पर होंगी मरियाना कैप। चलिए रोव एक बार फिर से दौड़ते हुए रोव एक बार फिर से दाएं हाथ की बल्लेबाज मरियाना कैप को, चलिए ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी एंगल के साथ और बाहर की तरफ जाते हुए अंपायर ने अपनी बाजुएं खोली हैं और यहाँ पर वाइड गेंद का इशारा देते हुए इस प्रकार की अगर वाइड गेंदें आती रही तो शायद बल्लेबाजों को रन बनाने की जरूरत भी ना पड़े। लोरा बुलवर्डाट के शतक से पहले वाइड गेंद नो बॉल से ही साउथ अफ्रीकन टीम के पास जीतने का चांस है। चलिए एक अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ते हुए साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर है 205, 3 विकेट के नुकसान पर। मरियाना कैप एक बार फिर से यहाँ पर तैयार हैं स्ट्राइक के ऊपर। चलिए रोव एक बार फिर से इस बार कदमों का इस्तेमाल, यहाँ पर गेंद को हवा में मिड विकेट सीधा फील्डर के हाथों में और ये कैच यहाँ पर छोड़ दिया है एक बार फिर से मरियाना कैप, जो कि 25 रन पर इस समय बल्लेबाजी कर रही थी। एक आसान सा कैच था, प्रैक्टिस मैचों में जिस प्रकार के कैच होते हैं उस प्रकार का कैच गया था फील्डर के पास, लेकिन इस कैच को भी यहाँ पर छोड़ते हुए और लगातार कैच छोड़ते हुए न्यूजीलैंड की टीम, लगातार मैच छोड़ते हुए न्यूजीलैंड की टीम अब मात्र 81 गेंदों में 47 रन चाहिए। दोनों तरफ से कॉम्पिटिशन यहाँ पर लगातार जारी है, साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज आउट होना चाहते हैं लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने और फील्डर्स ने कसम खा लिया कि बिल्कुल आउट नहीं करेंगे। चलिए रोव एक बार फिर से तैयार हैं, रोव एक बार फिर से यहाँ पर होंगी तैयार। काफ़ी निराश गेंदबाजों ने तो देखिए विकेट लेने की उम्मीदें छोड़ ही दी हैं, क्योंकि जिस प्रकार की फील्डिंग न्यूजीलैंड की टीम की हो रही है तो गेंदबाजों के मन से तो आस ही खत्म हो चुकी है कि उनको विकेट आज मिल भी सकता है या नहीं। चलिए रोव एक बार फिर से तैयार हैं, लोरा बुलवर्डाट के पास इस समय स्ट्राइक है जो कि 95 रन पर कर रही है बल्लेबाजी। चलिए ओवर की पाँचवीं गेंद पटकी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को कवर की दिशा में किया है कट, एक रन यहाँ पर आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगा। साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर हो चुका है 207, 3 विकेट के नुकसान पर 36.5 ओवर की समाप्ति के बाद। चलिए 79 गेंदों में यहाँ पर 47 रन चाहिए जीत के लिए। रोव एक बार फिर से तैयार होते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद, सामने होंगी बल्लेबाज मरियाना कैप, जिनको अपनी छोटी सी पारी में सिर्फ 24 रन की पारी खेली है मरियाना कैप ने, लेकिन 24 रन की पारी में 3 जीवनदान मिल चुके हैं और 3 जीवनदान के बलबूते पर मरियाना कैप 24 रन बनाकर इस समय क्रीज के ऊपर मौजूद है। चलिए आखिरी गेंद काफ़ी शानदार डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए 37 ओवर होते हुए समाप्त। साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर है 207, 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए इंतजार
इंतजार है लोरा वुलवडाट के शतक का, क्या शतक पूरा हो पाएगा? और सबसे बड़ी बात, शतक के बाद बल्लेबाजी किस प्रकार की होगी? जी आक्रामक बल्लेबाजी होगी ही होगी, लेकिन अब यहाँ से विकेट, जी हम बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड की टीम को यहाँ से विकेट लेने पड़ेंगे, वो अब जो समय है ना वो बीतता हुआ, जी हाँ यहाँ से वो समय अब बीतता हुआ। अगर यहाँ से भी विकेट नहीं मिले तो फिर आगे आने वाले समय में विकेट्स लेना भी जो है वो बेकार हो जाएगा। चलिए बाकी आप सभी लोग यार जुड़िएगा, स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, सेट बैट के ऊपर जाकर अपनी आईडी बनाना मत भूलिएगा, चाहे ये मुकाबला हो या फिर अगला मुकाबला हो। देखिए इस मुकाबले में जिस प्रकार की फील्डिंग हुई है, हर मैच में आपको इस प्रकार की फील्डिंग नहीं दिखाई देगी। फील्डिंग का स्तर देखिए पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में बढ़ चुका है, चाहे महिलाओं का क्रिकेट हो चाहे पुरुषों का क्रिकेट हो, फील्डिंग का स्तर देखिए बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ पर फील्डिंग का जो स्तर है वो थोड़ा सा नीचे गिरते हुए हमने आज देखा है, लेकिन आप सेट बैट पर कोई भी मुकाबला देख सकते हैं। जी हां वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है तो जाकर अपनी आईडी बना लीजिएगा, वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो जाइएगा। बाकी वर्ल्ड कप का पूरा ब्रॉडकास्ट आपको इसी चैनल पर दिखाई देगा। चलिए टीम का स्कोर है 208, 3 विकेट के नुकसान पर 38वें ओवर की हो चुकी है शुरुआत। कार्सन एक बार फिर से आ चुकी हैं। पहली गेंद पर लोरा वुलवडाट ने सिंगल लेकर स्ट्राइक दे दिया मरियाना कैप को। लोरा वुलवडाट पहुंच चुकी है 97वें रन पर और साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर हो चुका है 208, 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए 38वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार है यहाँ पर कार्सन, सामने होंगी बल्लेबाज मरियाना कैप, जो कि पिछले 3 से 4 ओवर में कई बार गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुँचाने का प्रयास कर चुकी हैं, हालांकि एक बार सफल भी हुई हैं, लेकिन 2 बार जीवनदान भी इनको मिल चुका है। चलिए कार्सन एक बार फिर से तैयार है ओवर की दूसरी गेंद लेकर। चलिए इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, पॉइंट की दिशा में किया था इस गेंद को कट, कोई रन नहीं, डॉट गेंद यहां पर आते हुए। तो जी हां लगातार डॉट गेंद का सिलसिला यहां पर जारी है, लेकिन यहां पर विकेट चाहिए, 75 गेंदों में 46 रन चाहिए इस टीम को जीतने के लिए। और साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर हो चुका है 208, 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए कार्सन एक बार फिर से यहाँ पर दौड़ते हुए, जी हाँ ओवर की डालेंगे यहाँ पर चौथी गेंद, मरियाना कैप होंगे सामने, क्या एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए जाएंगे, यहाँ लगातार प्रयास। चलिए इस बार इस गेंद को खेलना चाहती थी लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर जाते हुए डीप पॉइंट की दिशा में, एक रन यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। और ये लीजिएगा स्ट्राइक आ चुके लोरा वुलवडाट के पास, साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर है 209, 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए जी 38वें ओवर की यहाँ पर, जी हाँ 38वें ओवर यहाँ पर समाप्त होने वाला है और लोरा वुलवडाट यहाँ पर 97वें रन पर करते हुए बल्लेबाजी। जी हाँ बहुत जल्द उनका शतक देखने वाले हैं। चलिए जी जो भी हो, लेकिन शतक देखिए काफ़ी शानदार है, अच्छे क्रिकेट को तो ठीक है, अच्छे क्रिकेट की देखिए हम सभी तारीफ ही करते हैं, बाकी यहाँ पर अब देखते हैं शतक कब तक पूरा हो पाता। चलिए कार्सन एक बार फिर से यहाँ पर तैयार हैं लोरा वुलवडाट ने। चलिए इस गेंद पर हल्के हाथों से सिंगल लेकर स्ट्राइक दे दिया मरियाना कैप को, मरियाना कैप के पास आ चुकी है स्ट्राइक, साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर है 210, 3 विकेट के नुकसान पर। तो जी हाँ देखते हैं किस अंदाज में यहाँ पर चलती है बल्लेबाजी, 38 ओवर समाप्त हो चुके हैं। हालांकि आप सभी लोग यार अपने सवाल भी भेजते रहिएगा, सवाल भेजिएगा क्या कहना है आपको। और देखिए हार जीत मुकाबले के अंदर होती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो फाइटिंग स्पिरिट आज न्यूजीलैंड की टीम के अंदर दिखी नहीं, 250 रन कम नहीं होते हैं किसी भी मैदान पर, खासकर महिलाओं के क्रिकेट में 250 रन बहुत होते हैं फाइटिंग पुट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है, जिस प्रकार से फील्डिंग हुई है, लगता है कि मुकाबले के शुरुआत में ही जीत की जो संभावना है उसको नकार दिया था न्यूजीलैंड वालों ने आज यहाँ पर। बाकी देखते हैं जी किस अंदाज में मुकाबला यहाँ पर चलता है। चलिए देखते हैं जी किस अंदाज में यहाँ पर मुकाबला चलता है। बाकी आप सभी लोग यहाँ जुड़िएगा, स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा। यहाँ पर एक बार फिर से 39वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है, रो आ चुकी हैं यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए और यहाँ पर पहली गेंद डालेंगे, सामने होंगी बल्लेबाज लोरा वुलवडाट। चलिए इस ओवर में शतक आर्या पार होने वाला है, इस ओवर में फैसला हो जाएगा कि क्या लोरा वुलवडाट का यहाँ पर शतक होगा या नहीं। चलिए ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार है यहाँ पर रो, सामने बल्लेबाज मौजूद है लोरा वुलवडाट। चलिए लोरा को ये गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को मिड आउट के दिशा में ड्राइव कर दिया, बेहतरीन चौका और ये आता हुआ यहाँ पर चौका, और चौके के साथ ही आता हुआ लोरा वुलवडाट का यहाँ पर शतक। जी हाँ 102 रन हो चुके हैं, खिलाड़ी में जश्न का माहौल है, दोनों खिलाड़ियों ने आपस में मिला है गले और उसके बाद फिर दर्शकों की तरफ और उसके बाद फिर पवेलियन की तरफ अभिवादन स्वीकार करते हुए लोरा वुलवडाट। टीम का स्कोर हो चुका है 214 रन,
तीन विकेट के नुकसान पर। चलिए 38.2 ओवर की हो चुकी है समाप्ति और जी आप सिर्फ 40 रन चाहिए जीत के लिए, अब सिर्फ 40 रन चाहिए मुकाबले में जीत के लिए। 70 गेंदें अभी भी यहां पर बची हुई हैं। चलिए रो एक बार फिर से तैयार है जी, अभी भी लगातार हम बात कर रहे हैं। विकेट देखिए मुकाबले के किसी भी वक्त आए तो वो विकेट अपना काम करेंगे। जी हाँ, विकेट का काम होता है टीम के ऊपर दबाव बनाना, दबाव बनेगा लेकिन विकेट यहाँ पर लेनी पड़ेंगी। जी हाँ, चलिए रो एक बार फिर से तैयार, हालांकि अब जीत के लिए सिर्फ 39 रन चाहिए। यहाँ पर विकेट का ज़्यादा औचित्य बचता नहीं है लेकिन कम से कम एक कोशिश तो करनी चाहिए, न्यूजीलैंड की टीम एक कोशिश तो कर ही सकती है। चलिए रो एक बार फिर से तैयार हैं, लोरा वुलब्राट को इस बार मिडल स्टंप पर गेंद थी, गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक करके तेजी से एक रन यहां पर दौड़ लिया है। स्ट्राइक आ चुके हैं मरियाना कैप के पास। साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर हो चुका है 216 रन तीन विकेट के नुकसान पर। चलिए 39 ओवर इस समय प्रगति पर है, दो गेंदें अभी भी यहां पर बची हैं, स्ट्राइक पर मौजूद है एक बार फिर से लोरा वुलब्राट जो कि 118 गेंदों पर 103 रन बनाकर खेल रही हैं। चलिए अब क्या कुछ बड़े शॉट आपको लगते हुए यहां पर दिखाई दे सकते हैं क्योंकि लोरा का शतक पूरा हो चुका है। अब शायद कुछ बड़े शॉट, सब कुछ तूफानी छक्के, आसमानी छक्के यहां पर दिखाई दे सकते हैं और वहीं पर विकेट जाने का भी चांस अब यहां पर रहेगा क्योंकि देखिए बल्लेबाज पहले ही थोड़ा थकी हुई नजर आ रही हैं। 118 गेंदें काफी वक्त से क्रीज के ऊपर खड़ी हैं तो यहां पर विकेट लेने का भी चांस है न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ियों के पास। अब देखते हैं कौन सी गेंदबाज इस वक्त का फायदा उठा पाएंगी। चलिए रो एक बार फिर से तैयार हैं, चलिए रो की यहां पर यह गेंद थी लोरा वुलब्राट को ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार इस गेंद को खेलने का प्रयास किया था पॉइंट की दिशा में, कोई रन नहीं, डॉट गेंद यहां पर आते हुए। चलिए साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर हो चुका है 216 रन तीन विकेट के नुकसान पर। रो एक बार फिर से तैयार होते हुए जी हां, सामने होंगी बल्लेबाज लोरा वुलब्राट। चलिए ओवर की आखिरी गेंद लेकर यहां पर तैयार है। चलिए जी ओवर की यहां पर आखिरी गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद, इस बार बैक फुट पर जाते हुए गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में किया था पंच लेकिन इस बार फील्डर वहां पर मौजूद है तो रन कोई मिल नहीं पाएगा। और जी हां, डॉट गेंद के साथ होते हुए ओवर की समाप्ति। साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर है 216 तीन विकेट के नुकसान पर। 39 ओवर समाप्त हो चुके हैं और जी आप जीत के लिए चाहिए मात्र 38 रन। जी हां, 66 गेंदें, फासला लगातार धीरे धीरे कम होता जा रहा है जीत का और ये आंकड़ा 38 का भी है। अगर अगले 2 से 3 ओवर यहाँ पर विकेट नहीं आती है तो शायद आपको 38 से 30, 30 से 20 और मुकाबला अपनी समाप्ति की तरफ यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता हुआ। हालांकि यार आप सभी लोग स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा और जी एक बार फिर से आपको बता दूँ, सेट बैट पर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सेट बैट पर जाएगा, वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है तो वहाँ पर भी काफ़ी शानदार मुकाबले आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लाइव क्रिकेट आप देख सकते हैं, मुकाबले के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जी हाँ पैसा जीत सकते हैं। बाकी हम तो हैं ही आपके साथ वर्ल्ड कप में जो जुड़ेंगे, तो अभी के अभी जाइएगा सेट बैट के ऊपर, अपनी आईडी जो है वो बना लीजिएगा। चलिए जी यहाँ पर देखते हैं अब कौन सी गेंदबाज को यहाँ पर बुलाया जाता है, किस गेंदबाज को यहाँ पर। चलिए अमेलिया कर आते हुए, अमेलिया कर की पहली गेंद पर यहाँ पर मरियाना कैप ने हल्का सा बैकफुट पर जाते हुए शफल करते हुए लेग स्टंप की तरफ गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला, एक रन पूरा किया, दूसरा रन भी आसानी के साथ ले लिया। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर होते हुए। साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर है इस समय 218 तीन विकेट के नुकसान पर 39.1 ओवर की समाप्ति के बाद। तो जी हाँ, देखते हैं किस अंदाज में यहाँ पर मुकाबला चलता है। एक बार फिर से दूसरी गेंद लेकर तैयार हैं अमेलिया कर, दूसरी गेंद लेकर यहाँ पर तैयार हैं। किस तरह से, किस अंदाज में यहाँ पर करती हैं आज बल्लेबाजी, देखना रहेगा दिलचस्प। बाकी यार आप सभी लोग जुड़िएगा, स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं, चलिए जी अमेलिया कर एक बार फिर से तैयार हैं। जी हाँ, गेंदबाजी काफ़ी ठीक ठाक ही है, अगर फील्डिंग थोड़ा सा यहाँ पर ठीक रहती तो फिर जो गेंदबाजी है वो भी यहाँ पर कमाल होते हुए आपको दिखाई दे सकती थी। तो जी हाँ, देखते हैं किस अंदाज में, किस तरह से यहाँ पर मुकाबला चलते हुए दिखाई देती। चलिए देखते हैं किस अंदाज में यहाँ पर जो मुकाबला है वो चलते हुए दिखाई देता है। साउथ अफ्रीकन टीम यहाँ पर देखिए इस मुकाबले के अंदर वापसी हुई है, वापसी क्या जीत की दहलीज पर लगभग खड़ी हुई है। चलिए 62 गेंदों में यहाँ पर 34 रन चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट मात्र रह चुका है 3.29 रन प्रति ओवर का। चलिए एक बार फिर से अमेलिया कर तैयार है, ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, इस बार पॉइंट की दिशा में गेंद को गाइड किया था, हालांकि रन मिल नहीं पाएगा और डॉट गेंद के साथ यहां पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। चलिए इस ओवर की 5 गेंदों में 4 रन आ चुके हैं,
साउथ अफ्रीका का स्कोर हो चुका है 220 तीन विकेट के नुकसान पर। चलिए एक बार फिर से 40वें ओवर की यहां पर होगी आखिरी गेंद। 45 ओवर तक इस मुकाबले को ख़त्म हो जाना चाहिए साउथ अफ्रीका को। अगर जीतना है तो थोड़ा सा जल्दी ख़त्म कीजिएगा, जल्दी जीतिएगा, इस प्रकार की जीत के भी क्या ही फायदे। चलिए जी, 60 गेंदों में अब 33 रन चाहिए। आखिरी गेंद पर आते हुए सिंगल साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर है 221 तीन विकेट के नुकसान पर। 40 ओवर समाप्त हो चुके हैं जी, आखिरी 10 ओवर का खेल बचा है। आखिरी 10 ओवर का खेल बचा जरूर है, लेकिन 10 ओवर मुकाबला जाएगा नहीं। लोरा वुलुडाट शानदार अंदाज में अपना शतक पूरा कर चुकी है, 104 रन बना चुकी है। वहीं मरियाना कैप 30 रन इस समय बनाकर खेल रही है जी, 37 गेंदों का सामना किया है। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की ये पार्टनरशिप है। हालांकि आज अगर देखा जाए साउथ अफ्रीकन टीम में पार्टनरशिप तो काफ़ी हुई है, लेकिन ये पार्टनरशिप जो है ना उसकी बात ही अलग है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण मौके पर एक ऐसा मौका जहाँ पर साउथ अफ्रीकन टीम थोड़ा सा वल्नरेबल थी, जहाँ से न्यूजीलैंड की टीम वापसी कर सकती थी, वहाँ पर यह साझेदारी हुई। और मरियाना कैप की तारीफ करनी पड़ेगी, टिकी नहीं है क्रीज के ऊपर, टिकने के साथ साथ यहाँ पर रन भी बनाए हैं और काफ़ी शानदार अंदाज में रन जोड़े हैं अपनी टीम के लिए। और जो दबाव था लोरा वुलुडाट के ऊपर उसको काफ़ी हद तक कम किया था। और ये मरियाना कैप की ही देन है कि लोरा वुलुडाट अपना आज बिना दबाव में रहते हुए खेलते हुए आज अपना शतक यहाँ पर पूरा कर पाई हैं। चलिए, साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर है 221 एक बार फिर से। 41वें ओवर की हो चुकी है यहाँ पर शुरुआत, देखते हैं जी 41वें ओवर डालने के लिए कौन है। चलिए जैस्कर आ चुके हैं जो कि मीडियम तेज गेंदबाज है। चलिए, इस गेंद को हल्के हाथों से खेला जरूर था, यॉर्कर गेंद थी, जड़ में डाली गई गेंद थी, सिर्फ और सिर्फ मिड ऑफ की दिशा में, कोई रन नहीं डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए। चलिए, जैस्कर जो कि शानदार गेंदबाज मानी जरूर जाती है, लेकिन आज अभी तक 4 ओवर में 22 रन देकर गई हैं, विकेट कोई उनको मिला नहीं है। लेकिन चलिए मरियाना कैप देखते हैं, मरियाना कैप जो कि इस समय हर तीसरी चौथी गेंद पर जो भी गेंद थोड़ा खराब मिलती है उस पर बड़ा शॉट लगाने से इस समय चूक नहीं रही है। चलिए, जैस्कर एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद थी कवर के दिशा में, बेहतरीन ड्राइव और ये 4 रन प्राप्त करते हुए कमाल का ये चौका यहाँ पर बटोरते हुए मरियाना कैप अपने लिए। लगता है कि मरियाना कैप को ज़्यादा ही जल्दी है मुकाबला समाप्त करने की, हर खराब गेंद पर बड़े शॉट लगाए जा रहे हैं। और न्यूजीलैंड के गेंदबाज भी लगातार हर तीसरी चौथी गेंद पर एक खराब गेंद दिए ही जा रहे हैं। चलिए, साउथ अफ्रीका का स्कोर है 225 तीन विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से 41वें ओवर की यहाँ पर होते हुए शुरुआत जी, या तीसरी गेंद यहाँ पर जैस्कर डालेंगी और सामने होंगी बल्लेबाज मरियाना कैप के, एक बार फिर से बड़ा शॉट यहाँ पर लगाते हुए नजर आ सकती है, देखना दिलचस्प होगा। चलिए, 57 में 29 चाहिए और यहाँ पर अब धीरे धीरे काफ़ी करीब यहाँ पर आते हुए ये टीम जीत के। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या कहते हैं आज की न्यूजीलैंड की टीम की गेंदबाजी और सबसे खास बात इनकी फील्डिंग के बारे में। चलिए, जैस्कर एक बार फिर से ओवर की चौथी गेंद, मरियाना कैप तैयार हैं। चलिए, इस बार छोटी गेंद थी, एक बार फिर से पोल शॉट, ऑल इन हो गई थी। इस बार भी मरियाना कैप बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, लेकिन स्क्वेयर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद है, सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा। जी हाँ, इस एक रन के साथ स्ट्राइक पर आ चुकी हैं लोरा वुलवराट जो कि शानदार बल्लेबाजी, 104 रन बना चुके हैं। काफ़ी वक्त हो चुका है क्रीज के ऊपर बिता चुके हैं, तो शायद अब जल्द से जल्द मुकाबला समाप्त करना चाहेंगे, तो कुछ बड़े शॉट्स क्या हम देख सकते हैं लोरा वुलवराट के बल्ले से। चलिए, एक बार फिर से जैस्कर तैयार हैं। जी हाँ, इस बार काफ़ी शानदार गुड लेंथ पर यह गेंद थी, हल्का सा एंगल के साथ अंदर की तरफ इस गेंद को लाते हुए, जी हाँ, बैट और पैड एक सीध में बल्ले के बीच में लगते हुए। चलिए, साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर है 226 तीन विकेट के नुकसान पर। आज साउथ अफ्रीकन टीम के बल्लेबाजों की जो कार्यशैली है ना वो काफ़ी कमाल की रही है। लोरा वुलवराट जो कि एक आक्रामक शैली की बल्लेबाज मानी जाती हैं, अभी तक भी आप देखिएगा वो जानते हैं कि उनका टिकना क्रीज के ऊपर कितना जरूरी है। यहाँ पर भी बड़े शॉट लगाने का प्रयास है नहीं, तो खुद क्रीज पर खड़ा होना चाहती है, शायद मुकाबले को अंत तक लेकर विनिंग शॉट भी आज लगाना चाहती है। तो जी हाँ, ये बड़े बल्लेबाजों की निशानी होती है, मगर आपने इतनी देर आप टिक ही गए हैं तो आपको फिर मुकाबला समाप्त करके ही जाना चाहिए। चलिए, 41 ओवर समाप्त हो चुके हैं, साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर है 226 तीन विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए 54 गेंदों में 28 रन। जी हाँ, देखते हैं गेंदबाजी कौन करते हैं। चलिए जी, यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिंक्स ब्रेक, थोड़ा सा मुकाबला यहाँ पर रुकते हुए, हालांकि ड्रिंक्स ब्रेक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जी हाँ, बल्लेबाज पानी जरूर पीते हुए। चलिए, साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर है 226 तीन विकेट के नुकसान पर। बाकी अब 54 गेंदों में 28 रन यहाँ पर चाहिए जीत के लिए, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी आसान होना चाहिए। जी हाँ, अब यहाँ से काफ़ी आसान ये जीत होनी चाहिए साउथ अफ्रीकन टीम के लिए, और न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाज अब चाहकर भी शायद कुछ नहीं कर सकते हैं इस मुकाबले के अंदर। चलिए, बाकी देखते हैं जी गेंदबाजी किसको यहाँ पर दी जाती है। कार्सन का भी एक ओवर बाकी है, तो कार्सन अपने 9 ओवर डाल चुके हैं, शायद कार्सन को यहाँ पर बुला लिया जाए या फिर ताहू के हाथ में यहाँ
पर गेंद थमा दी जाए तो जी हाँ वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रह सकता है। मेरे ख्याल से ताहू से गेंदबाजी करवा लेनी चाहिए, दो विकेट पहले ही उनको मिल चुके हैं, शायद तीसरा चौथा विकेट यहाँ पर मिल जाए। मुकाबला तो वैसे भी न्यूजीलैंड की टीम देखिए यहाँ से हार चुकी है लगभग लगभग, लेकिन उनका जो पर्सनल रिकॉर्ड है वो शायद बेहतर होते हुए आपको नज़र आएगा। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर तैयार हैं जी हाँ, देखते हैं किसको बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। चलिए 42वें ओवर के यहाँ पर पहली गेंद, इस गेंद को हल्के हाथों से कवर की दिशा में खेलकर एक रन प्राप्त कर लिया मरियाना के अपने स्ट्राइक पर आ चुकी हैं एक बार फिर से लोरा वुलडार्ट जी हाँ, देखते हैं किस अंदाज में यहाँ पर होती है बल्लेबाजी और कब तक ये मुकाबला चलते हुए दिखाई दे रहा है। 27 रन बाकी हैं अभी जीतने के लिए, तो 27 गेंदों से ज़्यादा तो ये मुकाबला देखिए चलना नहीं चाहिए। चलिए 42वें ओवर की यहाँ पर दूसरी गेंद लेकर तैयार हैं अमीलिया कर। चलिए अमीलिया कर के ऊपर कप्तान ने जताया है भरोसा, जिनको अब तक विकेट नहीं मिल पाया है। जी हाँ मौके बनाए हैं लेकिन वही है कि यार साधारण फील्डिंग का गिरता हुआ लगातार स्तर न्यूजीलैंड की टीम को इस मुकाबले के अंदर ये डूबा। चलिए अमेलिया करके इस गेंद को पॉइंट की दिशा में बेहतरीन कट एक चौका प्राप्त करते हुए, इस बार ये चौका आता हुआ लोरा वुलडार्ट के बल्ले से साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर हो चुका है 231 तीन विकेट के नुकसान। शानदार बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी, आकर्षक बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा और साउथ अफ्रीकन टीम में 250 रन का स्कोर ठीक ठाक लग रहा था, किसी भी बड़ी टीम के लिए कॉम्पिटिटिव स्कोर हो सकता था, लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम ने जिस तरीके से इस बड़े स्कोर को बनाया है आसान, यही निशानी है वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन टीमों में से नाम शुमार होता है साउथ अफ्रीकन टीम का। और जिस अंदाज में आज न्यूजीलैंड की टीम को हराया है, जी हाँ पहले मुकाबले में भी मात दी थी, आज के इस मुकाबले में भी मात दे चुकी है। तो हालांकि देखिए सीरीज़ तो यहाँ पर जीती जा चुकी है साउथ अफ्रीकन टीम के द्वारा और न्यूजीलैंड की टीम का जो प्रदर्शन है वो लगातार गिरता ही जा रहा है। पहले मैच में थोड़ा ठीक था, इस मैच में और गिर गया, अब तीसरे मैच में देखते हैं किस प्रकार की यहाँ पर वापसी होगी। चलिए अमेलिया कर एक बार फिर से तैयार है, ओवर की पाँचवीं गेंद यहाँ पर डाली थी बल्लेबाज ने लोरा वुलडार्ट ने, इस गेंद को स्क्वेयर लेग की दिशा में खेलकर एक रन प्राप्त कर लिया। चलिए स्ट्राइक पर इस समय आ चुकी हैं मरियाना कैफ जो कि खेल रही हैं 36 रन पर, ओवर की हो गई आखिरी गेंद, क्या आखिरी गेंद को उठाकर खेलना चाहेंगी, क्या एक बड़ा शॉट यहाँ पर लगाना चाहेंगी, जी नहीं कवर की दिशा में हल्के हाथों से खेला, फील्डर मौजूद है, जी हाँ रन यहाँ पर कोई मिलेगा नहीं। डॉट गेंद के साथ होते हुए ओवर की समाप्ति, इस ओवर के अंदर आए हैं मात्र 6 रन, साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर हो चुका है 232 तीन विकेट के नुकसान पर 42 ओवर समाप्त होते हुए। चलिए 48 गेंदों में मात्र 22 रन चाहिए जीत के लिए, टारगेट था 254 का जिसके लगभग लगभग करीब यहाँ पर पहुँच चुकी है साउथ अफ्रीकन टीम। और दो बड़े बल्लेबाज, दो मजे हुए बल्लेबाज, दो ऐसे बल्लेबाज जो कि काफ़ी वक्त क्रीज के ऊपर बिता चुके हैं, अभी भी क्रीज के ऊपर उपलब्ध हैं। चलिए अब देखते हैं गेंदबाजी यहाँ पर किससे करवाई जाएगी क्योंकि 42 ओवर समाप्त हो चुके हैं, अमेलिया कर का भी एक ही ओवर अभी बाकी है, कार्सन का भी अभी सिर्फ एक ही ओवर बाकी है, तो ताहू को यहाँ पर बुलाया जा सकता है या नहीं क्योंकि देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि शायद अगर वो गेंदबाजी करने आएंगे तो एक आधा चांस यहाँ पर रह सकता है। चलिए जैस्कर आई हैं, हालांकि जैस्कर को यहाँ पर बुलाया गया है पहली गेंद, दोरा वुलडार्ट ने इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, कोई रन नहीं, डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए। चलिए अगली गेंद करने के लिए तैयार होते हुए यहाँ पर जैस्कर, सामने बल्लेबाज मौजूद है लोरा वुलडार्ट, जी हाँ थकी हुई हैं, थोड़ा सा थकी हुई हैं, लेकिन चलिए इस बार इस गेंद को खत्म होगा इस्तेमाल, गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ा है, शानदार चौका यहां पर प्राप्त करते हुए, थकी हुई हैं लेकिन हार नहीं मानी है लोरा वुलडार्ट ने, जी हां क्या शानदार बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर 236 तीन विकेट के नुकसान पर, लोरा वुलडार्ट पहुंच चुकी है 113 रन पर। चलिए अब 46 गेंदों में 18 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जी हां देखते हैं किस अंदाज में होती है आज यहां पर बल्लेबाजी देखिए बड़ी शानदार हुई है, लेकिन अब जीत की राह कब तक तय होती है, कौन से ओवर में यहां पर जीत मिल पाती है साउथ अफ्रीकन टीम को। चलिए जैस्कर एक बार फिर से तैयार हैं, ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए सामने होंगी बल्लेबाज लोरा वुलडार्ट। चलिए इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, पॉइंट की दिशा में कट जरूर किया था लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद और इस बार फील्डर रोकने में कामयाब रही है इस गेंद को, जी हाँ कोई रन नहीं, डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए। चलिए जैस्कर एक बार फिर से ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार हैं लोरा वुलडार्ट को। चलिए इस बार फुल टॉस गेंद, ऐसा लगा गेंद हाथ से छूटी, गेंदबाज के सर के ऊपर से बेहतरीन चौका लगाते हुए, जी हाँ बिल्कुल सीधा शॉट था, स्ट्रेट ड्राइव, शायद यहाँ पर गेंदबाज जो है वो यॉर्कर गेंद डालना चाहती थी लेकिन गेंद हाथ से छूटी, लोअर फुल टॉस गेंद जाकर गिरी और लोरा वुलडार्ट 131 गेंदें खेल चुकी है, कहाँ छोड़ने वाली हैं ऐसी गेंदों को। चलिए टीम का स्कोर है 240 तीन विकेट के नुकसान पर, 42.4 ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। चलिए जैस्कर एक बार फिर से तैयार हैं, जी हाँ देखना दिलचस्प होगा जैस्कर, लगातार यही उनका रहा है, शुरू से एक गेंद खाली आती है, दूसरी गेंद पर चौका खाती है, फिर एक डॉट गेंद आती है, फिर चौका खाती है। चलिए ओवर की यहाँ पर पाँचवीं गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, काफ़ी ज़्यादा वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये गेंद थी, इस गेंद को पॉइंट की दिशा में
कट किया था, कोई रन यहां पर नहीं मिल पाएगा। चलिए जी, अभी भी आखिरी गेंद यहां पर बाकी है इस ओवर में, ऑलरेडी अब तक 8 रन आ चुके हैं। अब साउथ अफ्रीकन टीम को जीत के लिए मात्र 14 रन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 14 रन, और अभी भी इस ओवर की एक आखिरी गेंद बाकी है। शायद मरियाना कैप अगले ओवर में आपको कुछ बेहतरीन, कुछ बड़े शॉट्स लगाते हुए डेफिनेटली दिखाई देने वाले। 44वें ओवर में यहाँ पर मरियाना कैप का बल्ला आप घूमते हुए देखने वाले हैं। चलिए, ओवर की आखिरी गेंद डॉट गेंद के साथ होते हुए ओवर की समाप्ति। साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर है 240 तीन विकेट के नुकसान पर। चलिए, 43 ओवर हो चुके हैं यहाँ से समाप्त। 42 गेंदों में 14 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए, जो कि काफ़ी आसान, काफ़ी यहाँ पर एक तरीके से जीत लगभग यहाँ पर तय हो चुकी है साउथ अफ्रीकन टीम की। लेकिन अब देखते हैं, सवाल यही है कि 44वें ओवर में यहाँ पर जीत होती है या फिर 45वें ओवर में यहाँ पर जीत होती है साउथ अफ्रीकन टीम की, और गेंदबाजी यहाँ पर किससे करवाई जाती है। जी हाँ, चलिए देखते हैं। पिछले ओवर में आए थे यहाँ पर 8 रन, आज कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी की है साउथ अफ्रीकन टीम ने। और जी हाँ, तारीफ तो देखिए लगातार करनी पड़ेगी लोरा ब्लू डार्ट की, क्योंकि इतने बड़े स्कोर का पीछा करते हुए जब तक कोई बल्लेबाज एक तरफ टिके ना, इस प्रकार की पारियाँ खेले ना, तब तक जीत देखिए संभव नहीं है। और वैसे भी महिलाओं के क्रिकेट में 250, 254, 255 रन बनाना देखिए आज भी इतना आसान नहीं है। वहाँ पर कंपटीशन हमें देखने के लिए मिलता है, खासकर दो बड़ी टीमों के बीच में। लेकिन यहाँ पर एक तरफा शुरुआती दो विकेट के बाद साउथ अफ्रीकन टीम ने लगभग इस मुकाबले को एक तरफा कर दिया था। बीच में काफ़ी सारे मौके बने थे, कुछ कैच आउट थे, कुछ फील्डिंग यहाँ पर ऐसी थी जो साउथ अफ्रीकन टीम को आज इस मुकाबले में आगे ले गई। लेकिन चलिए, जीवनदान तो देखिए सभी बड़े बल्लेबाजों को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर लोरा ब्लू डार्ट की तारीफ करनी पड़ेगी। 133 रन तक क्रीज के ऊपर खड़े होना, अपना ध्यान बनाए रखना, कंसंट्रेशन बनाए रखना, और अब भी देखिए लोरा ब्लू डार्ट के बल्ले से कुछ ऐसे रैश शॉट हम नहीं देख रहे हैं। जी हाँ, चाहती अंत तक टिकना, इस मुकाबले को अपने हाथों से ख़त्म करना, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, ताहू आ चुके एक बार फिर से। जी हाँ, 7वां ओवर अपना लेकर आते हुए ताहू, जी हाँ, तीसरी गेंद यहाँ पर डालेंगे। शुरुआती दो गेंदों पर आ चुके हैं, 2 सिंगल इस समय स्ट्राइक पर उपलब्ध होंगी मरियाना कैप। चलिए, साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर है 242 तीन विकेट के नुकसान पर। अब जीत के लिए मात्र 12 रन चाहिए। चलिए जी, जी हाँ, जिस दहलीज की बात हम कर रहे थे, जीत की दहलीज पर इस समय साउथ अफ्रीकन टीम आ चुकी है, 2 बड़े शॉट, और इस मुकाबले में न्यूजीलैंड का काम समाप्त हो सकता है। चलिए एक बार फिर से ताहू, जी हाँ, इस बार काफ़ी शानदार ये गेंद थी, तेज गति की ये गेंद थी। इस बार बल्लेबाज ने गेंद को हल्के हाथों से स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़कर सिर्फ 1 रन प्राप्त कर लिया। जी हाँ, ताहू जिस अंदाज में गेंदबाजी करती हैं, इस खिलाड़ी के पास गति है, तो इनको बड़े शॉट लगाना इतना आसान है ना, इनके खिलाफ कदमों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। बाकी सिंगल यहां से प्राप्त हो चुका है, साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर है 242 तीन विकेट के नुकसान पर। अब यहां से स्ट्राइक पर मौजूद होंगे मरियाना कैप। जी हां, शुरुआती दो गेंदों पर 2 रन यहां पर आ चुके हैं। चलिए, पार्टनरशिप की बात करते हैं, 101 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में, तो एक कमाल की यहां पर शतकीय साझेदारी यहां पर होते हुए। चलिए, ताहू यहां पर आते हुए एक बार फिर से। चलिए, इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी, अंपायर का इशारा वाइड गेंद का, ये लीजिएगा। साथ ही गेंदबाजों का असर पड़ चुका है इस खिलाड़ी के ऊपर भी, जो कि काफ़ी शानदार अब तक परफॉर्मेंस दे रही थी। ताहू की तरफ से भी आते हुए एक वाइड गेंद, और यहाँ पर एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ साउथ अफ्रीकन टीम को। चलिए, अब जीत के लिए मात्र चाहिए 11 रन, गेंदें यहाँ पर बची हैं 40। ताहू के हाथ में यहाँ पर गेंद है, सामने है बल्लेबाज मरियाना कैप। इस ओवर में डेफिनेटली आपको एक आधा बड़ा शॉट तो देखने के लिए देखिए मिलने वाला है। चलिए, ताहू एक बार फिर से तैयार हैं। चलिए, इस बार कवर के दिशा में बेहतरीन ड्राइव, पीछे फील्डर मौजूद हैं, सिर्फ 1 ही रन यहां पर मिल पाएगा। जी हां, शॉट ये काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढ बैठे यहां पर मरियाना कैप। चलिए, स्ट्राइक आ चुके लोरा ब्लू डार्ट के पास। जी हां, टीम का स्कोर 244 तीन विकेट के नुकसान पर 43.3 ओवर की समाप्ति के बाद। चलिए, मात्र 10 रन चाहिए। जी हां, 10 रन चाहिए यहाँ पर 39 गेंदों के अंदर। जीत का जो आंकड़ा है वो सिंगल डिजिट में बस पहुँचने ही वाला है यहाँ पर, और साउथ अफ्रीकन टीम को और दोनों बल्लेबाजों को जो इस समय क्रीज पर, उनको जीत साफ दिखाई दे रही है सामने। चलिए, ताहू एक बार फिर से तैयार हैं। जी हाँ, ताहू ओवर की डालेंगे यहाँ पर 4थी गेंद। चलिए, इस बार काफ़ी शानदार ऑफ स्टंप के बाद फुलर लेंथ की गेंद थी, कवर की दिशा में। हालांकि लोरा ब्लू डार्ट ने इस गेंद को ड्राइव किया था, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के पास जाते हुए। टीम का स्कोर है 244 तीन विकेट के नुकसान पर, 43.4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। चलिए, अभी भी 10 रन चाहिए, इस ओवर की 2 गेंदें बाकी हैं। चलिए, लगता है कि 44वें ओवर में तो ये मुकाबला समाप्त नहीं हो पाएगा, लेकिन 45वें ओवर में डेफिनेटली ये मुकाबला आपको समाप्त होते हुए दिखाई देगा। चाहे कोई भी गेंदबाज आए, गेंदबाजी करने के लिए 45 ओवर में आपको कुछ बड़े शॉट्स यहाँ पर लगते हुए डेफिनेटली दिखाई देंगे। चलिए, ताहू एक बार फिर से यहाँ पर तैयार है लोरा ब्लू डार्ट को। मिडल स्टंप पर यह गेंद थी, तेज गति की, स्क्वायर लेग की दिशा में हल्के हाथों से मोड़कर 1 रन प्राप्त कर लिया। स्ट्राइक पर आ चुके हैं
हरियाणा कैप टीम का स्कोर हो चुका है 245 तीन विकेट के नुकसान पर। चलिए अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी है, इस ओवर की अभी भी आखिरी गेंद बाकी है और सामने होंगी आक्रामक शैली की बल्लेबाज मरियाना कैप, जिन्होंने आज लोरा बुलबुर्डाट का भरपूर साथ निभाया है इस मुकाबले के अंदर जहां पर साउथ अफ्रीकन टीम को जरूरत थी उस समय। जी हां, शतकीय साझेदारी बनाई है लोरा के साथ और जी हां, ऐसा नहीं है रन नहीं बनाए हैं, रन बनाए हैं, चार चौके जड़े हैं, लगातार विकेट्स के बीच में रन दौड़े हैं मरियाना कैप ने। चलिए आखिरी गेंद यहां पर आते हुए डॉट, अभी भी टीम का स्कोर है 245, जीत के लिए चाहिए चलिए 9 रन। जीत का जो आंकड़ा है वो सिंगल डिजिट में यहां पर आ चुका है, 45वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। देखते हैं साउथ अफ्रीका की जीत का जो शुभकाम है वो किस गेंदबाज के हाथ से होने वाला है, गेंदबाज आपको बताते हैं कि कौन यहां पर आएगी। जी हाँ, बाकी यहाँ पर अब सिर्फ 9 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो जी हाँ, काफ़ी करीब, काफ़ी बढ़िया एक मुकाबला हमने आज देखा साउथ अफ्रीकन टीम की बल्लेबाजी का, हमने आज डोमिनेंस देखा है कि किस प्रकार से ये टीम बल्लेबाजी कर सकती है और इस टीम के बड़े बल्लेबाज अगर फॉर्म में आ जाएँ तो इस टीम को हराना बेहद मुश्किल और लगभग कई बार नामुमकिन हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि इस टीम के अंदर बल्लेबाज जो हैं वो बड़े ही वर्ल्ड क्लास हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं जी गेंदबाजी यहां पर किसको थमाई जाती है, लेकिन पहली गेंद का सामना यहां पर करेंगे लोरा बुलबुर्डाट जो कि 119 रन पर इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं। चलिए इस बार मिडल स्टंप पर गेंद थी, बैकफुट पर जाते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ा, एक रन पूरा किया, दूसरा रन भी यहां पर दौड़ पड़ी है बल्लेबाज और आसानी के साथ पूरा हो भी जाएगा। चलिए टीम का स्कोर 247, जीत के लिए चाहिए मात्र 7 रन। जी हाँ, सिर्फ 7 रन चाहिए यहाँ पर जीत के लिए, एक बड़ा शॉट और यहाँ पर मुकाबला जो है साउथ अफ्रीका की मुट्ठी में हो सकता है। काफ़ी पहले काफ़ी बड़ी हार यहाँ पर आप ये कह सकते हैं थमाई गई है साउथ अफ्रीकन टीम के द्वारा। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाज तैयार हैं, चलिए इस बार फ्लाइट डिलीवरी, बल्लेबाज ने गेंद को लगने दिया अपने बल्ले के बीचों बीच और कोई रन लेने का यहाँ पर प्रयास नहीं था। और चलिए डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए, चलिए इस डॉट गेंद के साथ लगातार जो जीत की हम बात कर रहे थे इस ओवर में वो थोड़ा सा डिले होते हुए, लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम की देखिए जीत सिर्फ डिले हुई है लेकिन जीत तो तय हो चुकी है, थोड़ा देर से ही सही लेकिन जीत बस आने ही वाली है। चलिए एक बार फिर से इस गेंद को कवर की दिशा में खेलकर एक रन प्राप्त करते हुए, इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 248, अब जीत के लिए चाहिए मात्र 6 रन, गेंदें बची हैं यहां पर 33। कार्सन के हाथों में गेंद थमाई गई है, जी हां, 3 गेंदें कार्सन डाल चुके हैं इस ओवर में, 3 रन आ चुके हैं, लेकिन अब स्ट्राइक है मरियाना कैप के पास, अब स्ट्राइक है मरियाना कैप के पास जो कि बड़े शॉट लगा सकती है। जी हाँ, कोशिश तो कम से कम यहाँ पर करेंगी ही। चलिए कार्सन ने इस गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद, इस गेंद को थर्ड मैन की दिशा में गाइड किया था, एक रन यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा, इस एक रन के साथ स्ट्राइक आ चुकी है लोरा बुलबुर्डाट के पास। साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर है 249 तीन विकेट के नुकसान पर। चलिए अब जीत के लिए 5 रन चाहिए, गेंदें यहाँ पर बची हैं 31। चलिए कार्सन एक बार फिर से तैयार हैं, कार्सन की एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, ये सीधी फेंकी गई गेंद थी लेकिन एक बार फिर से एक ही रन से संतुष्ट यहाँ पर दोनों की दोनों बल्लेबाज। और ये लीजिएगा साउथ अफ्रीकन टीम के 250 रन पूरे हो चुके हैं, 250 रन पूरे हो चुके हैं, 45वें ओवर की अभी भी एक गेंद बाकी और अब सिर्फ जीत के लिए 4 रन चाहिए, एक चौका आखिरी गेंद पर मरियाना कैप के बल्ले से मुकाबला समाप्त हो सकता है। तो जी हाँ, देखते हैं, चलिए आखिरी गेंद, ये गेंद शायद इस मुकाबले की भी आखिरी गेंद हो सकती है। चलिए कार्सन यहाँ पर लेकर आते हुए ओवर की आखिरी गेंद, जी हाँ, इस बार काफ़ी शानदार गेंद थी मिडल स्टंप पर, हल्का सा बैकफुट पर जाते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ा और सिर्फ एक ही रन यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पर एक रन प्राप्त और दूसरे रन के लिए भी यहाँ पर दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़ी हैं। जी आखिर में भी मेहनत करना दोनों की दोनों बल्लेबाज छोड़ नहीं रही हैं। जी हाँ, मुकाबला लगभग जीत चुके हैं लेकिन यहाँ पर भी एक रन को 2 रन में तब्दील किया और तारीफ यहाँ पर लोरा बुलबुर्डाट की इतने समय से क्रीज के ऊपर खड़ी 140 गेंदें खेल चुके हैं उसके बावजूद भी सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का एक भी मौका यहाँ पर छोड़ा नहीं है। चलिए टीम का स्कोर है 252 तीन विकेट के नुकसान पर, अब जीत के लिए चाहिए 2 रन, सिर्फ एक शॉट दूर है साउथ अफ्रीकन टीम इस मुकाबले में, जीत से सिर्फ एक शॉट दूर हैं। अगले ओवर में स्ट्राइक लेते हुए नजर आएंगे लोरा बुलबुर्डाट और जी हां, चाहेंगे कि अगर मुकाबला जीत ही रही है तो लोरा बुलबुर्डाट अपने बल्ले से एक शॉट लगाकर ही यहां पर जिताएं साउथ अफ्रीकन टीम को, क्योंकि देखिए पारी जो बड़ी शानदार ये रही है लोरा बुलबुर्डाट की। चलिए देखते हैं गेंदबाज यहाँ पर कौन आते हैं, ताहू के हाथ में गेंद होनी चाहिए वैसे तो, जी हाँ बिल्कुल, बाकी देखते हैं ताहू किस अंदाज में करती है यहाँ पर गेंदबाजी। चलिए इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद थी कवर के दिशा में, किया है ड्राइव लेकिन फील्डर ने यहाँ पर डाइव लगाई है,
फील्डर ने डाइव लगाकर गेंद को रोका है मैच के अंतिम क्षणों में। ये फील्डिंग करने का शायद कोई फ़ायदा है नहीं, ये फील्डिंग अगर पहले हो जाती न्यूजीलैंड वालों की तरफ से तो शायद यहाँ पर स्थिति कुछ और होते इस मुकाबले के अंदर। यहाँ पर तो छोड़ देना चाहिए था यार इस चौके को और यहाँ पर मुकाबला जीत जाना चाहिए था साउथ अफ्रीकन टीम को। लेकिन चलिए मुकाबले के अंतिम क्षणों में न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से बेहतर कमाल की फील्डिंग यहाँ पर करते हुए। चलिए ताहू एक बार फिर से तैयार हैं, चलिए इस बार इस गेंद को एक बार फिर से कवर के दिशा में, इस बार काफ़ी फाइन ये शॉट, चार रन सीमा रेखा के बाहर और ये मैच साउथ अफ्रीकन टीम जीत चुकी है। जी हाँ, सात विकेट से इस मुकाबले को जीता जा चुका है। मौके थे न्यूजीलैंड की टीम के पास इस मुकाबले में वापसी करने के बीच में काफ़ी सारे, लेकिन वो सारे मौके आज न्यूजीलैंड की टीम ने गंवाए हैं और इस मुकाबले को जीता है साउथ अफ्रीकन टीम ने। चलिए मौके गंवाए हैं न्यूजीलैंड की टीम ने, गलती साउथ अफ्रीका की नहीं है, साउथ अफ्रीका की तरफ से आज हुई है ज़बरदस्त बल्लेबाजी, वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजी आज हमने देखी है इस मैदान के ऊपर। तो जी हाँ, बाकी मुकाबला काफ़ी शानदार था, काफ़ी ज़बरदस्त था। लोरा ब्लूडार्ट की इस पारी को याद रखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में ये पारी छपेगी आने वाले वक्त में, क्योंकि जिस प्रकार से शतक लगाया है और जिस प्रकार से विनिंग शॉट से मुकाबला टीम को जितवाया, जी हाँ शतक लगाया भी और अपनी टीम को जीत दिलवाई भी है, क्योंकि अंतिम के 50-60 रनों में भी देखिए ऐसा लग रहा था कि शायद अगर यहाँ से भी एक या दो विकेट आ जाएंगे तो साउथ अफ्रीकन टीम थोड़ा मुश्किल में पड़ सकती है, और उसी संभावनाओं को नकार दिया पूरी तरह से लोरा ब्लूडार्ट ने। आखिर तक खुद खड़ी रही हैं और खुद अपनी टीम को मुकाबला जितवा कर लेके गई हैं। बाकी तारीफ करनी पड़ेगी मरियाना कैप की भी, जिस अंदाज में साथ दिया है अपनी साथी खिलाड़ी का और जिस प्रकार से यहाँ पर एक शानदार एक अद्भुत पारी यहाँ पर खेली है। बाकी जी हाँ, मुकाबला यहाँ पर जीत चुकी है साउथ अफ्रीकन टीम 7 विकेट से। बाकी सीरीज़ भी यहाँ पर अपने नाम कर चुके हैं साउथ अफ्रीकन टीम, शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर न्यूजीलैंड के खिलाफ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यार सेटबेट के ऊपर जाकर अपनी आईडी बना चुके होंगे। मुकाबले देखिए अच्छे खराब होते रहते हैं, लेकिन फिर भी आज मौके थे, आज काफ़ी सारे यहाँ पर मौके थे न्यूजीलैंड की टीम के पास वापसी करने के, लेकिन मुकाबला एक और बाकी है, वर्ल्ड कप अभी आना बाकी है। तो जी हाँ, सेटबेट पर जाकर अपनी आईडी बनाकर तैयार रखिएगा। बाकी हम तो आपके साथ जुड़ते ही रहेंगे पूरे वर्ल्ड कप की कवरेज लेकर, बाकी उसके साथ साथ बहुत सारे शानदार मुकाबले आने की है। तो चलिए जी, यहाँ पर मुकाबला जीत चुके हैं साउथ अफ्रीकन टीम, जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर से अगले मुकाबले में। तब तक आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि सेटबेट के ऊपर आप अपनी आईडी बना चुके होंगे और जी हाँ, अगले मुकाबले में आपके साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।